चैप्टर के शुरुआत में हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लियांग प्रोविंस को देखते हैं, जहां पर कोई कह रहा था यहां पर पहले बहुत तेजी से फार्मिंग की जाती थी, लेकिन यह सीमा से बहुत दूर स्थित होने के चलते यहां के कुछ कल्चर बैकवर्ड लोगों के मन में हीनता का एक अजीब भाव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वे अपने गुस्सेल स्वभाव के चलते हर कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने लगा और इसी कारण से लियांग प्रोविंस को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लियांग प्रोविंस के मुसून का मैदान वह स्थान था जहाँ गोरिया और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंगेज थे भयंकर, जहाँ प्योंग कान से ब्लैक ड्रैगन की धार पूरे एटमॉस्फेयर में गूंज रही थी। वहीं हयोलू प्योंग डायडियो घू और यंग सैन जैन जो कि नॉर्थ हिस्से को हासिल करने के लिए इन दोनों फैक्शनों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा मुस्लिम के लोगों को अपनी ताकत से हरा दिया। और फिर हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं, जहाँ प्योंग कहता है, मास्टर च्योल काफी समय हो गया जब हम एक दूसरे से मिले थे। च्योल कहता है, लेकिन तुम अच्छे मास्टर की तरह दिख रहे हो। तभी वहीं पास में उन लोगों को देख रहे लोगों में से कोई कहता है, मोयंग ने तकरीबन 10 साल पहले ही गैबेंग गेट को खोल दिया था, तब भी लियांग प्रोविंस के लीडर का पोजीशन अभी भी खाली है। सियोल कहता है, आज मैं अपनी 10,000 शॉट से रियोग वु को अपने पैरों में पड़ी पत्थर की तरह इस्तेमाल करूंगा, जिससे मैं लियांग प्रोविंस में सुपरमेसी हासिल कर लूंगा। डायडियोग का लीडर डांस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड मैन जियोक सेंग कहता है, क्या हमें इतनी बातें करनी चाहिए? पास्ट में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और गोरियो ने अपनी ब्लड बैटल में अंतहीन ब्लड और आंसुओं को बहाया था, और आज मैं उसी प्योंग ह्योंग की जमीन को योंग सिंह के खून से सींचूंगा। इतना सुनते ही सारे लोग डायडियोग के नाम के नारे लगाने लगते हैं। उसी समय सीन कट होकर हमें एक बूढ़े भिखारी को दिखाया जाता है जो शराब पीते हुए कहता है, ये बूढ़ा भिखारी अब ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। उनका कहना है कि डायडियोग वु और योंग सिंह जोंग के लीडर इसमें सबसे बेस्ट है, वे जरूर अपने रेपुटेशन के साथ जी रहे हैं। यह सुनने के बाद कि यह दोनों बिजनेस के लिए नीचे उतर रहे हैं, क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए 1,000 मील दौड़ना वर्थित है? वापस हम बैटल की ओर देखते हैं, जहाँ दोनों के स्वर टकरा रहे थे जिससे काफी प्रेशर निकल रहा था। मास्टरमैन के मैचलेस फोर्स और मास्टर च्योल के ड्रैगन स्वर जब आपस में टकराते हैं तो देखने से ऐसा लगता है मानो जमीन कांप रही हो, जिसे देख वह बूढ़ा भिखारी कहता है, अब कहने में थोड़ा मुश्किल होगा कि दोनों में कौन टॉप पर जाएगा। और हाँ, ये बूढ़ा भिखारी पब्लिक लीडर आयरन मैन होंग मुइग्यू है, हम इसे होंग कहेंगे। और वही देखने वालों में से एक कहता है, किसी को लड़ते हुए देखने से अच्छा और क्या हो सकता है? दूसरा कहता है, मैं अपनी पब्लिक डाटा में इस फाइट के रिजल्ट को रिकॉर्ड करूंगा। तभी वहां कोई आता है जिसे देख बूढ़े होंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वह कहता है, मैं बाधित हूँ इस फाइट को देखने के लिए, यह कैसा चल रहा है? मैं खुद पर गर्व करता था एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मैन के रूप में, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वह कब मेरे इतना पास आ गया। यह क्या है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए, या फिर यह दुनिया? इतना कहते हुए इसके चेहरे को भी देख पाते हैं जो डर के चलते काफी घबराया हुआ था। वापस फाइट की ओर देखते हैं, जहाँ वही दोनों में से एक ड्रैगन स्वर दूसरा मैचलेस फोर्स चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था और एक दूसरे के साथ टकरा रहा था, जिसे देख वही अनजान पर्सन कहता है, तो यही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के फोर्सेस है, मैं इसको एंजॉय कर सकता था अगर यह सामान्य स्थिति होती तो। लेकिन इतना कहकर वह अपनी हाथों में एनर्जी लाने लगता है, लेकिन तभी उसके सीने में दर्द होने लगता है, जिसे वह पकड़ते हुए कहता है, डैमिट, यह अभी होना था। फिर वह खुद को संभालते हुए कहता है, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। और वह दोबारा अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए अपनी बेटी को याद करते हुए कहता है, मेरी छोटी बच्ची, क्या यह तब था? मेरे पास जो समय था मैं उसमें इतना ही कर सकता हूँ। जबकि वह बूढ़ा हंग सोच रहा था, शांति, घनघोर शांति मैं महसूस कर सकता हूँ। यदि वह एक इंसान होता तो यह मान सकते थे कि उसके पास कुछ ताकत होगी, लेकिन इसे देख ऐसा लगता है इसके पास स्टार्टिंग से ही सब्सटेंस है। फिर वह पर्सन पीछे मुड़ते हुए कहता है, मेरे वंशज वापस जरूर आएंगे। इतना कह वह वहाँ से चला जाता है। इसे सुन हंग हैरान हो जाता है और कहता है, वंशज वह यहाँ किसका इंतजार कर रहा था? फिर वह सामने देखते हुए कहता है, उसने बस उसे अपने हाथों से टच किया था। दुनिया में इस तरह की ताकत कैसे हो सकती है? क्या होगा जब यह ताकत किसी पर्सन के खिलाफ प्रयोग किया जाए? और रुको, उसके उन आखिरी शब्दों का क्या मतलब था कि कोई वंशज आएगा? फिर सीन कट होकर हमें गोर्जियो के खूबसूरत पहाड़ियों को दिखाया जाता है, जो कि एक गामा प्लेटियो और दूसरा
नांगग्रिम माउंटेन होता है, जहाँ की चोटी पर लगे पेड़ पर कोई बैठा कह रहा था, क्या खूबसूरत दिन है और हवा भी अच्छी बह रही है, जिंदगी कितनी अच्छी है। और आपको बता दूं, यही हमारा मेन करेक्टर डैन सायू है, तो इसे अब से हम डैन कहेंगे। तभी उसे कोई आवाज पुकारते हुए कहता है, डैन क्या तुम फिर से वहाँ ऊपर हो। डैन उस आवाज की ओर देखते हुए कहता है, क्या नूना तुम ऊपर आना चाहोगी। नूना कहती है, नहीं तुम फिर ऊपर वहाँ चढ़ गए, हालांकि मैंने तुम्हें इससे पहले भी बताया था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो काफी क्यूट होती है और उसका नाम गुंग म्यू होती है, लेकिन हम इसे नूना ही कहेंगे। फिर नूना कहती है, मैं उन जैसी ऊंची जगहों पर नहीं चढ़ सकती हूँ, हमारे गाँव में संभवतः अकेले हो जो इस पर चढ़ सकता है। डैन कहता है, मुझे सच में लगता है तुम्हें यहाँ से आसमान का नजारा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ से देखने पर आसमान और भी अच्छा देखने में लगता है। नूना कहती है, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, तुम बस नीचे आ जाओ, क्योंकि आज जियोक्सान भी आने वाला है, तुम्हें मेरे घर पर चलना चाहिए ताकि हम साथ में लंच कर सके। जिसे सुन डैन हल्की सी मुस्कान देते हुए देखता है और वहीं से कूद जाता है। इस पर नूना कहती है, क्या तुम्हें वाकई इस तरह से कूदते हुए खुद को चोट पहुँचाना अच्छा लगता है। डैन कहता है, मुझे इसका कोई वाह नहीं है, क्योंकि तुम जो हो मेरी इन चोटों को ख्याल रखने के लिए। उसके बाद हम नांगरिम माउंटेन के नीचे गुआंग विलेज को देखते हैं, जहां नूना और डैन को एक साथ जाते हुए कुछ लोग बोल रहे थे, यह लड़का डैन फिर से यहां क्यों आ गया। दूसरा कहता है, वह सच में बेशर्म है, मुझे नहीं पता वह हमारे गाँव में क्यों रह रहा है, जबकि वह डैन क्लैन से बिलोंग करता है। जिसे सुन डैन कहता है, वह यह लोग कुछ तो है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो क्या वह मुझे बुरा भला कहकर थक नहीं जाते। नूना कहती है, मुझे माफ करना, चलो जल्दी घर चलते हैं। तभी रास्ते में जाते हुए दोनों के सामने कोई आते हुए कहता है, नूना क्या तुम फिर से उस लड़के डैन के साथ घूम रही हो। नूना कहती है, सू ड्यूक तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो। ड्यूक कहता है, नूना तुम पहले से ही शादी लायक हो गई हो, लेकिन अभी तक अपने लिए कोई हस्बैंड नहीं खोजा है, क्योंकि तुम इस लड़के डैन के साथ घूमती हो, सही कहा ना। डैन कहता है, गांग सू ड्यूक पहले तुम्हें खुद को देखना चाहिए, जो आज भी 8 साल छोटा बच्चा है, जो अब तक खुद से टॉयलेट और पेशाब नहीं कर सकता। यदि तुम शादी करना चाहते हो तो क्या तुम्हें अपना अधिक ध्यान नहीं रखना चाहिए। जिसे सुन ड्यूक डैन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, कमीने तुमने क्या कहा, क्या तुम अपने फादर से दूसरे जिंदगी में मिलना चाहते हो। मैंने सुना है तुम्हारा बाप भगोरा था, एक भगोरे के बच्चे को इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई, और मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, ठीक है। नूना कहती है, उसे छोड़ दो बस हुआ, लेकिन वह नहीं छोड़ता तो उसके पीछे कोई इविल सा चेहरा बनाते हुए कहता है, ड्यूक क्यों क्या तुमने सुना नहीं। इसे सुन ड्यूक की तो भाई साहब पूरी तरह हिल गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, उसने उसको पीछे से उठा लिया था। तो ड्यूक कहता है, जैक्सन तुम यह क्या कर रहे हो, बास्टर तुम मुझे नीचे उतारो कमीने। जैक्सन कहता है, ड्यूक तुम रास्ते पे खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक रहे थे, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो क्या तुम थोड़ा साइड हट जाओगे। नूना कहती है, जैक्सन तुम जल्दी उसे नीचे रखो, तुम अपनी ताकत को ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। जैक्सन कहता है, नूना तुम क्या कह रही हो, मैं तो बस इसे रास्ता देने को कह रहा था। फिर वह ड्यूक को फेंकते हुए कहता है, क्या यह अब ठीक है। और यह देख नूना और डैन दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जैक्सन के फेंकने से ड्यूक वहीं पास में घर से जाकर टकरा गया था। ड्यूक बाहर निकलते हुए कहता है, तुम जैक्सन बेकार यूजलेस बास्टर्ड कमीने कहीं के। उसके थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था, ग्वांग जैक्सन तुम बेकार बच्चे कहीं के, तुमने उस डैन के पिछवाड़ों को बचाने के लिए हमारे ड्यूक को पीट दिया, जो की चीफ होता है। विलेज चीफ को ऐसे गुस्सा में देख जियोक्सोक एक स्क्रॉल निकालते हुए कहता है, आप शांत हो जाइए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। फिर वह डैन की ओर देखते हुए कहती है, ओह क्या तुम्हारा ही नाम गैंग या डैन है। इसे बेचारा डैन सुनते हुए कहता है, विलेज चीफ। तो नूना कहती है, आप शांत हो जाइए विलेज चीफ, इनमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। फिर जियोक्सोन उसी स्क्रॉल को आगे करते हुए कहता है, युंग री निम ने यह आपको देने के लिए कहा था।
पिछले चैप्टर में हमने जियोक्सन को देखा था जो विलेज चीफ को गुस्सा में देख एक स्क्रॉल को आगे करते हुए कहता है, ह्यूंग री निम ने यह आपको देने के लिए कहा था। इस चैप्टर के शुरुआत में जियोक्सन कहता है, ऐसा लगता है यह न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने यह सीधा आपको देने के लिए कहा था। तो विलेज चीफ उस स्क्रॉल को साइड में ले जाकर देखते हुए कहती है, ह्यूंग री निम ने क्या इंपॉर्टेंट न्यूज भेजी होगी। और पीछे से जियोक्सन कहता है, तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन विलेज चीफ उसकी बातों पर ना ध्यान देकर उस न्यूज को देखकर चौंक जाती है और डैन वहाँ से जाते हुए कुछ सोच रहा था। तभी विलेज चीफ थोड़ी अटकते हुए कहती है, जियोक्सन तुमने इस न्यूज को नहीं देखा है ना। लेकिन विलेज चीफ से कोई कहता है, जियोक्सन पहले ही यहाँ से चला गया है। जिसे सुन विलेज चीफ दोबारा गुस्सा करते हुए कहती है, जियोक्सन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर तुम डैन की वजह से इस तरह काम करते रहे तो मैं तुम्हें ग्वांग क्लैन से बाहर निकाल दूंगी। तो कुछ लोग उसे पकड़ कर रोकते हुए कहता है, शांत हो जाइए विलेज चीफ, शांत हो जाइए, आपको इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि वही साइड में ड्यूक कह रहा था, यदि तुम लोग इस बूढ़ी औरत को मरते हुए ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो जियोक्सन का पीछा करो। फिर वह कहता है, डैन और जियोक्सन तुम दोनों कमीने बास्टर, धिक्कार है तुम पर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियोक्सन ने जो सुअर लाया था उसे नीचे रखते हुए कहता है, आज मैं बहुत भूखा हूँ। नूना कहती है, किसी के लिए इतनी शिकायत जो यहाँ फ्री का खाना खाने आया है, अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो आकर मेरी मदद करो। जियोक्सन कहता है, वैसे भी नूना मुझे तुमसे कुछ कहना है। नूना कहती है, हाँ क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। जियोक्सन कहता है, तुम जिस व्यक्ति को देख रही हो उसके बारे में कब बताने वाली थी। नूना हैरान होते हुए पूछती है, जियोक्सन तुम इस दुनिया के बारे में क्या जानते हो। डैन कहता है, हूँ क्या कोई व्यक्ति। नूना क्या तुम सच में किसी को पसंद करती हो। जियोक्सन कहता है, मुझे क्या मालूम, हालांकि गाँव में सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। रेशम बेचने वाले क्लैन का वह लड़का जिसे तुम इन दिनों देख रही हो, क्या तुम एक दूसरे को पसंद करती हो। जिसे सुन डैन को कुछ समझ नहीं आता। नूना कहती है, कौन है वो लड़का और किसने कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। जियोक्सन कहता है, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट शादी करने वाली हो। नूना कहती है, बेवकूफ कहीं के तुम चुप हो जाओ। फिर वह थोड़ा ब्लशिंग करते हुए कहती है, सच तो यह है कि मैं किसी को देख रही हूँ, लेकिन वह हमारे गाँव से बहुत दूर रहता है, इसलिए हम बार बार नहीं मिल सकते। हमने अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है। जियोक्सन कहता है, चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है। वर्किंग है और कुल मिलाकर उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है, वह एक अच्छे आदमी की तरह लगता है। यदि तुम उसे पसंद करती हो तो मैं उसे तुम्हें देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और हम डैन को देखते हैं जो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद डैन को हम उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते हैं जो सोच रहा था, क्या शादी, नूना पहले से ही शादी लायक हो गई है। ऐसे ही सोचते सोचते उसको वही रात हो जाती है। तो वह वापस गाँव पहुँच कर घर के अंदर से अपने बो एंड एरो को लेकर जाते हुए नूना की ओर देखता है और कुछ सोच कर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद डैन को जंगल में देखते हैं, जहाँ वो दो हर्बों को अपने हाथों में लेकर खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ये मिल गया, मुझे पता था मेरी किस्मत अच्छी है। और थोड़ी देर बाद रात भी हो जाती है। ऐसे ही उसे हर्ब ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, जिससे पूरे जंगल में ठंड और फॉग बढ़ने लगता है। जिसे देख डैन कहता है, आह मेरी खराब किस्मत, मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ रात हो गई है जिसके कारण फॉग भी बढ़ रहा है। इस स्थिति में माउंटेन से नीचे जाना थोड़ा थका देने वाला होगा, ऐसा वो सोच ही रहा था। तभी उसे जंगल के बीच आग जलते हुए नजर आता है, जिसे देख डैन कहता है, इस डीप माउंटेन में ऐसा कौन कर सकता है। फिर वो थोड़ा पास जाकर देखता है तो वो वहाँ उसी बूढ़े पर्सन को देखता है जिसे हमने चैप्टर 1 में देखा था। तो डैन कहता है, इसे देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो यहाँ खो गया है, ना ही उसे देखने से ऐसा लगता है कि वह खतरनाक होगा, लेकिन यह अजीब सी फीलिंग मुझे क्यों महसूस हो रही है, ऐसा क्यों लगता है कि वह केवल मेरी आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो यहाँ मौजूद नहीं है, मुझे सावधान रहने की जरूरत है। अभी वो पर्सन कहता है, तुमने ठीक कहा, तुम्हें निश्चित रूप से इस डीप माउंटेन में स्ट्रेंज पर्सनों से सावधान होना चाहिए, यह नॉर्मल होगा। जिसे सुन डैन हैरानी के साथ साथ डर भी जाता है। वो पर्सन कहता है, जब तुम बिना किसी वेपन के मुझ पर छुपके से नजर रखते हो, मुझे यह अच्छा महसूस नहीं कराता है, यहाँ से चले जाओ या फिर तुम मुझे अजमाना चाहोगे। डैन घबराते हुए कहता है, हाँ आप क्या कह रहे हैं। मैं तो बस अंधेरा और फॉग के कारण यहाँ आ गया, क्या मैं सुबह तक यहाँ रुक सकता हूँ, क्या आप प्लीज मुझे यहाँ रुकने दे सकते हैं रात भर। वो पर्सन डैन की ओर अपनी गहरी आंखों से देखते हुए थोड़ी देर सोचने के
बाद कहता है, ठीक है तुम यहाँ आकर बैठ सकते हो। डैन वहाँ बैठकर अपने खाने को पकाकर उसी पर्सन को देते हुए कहता है, क्या आप इसे खाना चाहेंगे? हम माउंटेन के बीच हैं, इसलिए मैं आपको अच्छा खाना नहीं खिला सकता। वो पर्सन उस खाने को लेकर कुछ सोचता है और फिर खाने लगता है, जिसे देख डैन सोच रहा था, मुझे उसे देखने से लगता है उसे शायद भूख नहीं लगती। वो पर्सन कहता है, मुझे अजीब तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम जल्दी से खाना खाते हो तो इसका मतलब है कि तुम उस खाने को ठीक से चबा नहीं रहे हो, जिससे तुम्हारा शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हें धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। अगर तुम ठीक से खाना खाते हो तो भोजन की थोड़ी मात्रा भी तुम्हारे शरीर को हिलाने के लिए पर्याप्त शक्ति दे सकता है। वो डैन की ओर देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन? डैन खाना खाते हुए कहता है, मैं डैन सायू हूँ, मैं होंग एन रियांग माउंटेन के नीचे वाले गाँव में रहता हूँ। वह पर्सन कहता है, क्या तुम हवा चियोन मीन गाँव के बारे में बात कर रहे हो? मैंने सुना है वहाँ केवल गुआंग फैमिली के ही लोग रह सकते हैं, लेकिन यह सरप्राइजिंग की बात है कि तुम डैन हो। डैन थोड़ा ऑकवर्ड सा चेहरा बनाते हुए कहता है, यह कुछ खास परिस्थितियों का कारण इस तरह है। वह पर्सन कहता है, यह तो इंटरेस्टिंग है, क्या तुम अपने डर को अपने स्माइल के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? डैन घबराते हुए सोचता है, क्या यह हो सकता है वह मेरे दिमाग में चल रही सारी चीजों को पढ़ रहा हो? उसकी अजीबोगरीब रंग की आंखें मुझे डरा रही है। डैन मुस्कुराते हुए कहता है, वेल आप कहाँ जा रहे हैं सर? यह माउंटेन इस जगह पर सबसे ऊंचा है, यहाँ आम आदमी आने की हिम्मत भी नहीं करते। वह पर्सन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मैं किसी को मारने के रास्ते पर। डैन हैरान होकर कहता है, मुझे माफ करिएगा सर, लेकिन यहाँ तक कि आप जीने से परेशान हैं तो भी आपको सही तरीके से जीने की जरूरत है। वह पर्सन कहता है, तुमने मुझे हंसा दिया, मैं जाने देने जैसा काम नहीं करता, ना ही मैं खुद को मारने लायक हूँ, मैं अपनी लंबी यात्रा समाप्त करने जा रहा। जिसे सुन डैन कुछ समझ नहीं पाता। पर्सन दोबारा कहता है, मेरी जर्नी के अंत में मैं बस मरने तक इंतजार करने जा रहा हूँ। फिर वह अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, यह खाना बहुत अच्छा था, मुझे एक लंबा अरसा हो गया है जब मैं कुछ अच्छा खाया हूँ। और वून उसे चुपचाप देख रहा था। फिर वह सोते हुए सोचता है, उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या वह कह रहा था कि वह मरने जा रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अपनी मौत के बारे में इतनी आसानी से बात कर सकता है। डैन फिर उसकी ओर देखता है, जो कि वहीं पेड़ से लगकर सो रहा था। इसी के साथ रात से सुबह हो जाती है। डैन उठकर जाने लगता है और वह पीछे मुड़कर देखता है जहां वह पर्सन अभी भी सो रहा था। तो वह उसी हर्ब को पिछले चैप्टर में हमने देखा था। डैन उस बूढ़े पर्सन की ओर देखकर उसके पास एक हर्ब को छोड़ वापस आ जाता है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां डैन कह रहा था, आह यह तो क्रेजी है, मैं पागल हो रहा हूं। मैंने अभी क्या किया, मैं सैकड़ों राइस बाइक खरीद सकता था। अगर वह जिनसेंग हर्ब वास्तव में 100 साल पुराना हर्ब था तो मैंने उस हर्ब को उस बूढ़े आदमी को क्यों दे दिया? यह शायद इसलिए है क्योंकि उसने कहा था कि वह मरने जा रहा है। यह मुझे परेशान कर रहा है। आह इसके बारे में भूल जाओ, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए बस एक जिनसेंग रूट ही काफी है। ऐसा लगता है कि दूसरे जिनसेंग रूट मेरे लिए था ही नहीं। ऐसा कह हुआ गांव की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन गांव पहुंचकर देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। तो डैन हैरान होते हुए कहता है, सब लोग कहां गए? तभी उसके पीछे से ड्यूक आते हुए एक जोरदार मुक्का उसके सर पर मारता है, जिससे डैन चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। और वह सोचता है, अभी अभी हुआ क्या? लेकिन ड्यूक उसको संभालने का मौका दिए बिना उसके सर को पकड़कर जमीन में दबाते हुए कहता, तुम बेवकूफ बास्टर्ड डैन, मैंने अंत में तुम्हें पकड़ ही लिया। और डैन का सर नीचे दबे होने के कारण वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। विलेज चीफ कहती है, तुम बेवकूफ कमीने, तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया होता अगर तुम अपने हाल पर रहकर अपनी औकात नहीं भूलते। डैन आधे आवाज में कहता है, आह तुम कमीनी बुढ़िया। विलेज चीफ कहती है, यह गाँव में सभी के लिए है, कोई भी इसे अब से इस रास्ते पर नहीं चलने देगा, इसको पकड़ कर कहीं बंद कर दो। डैन कहता है, रुको, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम लोग मुझे इस रास्ते पर क्यों नहीं चलने दे रहे हो? ड्यूक हंसते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। युंगरी हमारे गांव में आ रहा है कैपिटल से, उसे यहां इस जगह को मैनेज करने के लिए भेजा गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह एक राजा की तरह है? डैन कहता है, तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? विलेज चीफ गुस्से की नजरों से कहता है, युंगरी युवान से एक मैसेंजर के रूप में आ रहा है, और यह कहा जाता है वह पर्सनली युवान को भेजने के लिए एक प्रिंसेस को चूज करेगा। डैन गुस्से के साथ चिल्लाते हुए
कहता है, तो क्या तुम कमीने लोग नूना को भेजने के बारे में सोच रहे हो? और वो अपनी दांतों से ड्यूक का अंगूठा काट लेता है। ड्यूक दर्द के मारे कहता है, डैन तुम बास्टर्ड। लेकिन तभी डैन उसके चेहरे पर एक जोरदार कोहनी के साथ मारता है जिससे वो पीछे गिर जाता है। और डैन का लुक तो देख रहे हो ना, कतई जहर लग रहा है। फिर वो अपने बो की ओर देखता है और उसमें एरो डालते हुए ड्यूक को दोबारा जोरदार चेहरे पर एक घुटना मारता है। इसके बाद डैन एरो को ड्यूक के चेहरे पर ले जाकर कहता है, मैं हमेशा से सोचता था मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग बिना किसी वजह के मुझसे नफरत करते थे, या फिर इसलिए क्योंकि मेरा सरनेम अलग था। मैंने इंडोर किया जब सभी ने मेरे फादर को भगोरा कहा, क्योंकि यह सच था, मेरे फादर वैसे भी भाग गए थे। लेकिन यह भी सच था, जब मेरे फादर और मेरे जाने के लिए कहीं और जगह नहीं था तो तुम लोगों ने हमें यहाँ रहने दिया। मिले चिप कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, धिक्कार है तुम सब पर, जाओ उसे पकड़ो। तुम डैन बास्टर्ड। डैन पलट कर देखते हुए अपने एरो को विलेज चीफ की ओर छोड़ते हुए कहता है, मेरे पास कोई नहीं आएगा। वो एरो सीधे विलेज चीफ के डंडे को अपने साथ पीछे लेकर चला जाता है, जिससे विलेज चीफ काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहती है, तुम कमीने बास्टर्ड। कहता है, हालांकि मेरे फादर भाग गए, लेकिन मैंने उनसे जो सीखा है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कैसे भागे, कैसे पीछा करे और कैसे शिकार करे, मैं डेफिनेटली इन तीनों चीजों को इस गाँव में किसी से भी बेहतर कर सकता हूँ। जो भी मेरे पास आने वाले हैं वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं उन सभी के सरों में छेद कर दूंगा जो भी पहले मेरे पास आएगा। जिसे सुन सभी खामोश होकर वहीं रुक जाते हैं। डैन कहता है, तुम सभी हमेशा से चाहते थे मैं ग्वांगा विलेज को छोड़ दूं। तो ठीक है, तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा ही मैं करूंगा, लेकिन नूना और जैक्सन के साथ। इतना कह डैन वहां से भागने लगता है। विलेज चीफ पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, तुम बेकार कचरे कहीं के बास्टर्ड, वहीं रुक जाओ। ड्यूक उठते हुए कहता है, विलेज चीफ युआन का मैसेंजर जल्द ही यहां आ जाएगा, अगर नूना भाग जाती है तो हमारा गांव तबाह हो सकता है। विलेज चीफ कहती है, यह कौन नहीं जानता, तुम यहां क्या कर रहे हो, उस डैन बास्टर्ड के पीछे जाओ। हम वहां एक घोड़े का पैर देखते हैं जिस पर कोई बैठकर वहां पहुंच गया था, जिसे देख विलेज चीफ के साथ साथ पूरे गांव वाले भी डर जाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैन को भागते देख विलेज चीफ ने सबको उसे पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन तभी वहां घोड़े पे बैठकर कुछ लोग आ गए थे, जिसे देख विलेज चीफ के साथ साथ पूरे गांव वाले डर गए थे। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डैन कहता है, क्या यही वो कमीने मैसेंजर्स है जो युआन से नूना को लेने के लिए आए हैं? फिर हमें उस मैसेंजर का चेहरा दिखाया जाता है जो डैन की ओर देख रहा था। तो डैन कहता है, इसकी आंखें हमारी जैसी है। फिर डैन बड़ी तेजी से भागते हुए कहता है, मैं उन कमीनों के लिए नूना को नहीं खो सकता। और वो मैसेंजर डैन को नूना के साथ भागते देख कहता है, जाओ उस लड़की को पकड़ के ले आओ, इन दोनों को हम नंबर वन और नंबर टू कहेंगे। नंबर वन कहता है, और उस लड़के के बारे में क्या? मैसेंजर कहता है, मुझे परवाह नहीं अगर तुम उस लड़के को मार देते हो, लेकिन ध्यान रखना वो लड़की एक दिन युआन के किस्मत को होल्ड करने वाली है, इसलिए तुम्हें उसे बिना किसी खरोच के अपने अंडर लाना होगा। वो दोनों जाते हुए कहता है, जैसी आपकी इच्छा। जिसे देख विलेज चीफ के मुंह खुल जाते हैं और ड्यूक को कुछ समझ नहीं आता। नंबर वन और नंबर टू को देखते हैं जो अपने घोड़े से बड़ी तेजी के साथ डैन और नूना के पीछे जाने लगता है। लेकिन मैसेंजर अभी भी डैन की ओर देखते हुए सोच रहा था कि कैसे उसने ड्यूक को अपने कोहनी से मार खुद को छुड़ाया और फिर घुटने से मार नीचे गिराते हुए उसके सर पर अपनी एरो को तान दिया। और वह कहता है, यह हरामी जिसने अभी तक मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा है, ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा जब वह एक हंटर बन जाएगा। उसी समय डैन को देखते हैं जो अभी भी नूना को लेकर बड़ी तेजी से भाग रहा था और सोचते हुए कहता है, नहीं इतना काफी नहीं होगा, मुझे और तेजी से भागना होगा। लेकिन तभी उसके पीछे नंबर वन और नंबर टू बड़ी तेजी से आ जाता है। ये देख डैन अपनी एरो को बो में लगाकर उन दोनों की ओर छोड़ देता है, लेकिन नंबर वन और नंबर टू दोनों ही स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए डैन के आ रहे एरो को बड़ी ही आसानी से काट देता है। डैन जिसे देख हैरान हो जाता है, लेकिन तब तक उनमें से एक का हाथ डैन के चेहरे को पकड़कर सीधे जमीन पर पटक देता है, जिसे देख नूना चिल्लाते हुए डैन का नाम पुकारती है। तो दूसरा उसके पीछे आते हुए उसके मुंह को पकड़कर बंद कर देता है। डैन उसको ऐसा करता देख बंद मुंह से ही नूना का नाम पुकारता है। उसी समय नंबर वन अपनी स्वॉर्ड को डैन को मारने के लिए आगे करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे दिल को तुम्हारी धड़कन से अलग कर दूंगा। इतना वो कह पाता है तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है, जिससे वो पीछे की ओर उड़ते हुए जाने लगता है, जो कि जैक्सन ने मारा था डैन को बचाने के लिए। नंबर टू कहता है, अरे नहीं। नूना भी इसे देख हैरान हो जाती है, लेकिन नंबर वन अपनी
अपने स्वर जमीन में घुसाते हुए खुद को संभालता है। डैन कहता है, जैक्सन। जैक्सन कहता है, डैन ये कमीने लोग कौन है? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ जैक्सन कहता है, तो तुम कह रहे हो ये कमीने युआन से यहाँ आए हैं? डैन कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा। वह स्क्रोल जो तुमने ह्यूंगरी से लेकर यहाँ आए थे उसमें नूना को एक प्रिंसेस के रूप में पेश करने के बारे में था। जैक्सन कहता है, क्या एक प्रिंसेस? डैन कहता है, सबसे पहले हमें नूना को जियोक्रैंग बॉन्ग पीक पर ले जाना होगा। इन सभी को वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होगी। नंबर टू हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए यह बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? नंबर वन कहता है, अपना मुंह बंद रखो। फिर वह अपना स्वॉर्ड को सामने करते हुए कहता है, बास्टर्ड, कौन परवाह करता है कि इनसाइड क्या है? वह सीधे जैक्सन की ओर स्वॉर्ड लेकर बढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों अब एक अच्छी मौत के बारे में सोचना बंद कर दो। जिसे देख जैक्सन कहता है, गंगा विलेज के वह कमीने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने डिस्परेट हो। एक फैमिली मेंबर को प्रिंसेस बनाने के लिए इसे बेचने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? फिर वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डोंट लाफ, मैं उन बारबेरियन लोगों को नूना कभी नहीं ले जाने दूंगा। जिसके बाद वह एक हाथ में अपनी कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में अपनी पीठ पर टंगी लकड़ी को पकड़ते हुए आगे की ओर बहुत तेजी के साथ भागते हुए नंबर वन को मारता है। लेकिन नंबर वन बचते हुए कहता है, तुम तो बहुत जोशीले यंग मैन हो, मेरे पास तुम लोगों पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उन लकड़ियों के बीच से काटते हुए कहता है, मैं तुम दोनों को जल्द ही मार डालूंगा। जैक्सन बिना रुके अपनी कुल्हाड़ी से नंबर वन पर हमला करता है, तो नंबर वन अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उसे रोकता है। जैक्सन कहता है, तुमने कहा था तुम हम दोनों को मार डालोगे, यदि तुम कर सकते हो तो इसे जल्दी करो। नंबर वन सोचता है, मैं इसे और नहीं रोक सकता, वह इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर वह थोड़ा पीछे हटते हुए जैक्सन के कुल्हाड़ी को अपने स्वॉर्ड से पीछे रिफ्लेक्ट कर देता है और जैक्सन के गले को काटने वाला होता है। तभी डैन जैक्सन के कंधे पर अपने पैरों को रखते हुए एक ऊंची छलांग के साथ ऊपर की ओर से एक साथ दो एरो को नंबर वन पर शूट कर देता है। जिसे देख नंबर वन कहता है, तुम कचरे। फिर वह अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए डैन के दोनों एरो को अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट करते हुए कहता है, इतना घटिया चाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तभी जैक्सन उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह एक चीख के साथ पीछे पेड़ से टकराता है और कहता है, तुम बदमाश बच्चे। उसी समय डैन का एक और एरो उसके चेहरे के बहुत पास आ जाता है, जिससे वह साइड होकर बचता है, जो कि पेड़ में जाके लगता है, जबकि दूसरा उसके जांघों के बीच जाके लगता है। जिसे देख नंबर टू हंसते हुए कहता है, यह बच्चा काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वहाँ मैसेंजर आते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारी हंसी पूरे माउंटेन में गूंज रही है, ऐसा लगता है कि तुम इस पूरे सिचुएशन को बहुत इंजॉय कर रहे हो। डैन कहता है, यही वह कमीना है जो युआन से मैसेंजर के रूप में आया है। मैसेंजर कहता है, काफी समय हो गया जब मैंने उन्हें ऑर्डर दिया था कि तुम्हें लेकर आए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, युआन के इलाइट वॉरियर स्ट्रगल कर रहे हैं गोर्जियो के कुछ यंगस्टर के खिलाफ, और वह अपनी कातिलाना नजरों से उनकी ओर देखता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैसेंजर आते हुए कहता है, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, युआन के इलाइट वॉरियर स्ट्रगल कर रहे हैं गोर्जियो के कुछ यंगस्टर के खिलाफ। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैसेंजर नंबर वन और नंबर टू को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें उस लड़की को लाने के लिए बहुत समय पहले ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सोचा वहाँ क्या हुआ होगा। नंबर टू कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। नंबर वन को देखते हैं जो अभी भी उस पेड़ से लगा हुआ बेहोश था। मैसेंजर कहता है, मैं अभी इस चीज को होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में जिम्मेदारी लेनी होगी। नंबर टू कहता है, हाँ ठीक है, मैं इसके बारे में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैसेंजर डैन और जैक्सन को देखते हुए उसकी ओर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, अगर ईमानदारी से कहूँ तो तुम लोगों ने मुझे हैरान कर दिया। सिंपल टेक्निकों से तुम दोनों ने इतनी सारी अटैकिंग पावर को रोका, जो कि एक अच्छी टेक्निक भी नहीं है। यह शर्म की बात है, तुम्हें एक यूजलेस गोर्जियो पर्सन के रूप में जाना जाता है। इतना कह मैसेंजर अपनी प्रेशर को रिलीज करता है, तो उसके आगे खड़े डैन और जैक्सन पीछे हटने लगते हैं। डैन कहता है, अब यह क्या हो रहा है, यह कौन सी पावरफुल एनर्जी है? उसका हार्ट भी जोरों से धड़कने लगता है, और जैक्सन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था वहाँ खड़े होने की। जिसके बाद जैक्सन कहता है, आह, ऐसा कोई नहीं है जो मेरी नूना को यहाँ से ले जा सके। यदि तुमको नूना को ले जाना है यहाँ से, तो पहले हमें मारना होगा। मैसेंजर बड़ी तेजी के साथ जैक्सन के सामने आकर उसके सीने पर अपनी हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर दया दिखाऊंगा? मैं अभी भी तुम्हें मारने वाला हूँ। मैसेंजर को इतना फास्ट देख डैन और जैक्सन को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। मैसेंजर जब अपनी पावर को बढ़ाता है, तो
जैक्सन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वह पीछे की ओर बड़ी तेजी के साथ जाने लगता है। उसकी स्पीड इतनी होती है कि उसके पीछे आने वाले पेड़ को भी वह तोड़ते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है और वह जमीन में घसटाते हुए माउंटेन के लास्ट में पहुंच जाता है। डैन घबराते हुए कहता है, जैक्सन। उसी समय मैसेंजर डैन के पास आते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम दूसरे के बारे में चिंता करने का जोखिम उठा सकते हो। डैन उसे यहाँ देख कांप जाता है, लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपने एरो को उसकी ओर शूट करते हुए कहता है, धत्तेरी की। मैसेंजर उसके एरो को अपनी ओर आते देख एक सीरियस सा लुक देता है और साइड हटकर उसे डॉज करता है, लेकिन डैन के एरो से मैसेंजर के पीछे की क्लॉथ पूरी तरह से कट जाता है। मैसेंजर अपने पैरों को पीछे लेते हुए अपने हाथों से डैन के चेहरे पर एक जोरदार पंजा मारता है। डैन उसका पंजा खाने के बाद जैक्सन की तरह वह भी घिसटाते हुए पीछे जाने लगता है। मैसेंजर अपने कटे हुए क्लॉथ को उतारते हुए कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगता है तुम वह बास्टर्ड हो जिसके पास स्ट्रॉन्ग बिल्ड है। ये तो टैलेंट की पूरी तरह से बर्बादी है। डैन अभी भी वही जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से चिल्ला रहा था। मैसेंजर कहता है, लेकिन मैं उस लड़की को युवान ले जाऊंगा और तुम दोनों यहीं पर मरोगे। चाहे तुम कुछ भी क्यों न चुन लो, लेकिन यह नहीं बदल सकता। खैर, मैं तुम्हारे मरने से पहले इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम चूज कर सकते हो कौन पहले मरेगा। तभी जैक्सन चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने, वहीं रुक जाओ। और वो अपने पास में पड़ी वही टूटे हुए पेड़ के हिस्से को अपने हाथों में उठाते हुए कहता है, तुम नूना को छूने के बारे में सोचना भी मत। इतना कहा हुआ उस पेड़ के हिस्से को मैसेंजर की ओर फेंकता है। मैसेंजर जिसे देख कहता है, क्या तुम मुझसे भीख मांग रहे हो? अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा करूं, तो पहले एक दूसरे को मार डालो। फिर वो अपनी पंच को बनाते हुए उस आ रही पेड़ के हिस्से से टकराता है, जिससे वह पेड़ का हिस्सा किसी बारूद की तरह हवा में ही फट जाता है। जिसके बाद वह कहता है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि पहले अब मैं तुम्हें ही मारूंगा। डैन उसे ऐसा करता देख डरते हुए कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैसेंजर जैक्सन की ओर बढ़ते हुए अपने घुटनों के साथ उसके चेहरे पर एक जोरदार मारता है और संभलने का मौका दिए बिना ऊपर की ओर से उसके पेट पर दोबारा अटैक करता है। डैन वही जमीन पर पड़ा हुआ चिल्लाकर कह रहा था, तुम रुक जाओ, उसे मत मारो। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठते हुए उन दोनों की ओर जाता है और मैसेंजर के पीछे पहुंच जाता है। मैसेंजर कहता है, मैंने तुमसे क्लियरली कहा था कि मैं पहले इस बास्टर्ड को मारूंगा, तुम्हें इससे भी ज्यादा स्पेशल तरीके से मारूंगा, इसलिए पेशेंटली इंतजार करो। डैन उसकी बातों पर ना ध्यान देकर अटैक करने के लिए कूदते हुए अपने पैरों के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन मैसेंजर उसके इस अटैक को डॉज करते हुए अपने पंच के साथ डैन के चेहरे पर दोबारा जोरदार मारता है, जिससे डैन वही हवा में घूमते हुए जमीन पर गिरता है। और ये सब देख नूना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मुंह बंद होने के कारण ना वो चिल्ला पा रही थी और ना ही वहां से हिल पा रही थी। और मैसेंजर डैन की ओर जाते हुए कहता है, एक्चुअली मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोग फियरलेस स्पिरिट के साथ मैन कहलाने के बहुत नजदीक होते हैं। और डैन की ओर जाते हुए कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है इससे भी ज्यादा मुझे क्या पसंद होता है? तभी जैक्सन उसका पैर पीछे से पकड़ लेता है तो वह पलट कर देखता है। जैक्सन कहता है, तुम डैन को टच करने के बारे में सोचना भी मत, मेरे रहते हुए डैन और लूना को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इतना सुन मैसेंजर उसके फेस पर फिर से एक पंच मारता है। उसी समय जैक्सन उसके पंच को पकड़ते हुए अपने पंच को बनाता है और उसके फेस पर मारते हुए कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उन दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन मैसेंजर अपने हैंड को उससे छुड़ाते हुए उसके पंच को डॉज करता है और फिर उसके पीछे जाते हुए अपने हाथों से उसके बैकबोन को पकड़कर ऊपर की ओर उसे उठा लेता है, जिसके कारण जैक्सन दर्द से एक जोरदार चीख मारता है। डैन जैक्सन को ऐसे दर्द में देख कहता है, तुम रुक जाओ, उसके साथ ऐसा मत करो। मैसेंजर जैक्सन को उसी हालत में माउंटेन के किनारे पर ले जाते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम जैसे फियरलेस स्पिरिट वाले लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अधिक पसंद है वो है। और जैक्सन अभी भी दर्द के मारे चिल्ला रहा था। फिर वह कहता है, तुम्हारे बॉडी के साथ तुम्हारी फियरलेस स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय करना। ऐसा कहते हुए मैसेंजर जैक्सन को माउंटेन से नीचे फेंक देता है। इस सीन को डिटेल में अगले चैप्टर में बताया गया है, इसलिए आप लोग जरूर इसका अगला चैप्टर देखिएगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैसेंजर ने कैसे जैक्सन को पीछे से पकड़कर उसके बैकबोन को क्रश करते हुए कहा था, मुझे ऐसे लोग पसंद है जिसके पास फियरलेस स्पिरिट होता है, पर मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो उसके बॉडी के साथ उसके स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देना। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैक्सन घबराते हुए डैन की ओर देखता है और उसका नाम पुकारते हुए कहता है, डैन सायू, प्लीज नूना का ध्यान रखना। लेकिन तब तक मैसेंजर ने जैक्सन को माउंटेन से नीचे छोड़ दिया था। डैन उसे नीचे गिरता देख कहता है, नहीं, तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो।
फिर वह दौड़कर खाई की ओर जाकर जैक्सन को पुकारने लगता है। मैसेंजर उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम्हें इतना साइड होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे जल्द ही पकड़ लोगे क्योंकि मैं तुम्हें उसके पीछे भेजने वाला हूँ। जबकि डैन वहीं पर बैठकर जैक्सन का नाम जोरों से बार बार पुकार रहा था। फिर वह बहुत गुस्से के साथ पीछे की ओर मुड़ता है जिससे उसकी आंखें भी पूरी तरह से व्हाइट हो गया था और आगे बढ़ते हुए अपने सर को मैसेंजर के सर से टकराता है जिसके कारण मैसेंजर पीछे की ओर हटता है। तो डैन उसे बिना किसी मौका दिए अपने पैरों को घुमाते हुए एक जोरदार किक उसे मारता है। फिर वह अपने हाथों से एक पंच बनाते हुए डैन को ऐसा करता देख जैसे लग रहा था मानो कोई डेविल अपने शिकार को कर रहा है, जिसे देख नंबर वन और नंबर टू भी हैरान हो जाता है। डैन बिना रुके अपने पंच से लगातार मैसेंजर के ऊपर बैठकर उसके फेस पर बार बार मार रहा था। तो मैसेंजर उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। डैन जिसे देख हैरान हो जाता है। मैसेंजर कहता है, मुझे लगता है अब तक तुमने अपने दोस्त के मौत से निकले गुस्से पर काबू पा लिया होगा, है ना? तो क्या अब तुम बिना किसी रिग्रेट के मर सकते हो? और उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ कर घुमाते हुए दूर फेंक देता है। नूना डैन को इस तरह देख जोर से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागती है। मैसेंजर डैन को दोबारा ना उठते देख वहीं खड़ा होकर अपने ब्लड को साफ करते हुए कहता है, यह बहुत पेनफुल था। डैन वहीं पड़ा हुआ दर्द से गुस्से के साथ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर मैसेंजर हंसते हुए कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम मुझे इंटरटेन कर सकते हो। और वह अपनी चेन को बाहर निकालते हुए कहता है, यह जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारा पूरे दिल से सामना करूंगा, चलो खड़े हो जाओ। कुछ देर बाद हमें रेड मून को दिखाया जाता है जहां डैन चेन के साथ टंगा सोच रहा था, क्यों ऐसा क्यों हुआ जैक्सन, इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है। वहीं उसके पैरों को भी हम देखते हैं जहां से बूंद बूंद कर जमीन पर ब्लड गिर रहा था और वह नूना को याद करते हुए कहता है, नूना हमारे साथ क्या गलत हुआ, हमें इससे क्यों गुजरना पड़ा। फिर मैसेंजर के बारे में सोच कहता है, वो क्यों यहां इस गांव में आया और तुम्हें प्रिंसेस बनने के लिए फोर्स किया। जिसके बाद डैन को हम अच्छी तरह देखते हैं, दोनों हाथों से बांध कर वहां लटकाया गया था उसी पुरानी पेड़ के साथ जहां उसके ब्लड को सूंघते हुए वहां ब्लड वुल्फ भी आ गया था, जिसको देख डैन कहता है, ऐसा लगता है मैं इन सब का डिनर जल्द ही बनने वाला हूं। तभी एक ब्लड वुल्फ डैन पर अटैक करता है। तो डैन खुद को बचाने के लिए खुद को उसी चेन के सहारे साइड करता है। ब्लड वुल्फ उसको देखता है और अपने मुंह को खोलते हुए उस पर दोबारा अटैक करता है लेकिन तभी कोई अपने हाथों में पावर लाते हुए अपने हाथों को बंद करता है। तो उस ब्लड वुल्फ के मुंह के पास एक एनर्जी का गोला बनता है जिसके कारण वह ब्लड वुल्फ हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। डैन ऐसा होता देख सोचता है, अभी अभी हुआ क्या, जिसे देख सारे ब्लड वुल्फ डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद ब्लड वुल्फ दोबारा उस पर्सन पर अटैक करता है। वह पर्सन डैन से कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? इतना कह वह अपने हाथों में दोबारा एनर्जी लाते हुए एक ब्लड वुल्फ को मुंह से पकड़ता है जिससे उसका बॉडी पूरा करने के साथ हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा ब्लड वुल्फ उस पर रोर करते हुए हमला करता है तो वह अपने हाथों को उसके पेट पर मारता है जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। फिर दूसरा तीसरा ऐसा करते करते वह सारी वुल्फों को वहां पर मार देता है। उसके बाद वह डैन की ओर खामोशी के साथ देखता है। डैन उसको देख कहता है, एल्डर, और हम भी अब से इसे एल्डर ही कहेंगे। एल्डर कहता है, क्या तुम जीना चाहते हो? लेकिन इतना याद रखना, तुम्हें हेल से भी ज्यादा दर्द होगा। डैन कहता है, क्या आपने मुझसे पूछा क्या मैं जीना चाहता हूँ और क्या आपने कहा कि यह नर्क से भी बदतर होगा? एल्डर कहता है, मेरा एक कीमती दोस्त मर चुका है, उसको मुझसे बारबेरियन लोगों के द्वारा छीन लिया गया। डैन कहता है, मैं इस हालत में कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने मौत के आने के इंतजार के अलावा, चाहे यह बदतर हो या फिर कहूँ नर्क से भी बदतर, क्या यह पॉसिबल है इससे भी जिससे मैं अभी गुजर रहा हूँ? एल्डर अपनी एनर्जी के साथ उसको छुड़ाते हुए कहता है, भले ही तुम इतने दर्द में हो लेकिन तुम अभी भी स्माइल कर रहे हो। तभी वो एनर्जी डैन के चेन को काट देता है जिससे डैन नीचे गिरने लगता है। तो एल्डर उसे संभालते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, आज तुम्हारी स्माइल ने तुम्हारी जान बचा ली, अपनी स्माइल को कभी भी लूज मत करना। एल्डर फिर डैन को जमीन पर रखते हुए कहता है, तुम्हारी 35 बोन्स टूट चुकी है और 70 मसल्स के पार्ट्स खराब हो गए हैं, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम पूरी लाइफ ऐसे ही बिताना चाहते हो या फिर अपनी पुरानी बॉडी को वापस पाना चाहते हो या नहीं। डैन कहता है, क्यों, आप मुझे क्यों सेव कर रहे हो? एल्डर बिना किसी जवाब को दिए हुए उसी जिनसेंग हर्ब को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तुमने मुझे जो जंगली जिनसेंग हर्ब दिया था आज वही तुम्हारी जान बचाने वाली है। और वो अपने हाथों से उस जिनसेंग हर्ब को क्रश करते हुए उसका एक बूंद डैन के मुंह में डालते हुए कहता है, हमारे बॉडी में 206 हड्डियां और 650 मांसपेशियां होती है। जिसके बाद वो अपनी दो उंगलियों में एनर्जी लाते हुए कोई टेक्निक परफॉर्म करते हुए कहता है, एक बार जब तुम उनमें से हर एक का फंक्शन और रोल को समझ जाते हो तो तुम उन्हें कंट्रोल करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाते हो। फिर वो अपनी दोनों उंगलियों से डैन के हर एक प्रेशर पॉइंट
पर मारता है और बताते हुए कहता है, तुम अभी अच्छी कंडीशन में हो क्योंकि तुम खुद को हिला नहीं सकते, तुम्हारी नसें अंत में खड़ी है, तुम अपने हाथ और पैरों को हिलाने में अभी असमर्थ हो और तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है। यह कंडीशन है जो तुम्हारी नसों को डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तुम्हारी बॉडी स्टेट अभी एनिमेशन में है और अब तुम इन सभी कंडीशनों को महसूस करने में एबल होंगे क्योंकि तुम्हारी 36 मेजर वेंस खुल रही है, जिसके कारण डैन को हेल से भी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी। इससे उसके फिंगर की हड्डियां एक्सटेंड होने लगी, मसल्स दोबारा बनने लगे, पैरों की हड्डियों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और इंटरनल ऑर्गन्स दोबारा मूव होकर अपनी जगह पर वापस आने लगी, जिसके कारण ब्रीदिंग के साथ ब्लड फ्लोइंग के साउंड भी उसे सुनाई देने लगा। और एल्डर कहता है, अगर तुम उन सभी आवाजों को सुन और महसूस कर पा रहे हो तो केवल 36 मेजर वेंस ही नहीं पूरे 360 को तुम समझ सकते हो। क्या तुम समझ रहे हो? हड्डियों और मसल्स का हमें किसी डिस्ट्रक्टिव शेप को बनाने के लिए किसी पार्ट को काटने की जरूरत, साथ ही यह भी कि हमें किन ब्लड वेंस में अपनी एनर्जी डालनी चाहिए ताकि हम किसी बॉडी को गिरा सके। जबकि डैन अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था, एल्डर कहता है, जब तुम इन सब के बारे में एनलाइटेड हो जाते हो तब तुम सुपरनेचुरल बींग की मार्शल आर्ट को भी हासिल करने में एबल हो जाते हो, और यदि तुम घोस्ट आई को हासिल कर लेते हो तो हेवनली आर्टिलरी जनरल में रिबॉर्न हो जाओगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था एल्डर ने डैन को बचाने के बाद उसकी बॉडी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया था। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गॉर्डियो को, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से होपलेस हो गया है। वहीं कोई भागते हुए मियोन यांग माउंटेन की ओर जाते हुए कह रहा था, आम लोगों की कठिनाइयों के बारे में सोचे बिना सत्ता की इच्छा रखने वाले रईसों के कारण देश अब दोबारा उबरने में असमर्थ है। फिर वह एक केव के अंदर जाते हुए कहता है, और यही कारण है कि ली नाम के आर्म यंग मैन का दिखना इतना मीनिंगफुल हो गया है। पुराने और करप्ट गॉर्डियो को छोड़ दिया गया था और एक नए कंट्री को बनाया गया जो हेवन की इच्छा से अलग नहीं था। और हम उस केव के अंदर देख पाते हैं जहां पर दो पर्सन पहले से ही बैठा हुआ था जो कि स्वॉर्ड मास्टर होते हैं। वो पर्सन उन दोनों के बीच बैठते हुए कहता है, जैसे मैंने उम्मीद की थी हैडोंग के इमोर्टल स्वॉर्ड्समैन से चिंतित देशवासी सब अब इंप्रेस है। साथ ही मुझे माफ करना, मैंने खुद तुम दोनों को यहां बुलाकर मैं खुद ही यहां आने में थोड़ा लेट कर दिया। एक स्वॉर्डमैन कहता है, आपको इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि आप जैसे पर्सन हमें यहाँ इनवाइट किया। उसके बाद उसका फेस हम देखते हैं जो कि इमोर्टल स्वॉर्डमैन पार्क जोंग मो होता है। वह कहता है, क्या आपने हमें इस बार नए कंट्री के कारण यहाँ इनवाइट किया है या फिर यह आर्म मैन ली के बारे में है? दूसरा स्वॉर्डमैन कहता है, जो कि गार्डियन डिटी होता है, यह हेवन की इच्छा है जो चाहते है कि इस कंट्री का लीडर को बदला जाए। तीन ट्रांसेंडेंट के साथ हेडोन्स के इमोर्टल स्वॉर्डमैन भी इस पर एग्री है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, जब यंग वॉरियर ली ने अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए फ्री हुआ तो यह अफवाह थी कि वह तीन ट्रांसेंडेंट का पार्ट होने का ढोंग करने की कोशिश कर रहा था। वह पर्सन कहता है, मैं तुम दोनों के कंसर्न और एक्सपेक्टेशन को समझता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए क्यों रिक्वेस्ट किया। इसका नाम मास्टर डाई जुंग युंग होता है, जो कहता है, मुझे यकीन है तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता है, पूरे साल बड़ी संख्याओं में निर्दोष लोगों ने अपनी लाइफ को खोई है। हाल ही में आयरन फोर्स के सेवन लैंड डिटीज और चिल्वो माउंटेन के चियोल की भी मौत हो गई। उसी समय किसी और जगह का सीन देखते हैं जहां सेवन लैंड डिटीज में से एक डिटीज, और अगर आप नहीं समझे लैंड डिटीज का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, लैंड डिटीज का मतलब होता है भूमि देव। वहीं पर वो देव अपनी पावर को बढ़ाते हुए अटैक करने की तैयारी कर रहा था। अभी हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है गॉर्डियो में डिफरेंट टाइप के डिसेबल है, लेकिन उनमें से कुछ ही क्वालिफाइड और अच्छे डिसेबल है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण सेवन लैंड डिटीज के पोजीशन तक पहुंचा है। लैंड डिटीज के कुछ बचे हुए डिसेबलों के अनुसार एक यंग मैन और एक ओल्ड मैन जो लैंड रिज को देखने के लिए आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने वानियू मार्शल आर्ट को अनफोल्ड कर दिया है। वही हम उस डिटीज को देखते हैं जो अपनी विंड पावर के साथ एल्डर पर हमला करते हुए कहता है, यह मैजिक और मार्शल आर्ट का कॉम्बिनेशन है जो कि एकमात्र टेक्निक है जो लैंड डिटीज को मार सकता है। वह अटैक किसी टोर्नेडो की तरह घूमते हुए सीधे एल्डर की ओर जाता है और वो बताता है, यह सेवन लैंड डिटीज में भी सबसे एक्सीलेंट लैंड डिटीज है। जिसके एक दिन बाद एल्डर ने पूरे एटीट्यूड के साथ अपने हाथों में पावर लाते हुए उसके आ रहे विंड अटैक को हवा में ही अलग अलग जगहों से डिस्ट्रॉय करने लगता है, और यहीं पर एक नया स्किल सबके सामने आया। एल्डर ऐसे ही उसके सारे हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने हाथों को उसके चेस्ट के पास बड़ी तेजी के साथ लाते हुए उस पर एक जोरदार हमला करता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसके पीछे के कपड़े को बुरी तरह से फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उस देव के हर एक बॉडी पार्ट से ब्लड निकलने लगता है। वह पावर इतना ज्यादा होता है कि उस डीटी के बॉडी को अंदर से ही किसी कागज
सूरज की तरफ फाड़ देता है। बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है जैसे कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम को तोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार लैंडिटीज के लाइफ को समाप्त कर दिया गया। चोल सांजा लैंडिटीज को ऐसा मरता देख काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी मिरेकुलस और वंडरफुल पावर और सबसे बढ़कर उसकी इनह्यूमन स्ट्रेंथ सब भी मिलाकर एल्डर के डिफेंस को नहीं तोड़ सकता था और न ही उसे उसकी अटैक से बचा सकता था। एल्डर को देखते हैं जो अभी भी बिना रुके सभी को मारता हुआ वहाँ की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। दोबारा बैकग्राउंड में बताया जाता है भले ही उसे रिडिकुलस बोला जाता हो लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो उस ओल्ड मैन की आइडेंटिटी को जानता हो। वापस एल्डर को देखते हैं जो अपनी वही पुरानी फिंगर वाली टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त अटैक करता है जिससे वहाँ की जमीन तक हवा में भाप बन उड़ जाती है। जब चोल सांजा अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है तो वो अटैक उसकी हाथों को आर पार कर देता है। उसी समय एल्डर अपने दूसरे हाथ के फिंगर को उसके बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में लाता है जिससे उसकी बॉडी में एनर्जी का एक बाढ़ सी आ जाती है जिसके कारण वह एक चीख के साथ वहीं ब्लास्ट होकर हवा में भाप बन जाता है। दोबारा बैकग्राउंड में बताया जाता है चोल सांजा की उस अटैक से उसकी बॉडी का एक छोटा सा कण तक उस जगह पर नहीं मिलता है। वापस त्रिमूर्ति को देखते हैं जहां पर मास्टर डाइजुंग कहता है उस अननोन ओल्ड मैन के कारण पिछले साल बहुत सारे इनोसेंट लोगों ने अपनी लाइफ को खोई है जिसके कारण यह सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो गया है। एक नए कंट्री के एस्टेब्लिश से ज्यादा इस प्लेस की इमोर्टेलिटी पाथ को कट जाने का रिस्क है। पार्क जोंग गुस्से के साथ कहता है गॉर्जियो के इनोसेंट लोगों के बारे में ऐसी एरोगेंट चीजें करने के बारे में कौन सोचेगा, यह तो इम्पॉसिबल है। गार्डियन डीटी कहता है अब मुझे यह मत बताना कि गॉर्जियो के रॉयल फैमिली ने हमारे प्लान को नोटिस कर लिया है। किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना आसान नहीं है जो धर्मी लोगों को कुछ ही दिनों में मार सकता है भले ही वह रॉयल फैमिली से ही क्यों ना हो। मास्टर कहता है क्या तुम दोनों भूल गए उस आदमी का वजूद। 10 साल पहले कायरतापूर्ण हमले के लिए 30 इनोसेंट लोगों को इकट्ठा किया गया था जो मारने के बजाय उनमें से एक तिहाई इनोसेंट लोग मारे गए थे। और वह गुस्सा करते हुए कहता है तुम इविल स्प्रिट हान मू बैक। फिर वह अपने गुस्से को शांत करता है और आंखों को बंद करते हुए कहता है द हेवनली आर्टिलरी जनरल रिटर्न फ्रॉम हेल। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हम किसी और जगह डैन को देखते हैं जो कहीं पर आते हुए अपने हाथों को एक पेड़ पर रखते हुए पलट कर देखता है। उसी समय कोई बैकग्राउंड में कहता है अलोंग विथ हिज डिसाइबल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जहां मास्टर बता रहा था एक ओल्ड मैन और एक यंग मैन ने मिलकर सारे सेवन लैंडिटीज और चोल सांजा को मार दिया। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एल्डर को जो डैन को ट्रेनिंग देते हुए बता रहा था जिन लोगों ने इसे मास्टर कर लिया है उन्हें हेवनली आर्टिलरी जनरल कहा जाता है। एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जो 1000 सालों से अधिक समय से चली आ रही है जबकि हेवनली आर्टिलरी जनरल की टेक्निक एक एंशियंट टेक्निक से इवॉल्व हुई है। बॉडी का फ्रेम मसल और ब्लड वेन्स हेवनली जनरल की टेक्निक को मास्टर करने में इन सभी को फिगर आउट के साथ तुम्हें देखने की जरूरत है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार बॉडी के किसी भी पार्ट को ब्रेक और डिस्ट्रॉय कर सकते हो या नहीं। यह सब जानने से शुरू होती है कि कौन सी ब्लड वेसल्स स्टिमुलेट करती है जिसमें किसी की बॉडी कोलैप्स हो जाती है। वापस ट्रेनिंग की ओर देखते हैं जहां डैन बड़ी स्पीड के साथ एल्डर पर अटैक करता है जिससे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फोर्स बाहर की ओर निकलती है और अपने आसपास आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। दोबारा एल्डर कहता है सबसे बात यह है कि तुम्हारे हाथों में 20 से अधिक मसल्स का पावर होना चाहिए ताकि तुम अपने ओपोनेंट की वीकनेस को फाइंड कर उसे रीस्ट्रिक्ट कर सको। दोबारा डैन को देखते हैं जो बिना रुके एल्डर पर अटैक किए जा रहा था और एल्डर उसकी आ रही सारी अटैकों को बड़ी ही आसानी के साथ डॉज कर रहा था। डैन पलट कर देखता है और अपने हाथों के साथ एल्डर पर अटैक करता है लेकिन एल्डर उसकी सारी अटैकों से बचते हुए अपनी एक उंगली को उसके कोहनी के से टच करते हुए कहता है यह हड्डियों से मांसपेशियों को अलग करने के तरीके पर आधारित एक टेक्निक है जो लॉस हो चुके वेसल्स को उत्तेजित करता है और फिर हड्डियों और मांसपेशियों को मोड़ना शुरू कर देता है। डैन का हाथ पूरी तरह से कोलैप्स होने लगता है एल्डर के मात्र टच करने से ही। डैन अपने हाथों को वेसल्स पॉइंट को दबाते हुए अपने हाथों को दोबारा सही करता है। एल्डर फिर से अपने फिंगर के साथ उस पर अटैक करते हुए कहता है इसे अपनी बॉडी के साथ रिमेम्बर करो ना ही अपने माइंड के साथ। डैन अपने हाथों को सामने लाते हुए एल्डर के अटैक को डॉज करता है और वो थोड़ा परेशान भी था एल्डर के इतने सारे अटैक से क्योंकि उसका हाथ एल्डर के हाथों के कांटेक्ट में आने से दोबारा कोलैप्स होने लगता है। डैन दोबारा अपने हाथों के वेसल्स पॉइंट को दबाते हुए अपने हाथों को अपनी शेप में दोबारा लाता है लेकिन तब तक एल्डर अपनी दोनों उंगलियों को डैन के सर के साथ कांटेक्ट में ला लिया था जिससे डैन पीछे की ओर तेजी के साथ चिल्लाते हुए जाता है और वो थोड़ी देर बाद अपने हाथों को पकड़ते हुए खुद को संभालता है। एल्डर उसके सामने आते हुए कहता है भले ही तुम थके हुए हो इसका मतलब यह नहीं है
है कि तुम्हारा ओपोनेंट भी थक गया है। जब तक तुम मर नहीं जाते तुम्हें बिना रुके आगे बढ़ना होगा। हेवनली आर्टिलरी जनरल के लिए कोई पार्टिकुलर मेथड नहीं है। तुम्हें बस अपने ओपोनेंट के साथ टाइटनिंग, रिवर्सिंग और ज्वाइंटिंग के मेथड को इस्तेमाल करते हुए ज्वाइंटिंग मसल्स को डैमेज पहुंचाना है। तुम्हें बस इतना ही करना होगा अपने ओपोनेंट के साथ। डैन एल्डर की बातों को गौर से सुन रहा था। एल्डर कहता है, लेकिन भले ही तुम अभी भी अनस्किल्ड हो, फिर भी तुम हेवनली जनरल बनने के बेसिक बातों को समझते हो। और यदि ऐसा है तो एल्डर अपनी पावर को दोबारा रिचार्ज करते हुए डैन के सामने से गायब हो जाता है। डैन एल्डर को ऐसे गायब होते हुए देख कुछ समझ नहीं पाता है और कहता है, अरे यार। फिर से एल्डर डैन को बिना सोचने का मौका दिए अपने हाथों को उसके पेट पर मारते हुए कहता है, यह थंडर क्यूर है, रूट के 10 डैमेज पॉइंट और हेवनली जनरल की टेक्निक। इतना कहते हुए एल्डर डैन को आगे की ओर से जोरदार शॉक देता है। डैन उस थंडर की के शॉक से पीछे जाते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वह थंडर की डैन की बॉडी को फाड़ते हुए आगे निकल जाता है। डैन की पूरी बॉडी उस थंडर की वॉइस से भर जाती है। वह खुद को संभालते हुए अपनी बॉडी को ओर देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो गया था। फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस थंडर की वॉइस को कंट्रोल करने की। एल्डर उसको ऐसा करता देख कहता है, अगर तुम अपनी 10 डैमेज पॉइंटों को हेवनली जनरल ट्रेनिंग टेक्निक का फाउंडेशन बनाते हो तो तुम इस थंडर क्यूआई को बड़ी ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हो। ओरिजिनली मैं तुम्हारे सारे डैमेज पॉइंटों को स्लोली और सेफली खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अपने आप को सर्वाइव कराओ। डैन पूरी तरह से उस थंडर क्यूआई से ढका हुआ था, जिसके कारण वह हर एक सेकंड थंडर के अटैक को सह रहा था। एल्डर कहता है, तुम्हें सर्वाइव करना होगा, जो तुमने खोया है उसे दोबारा प्राप्त करने के लिए। जिसके आधे साल बाद म्यू हियान माउंटेन को देखते हैं, जहां डैन पूरी तरह से बदल गया था और वह बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट के सामने एल्डर के साथ खड़ा था। एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है, यह हमारे हॉनर मास्टर के डिवाइन कल्टीवेशन प्लेस है, पर तुम इविल स्पिरिट के डिसेबल हो, लोगों को मारना बंद करो और यहां से चले जाओ। एल्डर कहता है, क्या वे डाई जुंग यूंग के बारे में बात कर रहे हैं? मेरे रास्ते में खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरा मार्शल आर्टिस्ट कहता है, इस सिचुएशन में इविल लोगों को इंटरफेयर करने से रोकने के लिए हमारे हॉनर मास्टर ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है, जिसमें इविल स्पिरिट के डिसाइबल भी सम्मिलित है। इतना वह कह पाता है, तभी उसके पीछे खड़े सारे मार्शल आर्टिस्ट वहीं डिस्ट्रॉय होकर हवा में ही कोलैप्स हो जाते हैं, जिसको देख सारे बचे मार्शल आर्टिस्ट एल्डर और डैन की ओर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। तो डैन अपने हाथों में पावर को रिचार्ज करते हुए वहीं खड़े खड़े एक थंडर का ब्लास्ट करता है। फिर वह अपनी आंखों को बंद करते हुए सोचता है, डैन अगर तुम थंडर क्यूआई को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाते हो तो तुम घोस्ट आई को पाने में एबल हो जाते हो। जिसके बाद वह अपनी आंखों को खोलता हुआ कहता है, और अगर तुम थंडर क्यूआई को 10 डैमेज पॉइंट के साथ अप्लाई करते हो और वह एक इविल स्मेल के साथ कहता है, तो तुम एक ट्रू हेवनली आर्टिलरी जनरल बन जाते हो। आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माउंट म्यू हियांग माउंटेन को, जहां पर कोई चिल्ला कर कह रहा था, किसी भी कीमत पर हम इन्हें हॉनर मास्टर से मिलने नहीं दे सकते, चाहे जो हो जाए इन्हें रोको। लेकिन वहां इन सभी की चीखों से उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डैन अपनी पूरी पावर के साथ उन्हें किसी भेड़ बकरी की तरह मार रहा था। पूरे म्यू हियांग माउंटेन पर सभी मार्शल आर्टिस्ट के चीखें गूंज रही थी। एक मार्शल आर्टिस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी पूरी बॉडी डैन के पावर के कांटेक्ट में आते ही कोलैप्स होने लगती है। वह चीखता हुआ उसकी हर बॉडी पार्ट पर दरार आने के साथ वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। डैन बड़ी तेजी के साथ उन सभी की ओर जाते हुए सभी के बॉडी कोलैप्स करते हुए उन सभी के बीच से निकल जाता है। फिर वह एक जगह रुककर किसी के सर, किसी के पेट, किसी के चेस्ट से डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। एल्डर डैन को देखते हुए कहता है, बहती ब्लड वेन्स, यह ह्यूमन बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में ब्लड की मूवमेंट, इसे स्टिमुलेट करने से एक्सट्रीम पेन होता है और मसल ट्विस्ट होने लगती है। तभी एल्डर के पीछे से कुछ मार्शल आर्टिस्ट आते हुए कहता है, वो रहा, वो इविल स्पिरिट वहाँ पर है। जिसके बाद वो सभी एल्डर और डैन पर अटैक करते हुए कहता है, हमें सिर्फ उन्हें नीचे गिराना है, किसी भी हाल में उन दोनों को हॉनर मास्टर से मिलने से हमें रोकना होगा। उन सभी को ऐसा करता देख एल्डर अपने हाथों में पावर रिचार्ज करते हुए कहता है, जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेन्स में ब्लड फ्लोइंग होती है, उसी प्रकार
प्रकार हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट में ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि हमारे बॉडी की ब्लड वेन और हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट के ब्लड वेन्स एक समान होती है। और वह एक जोरदार अटैक करते हुए कहता है, अगर हम उन नसों के सेंटर को थंडर क्यूआई के साथ स्टिमुलेट करते हैं तो हम एक विशाल माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय करने में एबल होंगे, जिससे उसके पीछे अटैक करने आ रहे सारे मार्शल आर्टिस्ट वहीं राख बन जाते हैं। इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को ऐसे मरते देख बाकी के बच्चे सारे मार्शल आर्टिस्ट एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सब दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इससे डैन और एल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी उन सभी को मार रहा था। जिसके बाद डैन एल्डर के पास आता है तो कोई कहता है, यह सेक्रेट प्लेस है जहां हॉनर मास्टर अपने स्किल को कल्टीवेट करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है, हमारे हॉनर मास्टर लास्ट डिसेंडेंट हैं बल्हा किंगडम के, जिन्होंने इस लैंड में महान उपलब्धियों को हासिल किया है। इससे पहले हम तुम इविल स्पिरिट के डिसाइबलों को मारे, इस प्लेस से जल्दी चले जाओ। अगर तुम अपने आँखों को ब्लाइंड कर लेते हो इस मामले में तो तुम निर्वाणा स्टेट के अंदर जा सकते हो। यह कुछ ऐसा है जो 10 साल पहले हुआ था, इसलिए अपने गुस्से पर काबू करो। एल्डर कहता है, क्या तुम यह कर सकते हो इस मामले में डैन? यदि तुम इंटरफेयर करते हो तो उन सभी की नाराजगी तुम पर जीवन भर के लिए बोझ बन सकती है। डैन जिसे सुन कुछ नहीं कहता। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है, मुझे माफ करना, अगर तुम्हारी कोई इरादा नहीं है इसे छोड़ने की तो हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें रोकना होगा। फिर वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बुराई को सजा दो। इतना सुनते ही सारे मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करने के लिए एल्डर और डैन की ओर आगे बढ़ता है। डैन उन सभी को अपनी ओर आते देख अपने हाथों को थंडर क्यूआई से रिचार्ज करते हुए उन सभी पर एक खतरनाक ब्लास्ट करता है, जिसके कारण उसके चारों तरफ थंडर क्यूआई से एक रिंग टाइप बन जाता है, जिसके बीच वह खड़ा होकर एक इविल स्माइल के साथ एल्डर से कहता है, मैंने इसके लिए पहले से ही खुद को तैयार किया है। जिस टाइम से मैंने हेवनली आर्टिलरी जनरल बनने का फैसला किया था। और वह एक खतरी लुक के साथ अटैक करते हुए कहता है, मुझे वो लेसन अब भी याद है जो मेरे मास्टर ने मुझे बताया था, बहाना चाहे जो भी हो, हत्या करना पाप है। यह ऐसा फैक्ट है जो कभी नहीं बदलता, पर अगर मुझे इसका सहारा लेना पड़े। इतना कहने के बाद वह अपनी हाथों को सभी मार्शल आर्टिस्ट के ओर करते हुए सीरियस लुक के साथ सभी पर वही खड़े खड़े थंडर अटैक करते हुए कहता है, तो मुझे इसके बारे में एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है। उस थंडर अटैक को कुछ मार्शल आर्टिस्ट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सभी थंडर अटैक के कॉन्टैक्ट में आते ही सभी को एक जोरदार झटका के साथ चिल्लाते हुए पीछे की ओर उड़ते हुए जाने लगता है। इन सभी का ऐसी हालत देख उसके लीडर को कुछ समझ नहीं आता, तो वह थोड़ी देर वहीं बिना कुछ कहे शांत रहता है। थोड़ी देर बाद वह कहता है, क्या सच में तुम हमारे साथ दुश्मनी करने की कोशिश कर रहे हो? और वह अपनी आयरन रॉड के साथ एल्डर और डैन पर ऊपर की ओर से अटैक करता है। डैन उसके अटैक से साइड हटकर डॉज करते हुए कहता है, मेरे मास्टर ने ऑलरेडी इस कंट्री के सभी एंसिस्टरों को अपनी एनिमी बना चुके हैं। लीडर दोबारा अटैक करता है। डैन घूमते हुए उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है, जिसका मैं डिसेबल हूँ उसके सम्मान के लिए केवल माउंट म्यू हियांग के कारण मैं कैसे डर सकता हूँ। और वो अपनी थंडर अटैक को लीडर पर करता है, पर उसे लीडर पीछे हटकर घूमते हुए डॉज करता है, जिसके बाद वह अपनी आयरन रॉड को घुमाते हुए कसकर पकड़ता है। और वो विंड को भी अपने आयरन रॉड के साथ मैनिपुलेट करते हुए डैन पर अटैक करता है, लेकिन डैन इस अटैक को देख बिना सीरियस हुए एक स्माइल के साथ अपने हाथों को थंडर क्यूआई से ढकते हुए बड़ी ही आसानी से उस आयरन रॉड को पकड़ता और कोलैप्स करने लगता है। डैन को ऐसा करता देख लीडर घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। पर तब तक उसका आयरन रॉड पूरी तरह से क्रैक आने के साउंड के साथ कोलैप्स होने लगता है, तो वह उस रॉड को छोड़ते हुए डैन की ओर देखता है और घूमते हुए अपने पैरों से डैन पर अटैक करता है। डैन उसे देख कहता है, क्या बात है, और उस अटैक से बचते हुए अपने हाथों से उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिसके कारण उसका पैर उस जगह से कोलैप्स होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह एक खतरनाक चीख मारते हुए माउंटेन से नीचे गिरने लगता है। गिरने के बाद जब वह डैन की ओर देखता है तो डैन अपनी घोस्ट आई को एक्टिवेट कर उसकी ओर देखते हुए एक इविल हंसी हंस रहा था।
इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एल्डर उस लीडर के आधे डिस्ट्रॉय हो चुके पैर को अपने हाथों में उठाकर डैन के पास आते हुए लीडर से कहता है, क्या वो तुम ही थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने गुस्से पर काबू करूं? लीडर एल्डर और डैन की ओर देखता है, फिर वह अपनी चारों ओर मरे हुए लोगों को देखते हुए कहता है, डैम इट, धिक्कार है। एल्डर कहता है, 10 साल हो गए। लीडर अपने सर को उठाकर घबराते हुए एल्डर की ओर देखता है। एल्डर दोबारा कहता है, इस तरह के कुछ मामूली मैटर के कारण हॉर्नर मास्टर को नुकसान पहुंचाना गॉर्जियो के लैंड के लिए एक ग्रेट लॉस होगा। फिर वह एक स्कैरी लुक देते हुए लीडर की तरफ देखता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम बास्टर 10 साल बाद क्या तुम मेरे डिसेबल को माफ कर पाओगे कि नहीं, जिसने तुम्हारे लेग्स को 2 टुकड़ों में काट कर तुम्हें इस हाल में ला दिया। डैन को देखते हैं जो अभी भी लीडर की तरफ अपनी घोस्टाई को एक्टिवेट कर देखते हुए इविल हंसी हंस रहा था। एल्डर उस कटे हुए लेग्स को फेंकते हुए कहता है, इन फालतू चीजों के लिए हमने बहुत समय बर्बाद किया है, चलो अब हमें त्रिमूर्तियों को देखने की जरूरत है। डैन कहता है, ठीक है मास्टर। कुछ समय बाद हम एल्डर और डैन को उसी केव के आगे देखते हैं, जिस केव के अंदर बैठकर हॉर्नर मास्टर ने एपिसोड 7 में बता रहा था कि एक यंग मैन और एक ओल्ड मैन ने मिलकर 7 लैंडिटीज और ज्यूल सांझा को मार दिया। एल्डर उस केव को खोलते हुए कहता है, डैन किसी को नुकसान पहुंचाना कभी आसान नहीं होता, उस डर को हमेशा याद रखो, यदि तुम यह नहीं जानते तो तुम कभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जिसके बाद वह दोनों उस केव के अंदर जाने के बाद एल्डर कहता है, हर्मिट केव, डैन यह परफेक्ट प्लेस है तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। ब्योक गुग डैन, जो त्रिमूर्तियां खाते हैं वह अब से तुम्हारा भोजन होगा, और यह दीवारों पर साइन कर रहे दर्जनों मार्वल्स फ्यूचर में तुम्हारी लास्ट जर्नी के लिए होंगे। आपको बता दूं, त्रिमूर्तियों को ही यहां पर हर्मिट कहा गया है, जिसमें 2 स्वॉर्डमैन और 1 हॉर्नर मास्टर है। यह केव उसी तीनों हर्मिट का ही है, लेकिन हम इसे त्रिमूर्तियां ही कहेंगे। थोड़े आगे जाने पर उन दोनों के सामने एक धमाका होता है, जिसे देख वो दोनों वहीं रुककर उस ओर देखने लगते हैं। फिर एल्डर डैन की ओर देखते हुए कहता है, देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग हम पर प्लानिंग ट्रिक खेल रहे हैं। जिसके बाद वह एक इविल स्माइल के साथ कहता है, यह अच्छा है डैन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, एक बार जब तुम उस विशाल चट्टान को तोड़ने में एबल हो जाते हो तो तुम हेवेनली आर्टिलरी जनरल बन जाते हो। जिसके बाद वो दोनों माउंटेन से नीचे उतरते हुए उन तीनों के सामने आता है, तो हॉर्नर मास्टर कहता है, ऑलरेडी 10 साल बीत गया है तुम्हें देखा हुआ, तुम्हारे साथ यह लड़का, उसके पास एक अच्छा फिजिक है, क्या तुम इविल स्पिरिट के डिसाइबल हो? लेकिन तुम उसे यहाँ ले आए हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने डिसाइबल की लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। एल्डर उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है इसे हर्मिट का केव कहा जाता है, और मुझे यह भी पता है कि यह प्लेस ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी प्लेस है, इसलिए मैं तुम सभी को अपने हाथों से मारने जा रहा हूँ, जिसके बाद वह यहाँ ट्रेनिंग कर सकता है। गार्डियन डीटी कहता है, ग्रेट मेगालिथ के कारण जो एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहा है कोई भी इसके बाद लाइट को नहीं देख सकता इस वर्ल्ड में, पर उसे यहाँ ट्रेन करने देना इसका क्या मतलब था? इविल स्पिरिट, तुम्हारे एरोगेंस के कारण तुम्हारा डिसेबल अब कभी भी अगले सनलाइट को नहीं देख सकता है। एल्डर कोल्ड लुक के साथ उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम्हारा धन्यवाद मेरे डिसेबल के बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन यह किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड है नहीं जो जल्द ही मरने वाला है। फिर वह अपने कपड़े को उतारते हुए कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए चलो इसे जल्दी शुरू करते हैं, सिंस तुमने इसे अपने इच्छा से शुरू किया था, पर मैं वो बनूंगा जो इसे खत्म करेगा। और हम एल्डर की पूरी बॉडी देखते हैं, जिस पर थंडर क्यूआई से बनी हुई निशान पूरी तरह से साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। एल्डर डैन से कहता है, अब तुम अपनी आंखों को अच्छी तरह से खोलो और खुद को फोकस करो, अच्छे से देखो, महसूस करो और याद रखो मेरे मूवमेंट को और मेरे बॉडी के मसल मूवमेंट, क्यूआई फ्लो, यहाँ तक कि मेरे डैमेज को भी। फिर वह आगे बढ़ते हुए कहता है, अब से यहाँ होने वाली हर एक चीज तुम्हारे लिए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा। डैन एल्डर की ओर देखते हुए कहता है, यह मेरे मास्टर की लास्ट होने वाली है, मैं आपके आखिरी पलों को अपनी आंखों से देखूंगा और इसे याद रखूंगा। हाइडोंग के इमोर्टल स्वॉर्डमैन पार्क जोंग मो अपने स्वॉर्ड के साथ आगे आते हुए कहता है, हम लंबे समय से इस इविल डेस्टिनी में उलझे हुए हैं, आओ आज इस सभी इविल डेस्टिनी का अंत करें। इतना कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को एल्डर की ओर बड़ी तेजी के साथ भेजता है, जिससे वह स्वॉर्ड अपने सामने आने वाले पत्थरों को चीरता हुआ आ रहा था। उसके तुरंत बाद उसी स्वॉर्ड के पीछे से तीनों हर्मिट एक साथ एल्डर पर अटैक
अटैक करता है। पार्क जोंगमो स्प्रेडिंग लार्ज ब्लेड हैंड के साथ गार्डियन डीटी फ्लोइंग स्ट्रॉन्ग राउंड आयरन इंडेक्स के साथ उन सभी अटैकों को एल्डर अपनी बॉडी के साथ रोकते हुए कहता है द हेवनली आर्टिलरी जनरल, और वो अपनी हाथों में पावर लाते हुए एक जोरदार अटैक करता है द ट्रिपल ब्रास्ट, जिसके पावर को वो तीनों ही एक साथ रोकने की कोशिश करते हुए कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीज करने की। उस अटैक की पावर से हम देखते हैं वहाँ की पूरी केव तक डिस्ट्रॉय होने लगी थी। ऑनर मास्टर सोचता है यह तो ग्रेट पावर है। एल्डर कहता है तुम्हें अपनी बेस्ट देने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हें खुद को बचाए रखने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जिसे सुन ऑनर मास्टर घबरा कर कांपते हुए कहता है क्या। एल्डर कहता है यदि तुम बेकार में मरना नहीं चाहते हो। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एल्डर अपनी पावर को पूरी कैपेसिटी में इस्तेमाल करते हुए कहता है सिलेंडर हैंड को स्मूथ और डेलिकेटेड हैंड को बिना किसी इम्परफेक्शन को हासिल करने के लिए मैंने अबैंडन कर दिया अपनी सारी भावनाओं को। मैंने ऐसा किया क्योंकि हेवनली आर्टिलरी जनरल होने का मतलब ही यही है। और वो पावर को रिलीज करते हुए कहता है हेवनली आर्टिलरी जनरल गुरियोंग आर्टिलरी, जिसके बाद यही पर सीन कट होकर हमें पास्ट में मून नाइट के समय एल्डर और डैन को देखते हैं, जहां पर एल्डर बता रहा था डीमन मार्शल आर्ट लोग हेवनली आर्टिलरी जनरल के टेक्निक को डीमन मार्शल आर्ट मानते हैं। वे लोग शायद डीमन की आंखों की नीली रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्सियन मार्शल आर्ट, लेकिन इस कंट्री में आर्मिट के लिए यह मारने के लिए मार्शल आर्ट है। फिर एल्डर पलट कर डैन की ओर देखते हुए कहता है गर्जियो के लैंड में यह मार्शल आर्ट के लीडरशिप को फाइंड करने के बारे में है, इसलिए यह कभी भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा। दोबारा फाइट को देखते हैं, जहां पर एल्डर के सीने में दोबारा दर्द शुरू हो गया था अपनी पावर को फुल कैपेसिटी पर प्रयोग करने के कारण, साथ ही उसके हाथों के नशे भी फटने लगा था जेड हैंड के प्रयोग से, जिसके कारण वो अपने सीने पर हाथ रख कर उनकी ओर देखते हुए कहता है यह बास्टर्ड। और हम उन सब को सामने से देखते हैं, जहां पर उन तीनों के अलावा और भी कई सारे मार्शल आर्टिस्ट आ गए थे। एल्डर कहता है ऐसी कायरतापूर्ण व्यवहार गोर्जियो के इस लैंड में तुम सब क्या कर रहे हो। जिसे सुन ऑनर मास्टर कहता है तुम इविल स्पिरिट, अब भी बहुत देर नहीं हुई है, यदि हम सेम इंटेंशन को शेयर करेंगे तो मैं उस का नाम छोड़ दूंगा जिसे हम तुम्हारे लिए एस्टेब्लिश करेंगे। एल्डर उसकी ओर देखते हुए अपनी पावर को गुस्से से रिलीज करते हुए कहता है नए देश की स्थापना, इसका नामांकन मेरे काम का नहीं है, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा तुम कमीनों ने क्या किया। दोबारा पास्ट को देखते हैं, जहां एल्डर कहता है तुम बास्टर्ड सबने मुझे बाहर बुलाकर धोखा दिया और मौका पाकर मेरी वाइफ को मार डाला, यहां तक कि मेरी छोटी बच्ची भी कहीं अपनी नानी के साथ लापता हो गई। वापस फाइट की ओर देखते हैं, जहां पर एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है अगर तुम कमीने आज मुझे मारने में फेल रहे तो मैं फ्यूचर में कंफर्म करूंगा कि तुम किसी दिन मेरे हाथों ही मरोगे। जिसे सुन हॉनर मास्टर शॉक होते हुए कहता है तो क्या तुमने लास्ट में डिस्ट्रॉय होना ही डिसाइड किया। पर तब तक एल्डर अपनी पूरी एनर्जी को उन सब की ओर चार्ज कर चुका था, जिसके कारण वहां पर बंदे को छोड़ो एक घर तक नहीं बचता। एल्डर कहता है उस दिन उस फाइट में 30 हार्मेट में से एक तिहाई मर गया पर मैं बच गया। जिसके बाद सीन कट होकर हम वापस उसी जगह को देखते हैं जहां पर एपिसोड 1 के शुरुआत में दो सेक्टों के बीच फाइट हुआ था, जहां पर एल्डर आते हुए कहता है हालांकि मैंने अपनी बच्ची को हर जगह फाइंड किया पर वह मुझे कहीं नहीं मिली, किसी कारण से अफवाहें थी कि मेरी बच्ची ने इस कंट्री को छोड़ कॉन्टिनेंट में चली गई है। भले ही मेरा घाव भर रहा था लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर वह अपने चेस्ट को पकड़ते हुए सोचता है बस थोड़ा सा, अगर केवल मेरे पास थोड़ा और समय होता, क्या यह केवल इतनी दूर है मेरे जीवन का शेष समय। जिसके बाद वह वहां से वापस जाते हुए कहता है लियोनिंग प्रोविंस में मुसुन वापस जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, इस ओल्ड एज में मैंने वहां एक बच्चे को देखा था, मैं आपको बता दूं यह बच्चा कोई और नहीं हमारा डैन है। फिर वह अपनी छोटी बच्ची को याद करते हुए वहां से जाते हुए कहता है मैं अब ज्यादा समय तक अपनी बच्ची का चेहरा याद नहीं रख पाया क्योंकि वह मेरी यादों में स्पष्ट हो गया था। इसी के साथ हम मेन फाइट को वापस देखते हैं, जहां पर पार्क जोंगमो अटैक करते हुए कहता है या इविल स्पिरिट जीतती है या हम जीतते हैं, यह फाइट हमारी आखिरी फाइट होगी, मैं हम तीनों की जीत की गारंटी नहीं दे सकता इसके जैसा इविल स्पिरिट के अगेंस्ट। जिसके बाद वह एक स्लैश एल्डर को मारता है, एल्डर उससे बचते हुए कहता है अगर यह मेरा लास्ट फाइट है तो मैं खुद बर्न होकर तुम सबको नीचे से जलाऊंगा। पार्क जोंगमो के उस अटैक की पूरी पावर को देखते हैं जो एल्डर को पीछे की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर चुका था। एल्डर उस अटैक से बचने
करने के बाद पार्क जोंग मो के दूसरे हाथ को पकड़ते हुए उसकी बॉडी से अलग कर देता है। पार्क पेन से चीखते हुए कहता है, मेरा एक हाथ। ऑनर मास्टर और गार्डियन डीटी वहां आते हुए कहता है, बस थोड़ा सा। एल्डर पार्क मो को छोड़कर उन दोनों को अपनी ओर आते देख उस पर थंडर से एक जोरदार अटैक करते हुए कहता है, हेवनली आर्टिलरी जनरल। वो अटैक उन दोनों के साथ पार्क मो को भी जाकर लगता है। वो तीनों ही एक साथ उस अटैक से हवा में उड़ जाता है। पर हॉनर मास्टर अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घुसाते हुए खुद को संभालता है और कहता है, तुम्हें बस उस कमीने के थंडर क्यूआई को सप्रेस करने की जरूरत है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी एनर्जी और ब्लड सूख जाएगी। उन सबको ऐसा करता देख एल्डर इविल स्माइल के साथ कहता है, और एक बस एक और अटैक मेरे पास जितना समय बचा है उसमें। हॉनर मास्टर उसे स्माइल करता देख अपने हेवनली स्पेक्टर हैंड पार्क जोंगमो हेवनली स्वॉर्ड ग्रेट थंडर स्ट्राइक गार्डियन डीटी अपने सुप्रीम पार्क के साथ एल्डर पर अटैक करता है। एल्डर अपने पैरों को जमीन पर मारते हुए कहता है, क्या यह मेरा लास्ट है। फिर वह अपनी जगह से बड़ी तेजी के साथ उन तीनों की ओर जाते हुए कहता है, जो बचा है वह खुद इटर्नल स्लीप है। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है, बस एक बात को छोड़कर उन चारों के पावर से वहां की पूरी जमीन सहित पूरी केव डिस्ट्रॉय हो रही थी। एल्डर एक जगह रुककर अपनी एनर्जी को चारों ओर रिलीज करते हुए उन तीनों की ओर देखते हुए कहता है, हेवनली ब्लास्ट। जिसके बाद एल्डर कहता है, सैंग आह मेरी बेटी, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना। डैन को देखते हैं जो अभी भी उस फाइट को देख रहा था। उस अटैक की पावर इतना खतरनाक था कि उस केव को छोड़ो उस एरिया के पूरे माउंटेन तक डिस्ट्रॉय हो गया था। उस अटैक के खत्म होने के बाद एल्डर डैन को अपने पास बुलाते हुए कहता है, डैन जब मेरी डॉटर डिसअपीयर हो गई तो उसने अपने साथ स्वॉर्ड गाइड बुक जो उसने अपनी माँ से इनहेरिट किया था। वह एक बहुत ही टैलेंटेड चाइल्ड है। अगर वह गाइड बुक वास्तव में मेरी डॉटर के साथ है तो शायद वह इसे पहले ही सीख चुकी है। यदि तुम मेरी बेटी से फ्यूचर में मिलते हो तो अगर वह अच्छी तरह से रह रही है तो बस उसे रहने देना, और अगर उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो एक बार उसकी मदद कर देना, यह काफी होना चाहिए। डैन कहता है, ठीक है मास्टर। एल्डर दोबारा डैन की ओर देखते हुए कहता है, सायु मैंने तुमसे क्या कहा था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी स्माइल को लूज मत करना। तुम्हें मेरे जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अपना खुद का हेवनली आर्टिलरी जनरल बनाओ। यह अब से तुम्हारा समय है अपने दम पर चलने के लिए। जिसे सुन डैन पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाता है क्योंकि उसका भी इस दुनिया में एल्डर के अलावा और कोई नहीं था जिसने उसे अपने बेटे की तरह माना। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहां एल्डर को इस केव के अंदर उस फाइट में मरे हुए 10 साल बीत गया है। डैन जो उसी हर्मिट केव के अंदर एल्डर को एक जगह पर लेटाकर उसके पास बैठकर कह रहा था, मास्टर क्या आपको याद है जियोक्सन किस तरह मरा था। नूना को हमसे युआन से आए बास्टर्ड के द्वारा हमसे छीन लिया गया था। अगर मास्टर आप वहां पर उस समय नहीं आते तो मैं शायद उसी चेन के साथ उस सूखे पेड़ पर लटक कर ब्लड वुल्फ का खाना बन गया होता। फिर वह मास्टर के द्वारा कहे गए बातों को याद करता है जहां मास्टर उसे देख कह रहा था, क्या तुम जीना चाहते हो। डैन अपनी उसी बुरी हालत में एल्डर की तरफ देखता है। एल्डर कहता है, भले तुम्हें नर्क से भी बदतर दर्द सहनी पड़े। जिसके बाद वह प्रेजेंट में आते हुए एल्डर को देखते हुए कहता है, मास्टर को इटर्नल स्लीप में गए हुए काफी समय हो गया है और आप अभी भी उस समय की तरह दिखते हैं मास्टर। डैन उसी जगह कुछ सोचता है फिर कहता है, आपको देख ऐसा लगता है मानो आप अभी भी जिंदा है। फिर वह एल्डर के सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर की हेल्प को वापस करना मेरे लिए अपने छोटे से दिल से इमेजिन करने के लिए बहुत बड़ा और ऊंचा है, लेकिन मुझे अब शर्म नहीं आता, मैं आपका डिसेबल हूं। एल्डर को देखते हैं जो पूरी तरह से इटर्नल स्लीप में सो गया था। डैन कहता है, हेवनली आर्टिलरी जनरल का 35वां विक्टर डैन सायु, जाने से पहले मैं आपको आखिरी बार ग्रीटिंग दे रहा हूं। मास्टर आपने जो मुझे प्यार दिया। जिसके बाद वह रोते हुए कहता है, मैं इसे कैसे वापस कर सकता हूं। फिर वह वहां से जाते हुए एल्डर की ओर पलट कर देखता है और जाते हुए उसे एल्डर की बात याद आता है जो कह रहा था, सायु मैंने तुमसे क्या कहा था। तो वो दोबारा एल्डर की तरफ पलट कर देखता है और कहता है, मास्टर। फिर वह पुरानी बात याद करता है जहां वह कह रहा था, क्या आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं जीना चाहता हूं। यदि मैं उस हेल से भी ज्यादा पेन को बर्दाश्त कर सकूं, मेरा सबसे खास फ्रेंड मर चुका है और बार्बेरियन लोग उसकी सिस्टर को ले गए, मैं अपनी मौत के इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर मुझे नर्क से भी बदतर दर्द सहनी पड़ी तो क्या यह उससे भी बदतर हो सकता है।
है जिससे मैं अभी गुजर रहा हूँ। एल्डर अपनी दाढ़ी पर हाथ रखते हुए कहता है, भले ही तुम इतने दर्द में हो पर तुम अभी भी स्माइल कर रहे हो। यह सही है, मुस्कुराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस सिचुएशन में हो। डैन प्रेजेंट में आते हुए सोचता है। एल्डर कहता है, अब से मैं तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूँ डैन, अपने दम पर चलना। डैन स्माइल करते हुए कहता है, मैं अब से अपने दम पर चलूंगा। उसी समय गॉर्जियो को देखते हैं जहाँ पर कोई बड़ा सा बेल बजा रहा था, और म्योहयांग माउंटेन के ऊपर बोंगबा टेम्पल को देखते हैं जिसके अंदर तीन स्टैचू था जो शायद उसी स्वॉर्डमैन और हॉनर मास्टर का है जिसे मूर्ति के रूप में वर्शिप कर रहे हैं। उसी जगह को वापस देखते हैं जहां बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हर्मिट केव की ओर जाते हुए कह रहा था, इविल स्पिरिट जाग गया है, हर कोई हर्मिट केव के पास इकट्ठा। हर्मिट केव के एंट्रेंस को देखते हैं जो बंद होता है, पर उसके अंदर से उसे तोड़ने जैसा शॉक वेव बाहर की ओर निकल रहा था। इसे ध्यान में रखो, यह हर्मिट की गुफा वह प्लेस है जहाँ तीन हर्मिट ने इस वर्ल्ड में डिसऑर्डर लाने वाले इविल स्पिरिट को सील कर दिया था। हमारे बोंगबा टेम्पल के मॉन्क इविल स्पिरिट के रिजरेक्शन पर नजर रखने के लिए मौजूद है। फिर वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हमें इविल स्पिरिट के रिजरेक्शन को रोकने की आवश्यकता है बैटल के अंदर। जिसे सुन सारे मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाते हुए वेपन को आगे करते हुए अपने पोजीशन में आता है, पर लीडर कुछ महसूस कर शॉक हो जाता है। उस जगह पर अर्थक्वेक आने लगा था। सारे मार्शल आर्टिस्ट घबराते हुए कहता है, अब यह क्या हो रहा है, यह हिल रहा है। पर जब वह सभी हर्मिट केव को देखता है तो सील हो चुके एंट्रेंस के बीच से एक लाइट आ रहा था जो उस दरवाजे पर क्रैक डाल रहा था। वह सभी कुछ सोच पाता उससे पहले ही एंट्रेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सारे मार्शल आर्टिस्ट उस शॉक वेव से उड़ते हुए कहता है, हर्मिट केव हम देख पाते हैं, जो भी उस केव के पास खड़ा था वह सभी उसी समय डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सॉरी, इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हर्मिट केव के एंट्रेंस को जिसके अंदर से थंडर की तरह लाइट आ रही थी जो धीरे धीरे उस एंट्रेंस पर दरार ला रहा था, और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं वो लाइट उस एंट्रेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने चपेट में आने वाले हर एक पर्सन को भी वही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण उस जगह पर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट थे वे सभी एक चीख के साथ वाइप आउट हो जाते हैं। वहां बस एक लाइट के गोले के अलावा और कुछ नहीं बचता, जिसको देख किसी को कुछ समझ नहीं आता। लीडर कहता है, नामुमकिन, यह नहीं हो सकता, पूरे बोंगबा टेम्पल को ढकने वाला ट्रैप डिस्ट्रॉय हो गया। अभी अभी हुआ क्या, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। इतना वो बोलता तभी वो कुछ देखते हुए और काफी ही डरते हुए जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि हर्मिट केव के एंट्रेंस के दो टुकड़े हो गया था जो कि उसी पर गिरने वाला था, पर वह उस पर ना गिरकर उसके दोनों साइड में जाके गिरता है। उसी समय डैन के पैरों को देखते हैं जो कि उस केव से बाहर आते हुए कह रहा था, आह धूल, इतने सालों से अंधेरे में रहने के कारण उसे लाइट से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो अपने हाथों को सूरज के सामने लाते हुए कहता है, शायद मुझे अपनी ताकत को थोड़ी कम कर देनी चाहिए थी, वाह यह तो सरप्राइजिंग है। फिर वह अपनी आंखों को धीरे से खोलते हुए मुस्कुराता है और सूरज को ढकते हुए कहता है, आसमान साफ है। डैन बाहर निकलकर यह सब सोच ही रहा था तभी उसे कुछ सुनाई देता है जो कह रहा था, वह वही है जिसने हानमू बैक इविल स्पिरिट को फॉलो किया था और हर्मिट केव में गया। लीडर को देखते हैं जो अभी भी डरा सहमा अपने कड़े पैर को पकड़ डैन की ओर देख रहा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका ये पैर डैन ने काटा था पिछले एपिसोडों में। लीडर उसी टाइम को याद करता है जब डैन ने उसका पैर काटा था। फिर वह कहता है, मुझे अपने बॉडी में पेन महसूस किए हुए काफी समय हो गया, पर वो था जिसने मुझे ये दर्द दिया जो कभी नहीं मिटेगा। और वह खुद को उसी जगह पाता है जहां उसका पैर कटा था। वह एल्डर की ओर देखते हुए कहता है, मैं कन्फर्म हूँ, 10 साल पहले हर्मिट के प्रोसिक्यूशन के समय वह जो ले गया वह था मेरा दाहिना पैर और कईयों की जान। वह जो हानमू बैग के पास खड़ा था इविल स्पिरिट, वह था इविल स्पिरिट का डिसेबल। वापस रियलिटी में आते हैं। डैन किसी को और देखते हुए कहता है, हाँ क्या यह कोई टेंपल था। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है, यह बोंगबा टेंपल तुम्हारे मास्टर इविल स्पिरिट को रोकने के लिए बनाया गया था। यह मंदिर उन तीनों साधुओं के सम्मान में बनाया गया था जिन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर खुद को बलिदान कर दिया था। यह और कोई नहीं मॉन्क होता है उस बोंगबा टेंपल का। और एक बात आपको बता दूं, हर्मिट का हिंदी मीनिंग साधु होता है। मैं कभी कभी इंग्लिश की जगह हिंदी शब्दों का प्रयोग करूं तो कंफ्यूज मत होना, लीडर कहता है। मॉन्क वन जियांग, बुरा मॉन्क कहता है मास्टर। फिर वह डैन की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम भी इस लैंड के लोगों के साथ इविल स्पिरिट की तरह ब्लड वार चाहते हो। डैन एक स्माइल के साथ कहता है, यह वही पाथ है जिसे मेरे मास्टर ने चूज किया था, लेकिन मैं वार नहीं चाहता और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है। बुरा मॉन्क कहता है, यह तो इंटरेस्टिंग है, इविल स्पिरिट के डिसाइबल वार नहीं चाहता। और वह थोड़े सोचने के बाद कहता है, इस बात पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है पर मैं इससे हैरान हूँ। लीडर बुरे मॉन्क से कहता है, क्या आप उस पर विश्वास कर रहे हैं मॉन्क वन जियांग। वह इविल स्पिरिट
का डिसेबल है, उसके बकवास को सुनने का कोई मतलब नहीं है। फिर वह बहुत गुस्से के साथ कहता है, इविल स्पिरिट द्वारा डिफीट होने के बाद मैंने किसी से भी ज्यादा खुद को बुद्धिज्म और मार्शल आर्ट के लिए समर्पित कर दिया। वह इतना गुस्सा हो जाता है कि उसकी आंखें तक चमकने लगता है, जिसके बाद वह अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मेरे टारगेट इविल स्पिरिट का डिसेबल है। इविल स्पिरिट खुद यहाँ नहीं है, यहाँ तक कि अगर वह यहाँ व्यक्तिगत रूप से आता भी है तो मुझे यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। डैन उसे ऐसा करता और कहता शांति से देख रहा था। फिर वह एक स्माइल देते हुए कोल्ड लुक के साथ कहता है, वेल तुम्हारे द्वारा कहा गया मेरी समझ में आ रहा है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा। जिसके बाद वह पीछे घूमते हुए कहता है, पर क्या तुम एक मिनट के लिए इंतजार करना चाहोगे। लीडर जिसे सुन शॉक हो जाता है और कहता है, हरामी क्या तुम भाग रहे हो। डैन उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए केव के आगे लगे तीनों हार्मिट के स्टैच्यू को देख रहा था। फिर वह हॉनर मास्टर की स्टैच्यू की ओर देखते हुए कहता है, क्या रियली यह तीनों मूर्तियां तीन साधुओं के सम्मान में बनाई गई है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है, पर भले ही तुम सभी ने इन्हें बनाने में कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन यह स्टैच्यू उनके जैसा नहीं दिखता। खैर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आखिर में यह तीनों जल्द ही चले जाएंगे। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डैन उस केव के आगे आकर उन तीनों स्टैचू की ओर देखते हुए कहता है, वास्तव में क्या यह स्टैचू तीन हार्मिटों के हॉनर में बनाया गया है। लेकिन माफ करना, भले ही तुम सभी ने इन्हें बनाने में बहुत मेहनत की होगी, पर यह स्टैचू उनके जैसा नहीं दिखता। वेल यह मैटर नहीं करता, और वह अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने पावर को रिचार्ज करते हुए कहता है, अंत में यह डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। फिर वह अपने हाथों को उस केव पर रखते हुए कहता है, हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स। इतना कहने के बाद वह अपने थंडर क्यूआई के पावर को रिलीज करता है। हम देखते हैं उसके एनर्जी से पूरी केव डिस्ट्रॉय होने लगती है, और वह यही नहीं रुकता, वह अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है, इस बेवकूफ डिसेबल के कारण उस केव को देखते हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है। डैन कहता है, आप चैन से सो भी नहीं सकते। उस थंडर क्यूआई की एनर्जी से पूरा केव सहित तीनों स्टैचू टुकड़ों में बिखर जाता है। लीडर को देखते हैं जो डैन की ऐसी पावर को देख कुछ नहीं बोल पाता। वह रुकते हुए कहता है, पूरा हार्मिट केव। उस इसमें बूढ़े मंक को भी देखते हैं, वो भी डरते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी इविल स्पिरिट के डिसेबल, उसने इविल स्पिरिट की सारे इनसाइट को पूरी कर दी है। डैन वापस उन सभी की ओर पलटकर देखते हुए कहता है, मैंने तुम सभी को बहुत इंतजार कराया, तो बताओ अब हम क्या करने वाले हैं। क्या तुम सभी मुझ पर एक एक करके अटैक करोगे, या फिर एक साथ सभी मिलकर मुझ पर अटैक करोगे। चाहे तुम सब कुछ भी चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। जिसे सुन वहां पर सभी खामोश हो जाते हैं। बेचारे लीडर को देखते हैं जिसका एक टांग तो चला गया, डंडे के साथ दूसरे टांग के सहारे वहाँ खड़ा होकर कांप रहा था। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो डैन के बातों को जवाब दे और आगे बढ़कर उस पर अटैक करे। बूढ़ा मंक कहता है, आपने कहा था कि आप वार नहीं चाहते, अगर हम आपको जाने दे तो आप क्या करेंगे। डैन उसकी ऐसी बातों को सुन अपने हाथों को बंद कर कहता है, तो ठीक है, तुम अगर ऐसा करते हो तो यह मेरे लिए कुछ परेशानी कम कर देगा, मैं इसके लिए तुम सभी का आभारी रहूंगा। बूढ़ा मंक उसकी ओर देखते हुए कहता है, परेशानी, यह आपके लिए ऐसा हो सकता है। फिर वह एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, इस उदारता के लिए आपका धन्यवाद, प्लीज आप जाए। 10 साल, सिर्फ 10 साल की अचीवमेंट के साथ हेवनली आर्टिलरी जनरल को खुद ब्लॉक करने के विचार, इसका कोई मतलब नहीं बनता। डैन कहता है, ओह 10 साल, तो मास्टर को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। डैन वहां से जाते हुए कहता है, मुझे जल्दी करने की जरूरत है। फिर वह लीडर के पास से गुजरते हुए कहता है, 10 साल पहले बदला लेने के लिए तुम्हारे पैर मेरे मास्टर के रास्ते में आ गया, और तुम्हारे साथ जो हुआ वह एक फेयर बैटल का परिणाम था। लीडर उसकी ओर देख काफी ही ज्यादा घबराया हुआ था। डैन दोबारा कहता है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचते है ना। अगर तुम अभी भी बदला लेना चाहते हो तो मुझे फाइंड करो, मैं तब तुम्हारा सामना करूंगा। बूढ़ा मंक पीछे से कहता है, मास्टर माउंटेन से नीचे जाने के बाद आप कहां जाने वाले हैं। डैन उसकी ऐसी बात सुन जाते हुए कहता है, मैं कहां जाऊंगा। वेल मुझे लगता है मेरे मास्टर और मेरे फ्रेंड की लास्ट विश को पूरा करने मेन लाइन पर जाऊंगा। बूढ़ा मंक हंसते हुए कहता है, हाहा, देखने से ऐसा लगता है कि मेन लैंड अब नॉइजी होने वाली है। डैन उसकी ओर देखते हुए एक स्माइल देता है, और फिर एक छलांग के साथ वह वहां से चला जाता है। बूढ़ा मंक डैन को पीछे से जाते हुए देख कहता है, हानमू बैक इविल स्पिरिट में स्ट्रॉन्ग जैसी पावर थी, जिसकी आभा हर किसी को अंदर से डराता था, लेकिन मुझे इस पर्सन से कोई आभा महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वह उस लेवल तक पहुंच गया है जहां वह अपनी पावर को छिपाना जानता है। हो सकता है कि वह पहले ही अपने मास्टर से आगे निकल गया हो। शायद वह अब तक का सबसे बेहतरीन हेवनली आर्टिलरी जनरल है।
इस चैप्टर की शुरुआत में हम एक अननोन प्लेस को देखते हैं जहां पर डैन बात लेते हुए कह रहा था बहुत खूब। फिर वह किसी और देखते हुए कुछ सोचता है और पानी में लेटते हुए कहता है मुझे बात लिए हुए 10 साल हो गया है। जिसके बाद वह सीरियस होते हुए कहता है पूरे 10 साल 10 साल बीत गया, मेरे पास और सल्क होने का समय नहीं है, मुझे नूना को खोजने की जरूरत है और साथ ही मास्टर की डॉटर को भी। फिर वह अपने कपड़े को उठाते हुए कहता है आह मुझे नहाए काफी समय हो गया लेकिन मेरे कपड़े, और अगर पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उन हार्मिटों से कपड़े मंगवा लेता, हाँ आप क्या कर सकते हैं। तभी उसके कपड़े से कुछ निकलकर बाहर गिरता है तो वह उसे देखते हुए कहता है आह पैसे के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले मार्वल, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी छोटे चीज इतनी खास है। फिर वह अपने हाथ में हेयर बैंड जैसा कुछ लेते हुए कहता है यह छोटी फॉक्स 10 साल हो गया है और तुम बड़े हो गए हो, वह छोटी फॉक्स तुम अच्छा कर रही हो, ठीक है। और वह अपने बालों पर हाथ रखते हुए कहता है सीरियसली यह याद दिलाने का समय नहीं है, मुझे कुछ कपड़े लेने की जरूरत है। उसी समय उसे किसी जगह से कुकिंग का स्मेल आता है तो वह कहता है किसी के खाना कुक करने का गंध, क्या कोई आसपास है। तो वह उसके पीछे बड़ी तेजी के साथ जाता है जिसके बाद वह एक जगह पहुंचकर सामने की तरफ देखता है तो उसे सामने की ओर एक आइलैंड टाइप दिखता है। वह अपने देखने के पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है तो वहां उसे कुछ कपड़े सूखते दिखता है जिसे देख वह खतरनाक स्पीड के साथ उस कपड़े की ओर भागता है। उस जगह पर देखते हैं जहां घर के अंदर से छोटी बच्ची पर एक टोकरी फेंकते हुए कोई कहता है कॉर्नर में जाकर मूर्ख बनने की कोशिश मत करो, सनसेट होने से पहले लॉन्ड्री को इकट्ठा करो। वह टोकरी सीधे उस छोटी बच्ची को जाकर लगता है, वह कहती है आह। फिर वह कपड़े उतारते हुए कहती है वो इसी आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। तभी उसके सारे कपड़े हवा में उड़ जाता है। वह खुद को संभालते हुए कहती है अचानक यह हवा कहां से आ गया। और फिर वह अपने कपड़े को उड़ते देख कहती है बहुत बढ़िया मेरे साफ कपड़े। साथ ही कुछ और देख वह चौंक जाती है। डैन उन सारे कपड़े को जल्दी से पहनते हुए कहता है यह बिल्कुल फिट बैठता है, मैं लगभग नेकेड हो गया था। वह बच्ची पीछे अभी भी शौक में थी। डैन उसकी ओर एक मार्बल फेंकते हुए कहता है ये लो तुम्हारे कपड़े के लिए, यह इनफ होना चाहिए। वह उस मार्बल को लेते हुए कहती है क्या यह प्रीटी है। फिर वह होश में आते हुए कहती है हे रुको तुम हो कौन। पर तब तक डैन वहां से चला गया था जिसे देख वह कहती है हाँ अभी अभी हुआ क्या, वह कौन था और वह कहां चला गया। डैन को देखते हैं जो एक पेड़ के डाली पर खड़ा होकर कह रहा था तो अब मेरे पास पहले से ही कपड़े हैं, मेरे बाल भी डरे हैं, क्या मैं अब जा सकता हूँ मेनलैंड के लिए। जिसके बाद किसी और जगह साउथर्न लियोनिंग फेंग चंग को रात के समय देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग जा रहे थे। उन्हीं के बीच चंग चक के हेड साडियोक को देखते हैं जो माउंटेन की ओर देख रहा था। उसे ऐसा करता देख एक ओल्ड मैन कहता है सावधान रहने की कोई बात नहीं है, है ना मास्टर साहब। साडियोक बिना कुछ कहे शांत रहता है। ओल्ड मैन दोबारा कहता है जो कि ग्योजाम योंग होता है, कौन ऐसा है जो फेंग चंग चंग चक का सामना करने की हिम्मत करेगा। साडियोक थोड़ा सोचने के बाद कहता है चंग चक का इस छोटे फेंग चंग में रहने का कोई इरादा नहीं है, अभी के मुरी में सुप्रीम बींग आयरन मार्शल एसोसिएशन मेरा टारगेट, उसका हिस्सा बनना है। ऐसा करने से हम पूरे लियोनिंग प्रोविंस पर रूल कर सकते हैं। 20 साल पहले आगे की डिस्कशन को रोकने के बाद हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी, हाल ही में म्योंग फैमिली ने फिर से मूव करना शुरू कर दिया है। आयरन मार्बल एसोसिएशन ने साझा लीग का गठन किया जो 3 सबसे इन्फ्लुएंशियल सेक्ट में से एक है। जिस मोमेंट म्योंग फैमिली डिसअपीयर हुआ उसी मोमेंट एक नया रूलर अपॉइंट होगा डारियुक विलेज, और वह एक इविल स्माइल देते हुए कहता है हालांकि हर कोई कह रहा है उनके फैमिली का कोई भी पर्सन लियोनिंग प्रोविंस में नहीं है, वे हमारे च्योंग सेक्ट जितने रिच नहीं है, एक बार यह सब खत्म हो जाने के बाद च्योंग सेक्ट को प्रमोट कर दिया जाएगा। नोबल मैन हंसते हुए कहता है ओह क्या आप डायरियोक विलेज को डिस्ट्रॉय करने और आयरन मार्शल एसोसिएशन में इंटर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, देखने से ऐसा लगता है यह ज्यादा हार्ड नहीं होगा, च्योंग सेक्ट को अपनी ताकत दे सकते हैं अगर हम साथ में काम करते हैं। उतने में ही उसके सीने के अंदर एक एरो आकर लगता है, उसे महसूस तक नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब वह देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वह घोड़े से नीचे गिर जाता है जिसे देख कोई कहता है मैं लॉर्ड, घबरा कर चौंकते हुए कहता है क्या एक सरप्राइज अटैक, और तब तक बहुत सारे असासिन टाइप मार्शल आर्टिस्ट बो एरो और शॉट के साथ उन सभी पर अटैक कर चुका था। हेड इतने सारे एनिमी को देख काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। और इस चैप्टर के शुरुआत में उसी जगह को हम वापस देखते हैं जहां पर चेवन सेक्ट के सारे बंदे मारे गए थे 100 टेक्निक स्क्वाड के द्वारा। और सॉरी यार मैं पिछले चैप्टर में उस स्क्वाड का नाम बताना भूल गया, नोबल मैन ग्योजा म्यूंग भी वहां अपनी आंखों को खोल मरा पड़ा था। च्योंग सेक्ट के हेड साडियोक बहुत सारे एरो के साथ उस माउंटेन में चिपका दिया गया था। उसके पास 2 अननोन पर्सन आता है जिनमें से एक मेल और दूसरा फीमेल होता है। मेल पर्सन च्योंग सेक्ट के हेड को देखते हुए कहता है उन्होंने सबको धोखा दिया और देश के खजाना को लूटने की कोशिश की उन बैंडिटो जैसे। 100 टेक्निक स्क्वाड ने उन्हें इस
हद तक एक्सटेंड कर दिया कि ऐसा लगता है ये इनसिग्निफिकेंट बास्टर्ड बहुत बड़े सपने देख रहे हैं। तभी फीमेल पर्सन को कुछ महसूस होता है तो वह उस ओर देखते हुए कहती है ब्रदर, जिसे सुन वह भी उस ओर देखने लगता है। ब्रदर कहता है साले डैडियोक विलेज के चाल सा जो जहाँ माउंटेन के ऊपर कोई रहता है उसे भी महसूस हो जाता है कि दोनों ने उसे देख लिया, लेकिन तब तक वह वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता देख सिस्टर कहती है क्या हम उसे पकड़ लेंगे। ब्रदर कहता है नहीं, हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चालसा जो यहाँ पर है तो पास ही अनसलाइटली आयरन मास्क को भी होना चाहिए। हम वहाँ डायरियोक विलेज के साथ वार में शामिल हो सकते हैं। तुम अपना गार्ड नीचे कर लो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हुए कहता है हमें जल्दी करना होगा क्योंकि उन्होंने गोल्ड चुराया है। अगर हम उसका पता नहीं लगा पाते हैं तो उसे वापस पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली होगी। और सीन कट होकर हम लियोनिंग प्रोविंस के बैंक्सी सिटी को देखते हैं जहाँ नॉर्थिन के पास कुछ लेडीज घूम रही थी। उसके अंदर एक मोटा घूंट पर घूंट मारते हुए शराब पी रहा था। फिर वह अपने शराब को खत्म करने के बाद चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम कमीनों ने देखा, तुम कमीने जैसे हमारे मास्टर से उम्मीद थी जो कि 100 टेक्निक स्क्वाड का लीडर नाहचू होता है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है जितना पीना है पियो और पूरे दिन को एंजॉय करो। हा हा हा। उसके पास कोई आने के बाद हंसते हुए कहता है हा हा, क्या सच में मास्टर। उसे देख लीडर कहता है ओह क्राउटेड तुम बास्टर्ड, क्या तुम फन कर रहे हो। वह क्रीपी फेस के साथ कहता है इस समय आपको मुझे पे करने के बारे में नहीं भूलना चाहिए। लीडर उसकी बातों को सुन जोर जोर से हंसते हुए अपने जांघों पर हाथ मारता है। फिर कहता है हा 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 बिल्कुल क्यों नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, हम चोंग सेक्ट के गोल्ड वेगन को चुराने में सक्षम हुए, मैं तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को कैसे भूल सकता हूँ। वह दोबारा कहता है ही ही, मैं तो केवल आप पर भरोसा करता हूँ मास्टर। उसी समय बारटेंडर को देखते हैं जो घबरा कर कोने में छुप कर कह रहा था डैमेट हत तेरी की। उसके पीछे से लीडर कह रहा था बहुत बढ़िया तुम हरामियों पियो। कोई कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर। बेचारा बारटेंडर लंबी लंबी सांस को लेते हुए कह रहा था अरे यार हमारी बार सभी जगहों से बाहर क्यों है। और वह थोड़ा झांकते हुए कहता है कहाँ से आ गए ये गुंडे। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे देख लीडर भी शॉक हो जाता है। लीडर घबराते हुए सोचता है धिक्कार है यह बास्टर यहाँ पर क्यों है, मैं गलत नहीं हो सकता, यह कमीना वही है जो 2 साल को गाइड करता है डायरियोक विलेज के मूसू, वह पर्सन जो कि अनसलाइटली आयरन मास्क ग्यू मूसू होता है। वह जब काउंटर के पास जाकर बैठता है तो उसके पास वही पर्सन आते हुए उसकी चापलूसी करते हुए कहता है लोग 100 टेक्निक स्क्वाड को आज के लिए इस जगह को रेंट पर दे दिया गया है, क्या आप कहीं और जा सकते हैं। वह नहीं सुनता तो दोबारा कहता है क्या आप सुन रहे हैं। आयरन मास्क जोर से चिल्लाते हुए कहता है ओनर मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना है कि यह जगह बैंक्सी में सबसे अच्छी है, लेकिन क्या तुम अपने गेस्ट को पानी भी नहीं दोगे। जिसे सुन पीछे से वह बारटेंडर चौंक जाता है। फिर वह कहता है हाँ क्यों नहीं, और वह दौड़ते हुए पानी लाते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए। वह पर्सन कांपते हुए कहता है उसने मुझे डरा दिया, यह बास्टर इतना जोर से क्यों चिल्लाया और वह अभी इस जगह पर क्या कर रहा है। उसी समय बाहर से कोई आते हुए कहता है अनसलाइटली आयरन मास्क केवल एक गिलास पानी के कारण कैसे गुस्सा हो सकते हैं, क्या डायरियोक विलेज की कैपेसिटी इतनी ही है, जो कि वही दोनों ब्रदर और सिस्टर होती है। सिस्टर कहती है मुझे बैंक्सी की इस बेस्ट जगह से बहुत अधिक उम्मीदें थी पर देखने से लगता है यह बहुत छोटा और गंदा है। ब्रदर कहता है मैं तुमसे एग्री करता हूँ, चलो अपना काम खत्म करते हैं और यहाँ से चलते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि यह दोनों हीरोज हैं, म्योंग जी और म्योंग क्योंग स्योंग। आयरन मास्क कहता है हीरोज ऐसा लगता है कि म्योंग फैमिली भी इसमें शामिल है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। लीडर घबराते हुए कहता है क्या यह दोनों हीरोज है, क्या यह म्योंग क्योंग स्योंग और म्योंग जी शिवलिंग है। शिवलिंग का मतलब ब्रदर और सिस्टर होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। वह दोनों आयरन मास्क के पीछे आते हुए कहता है म्योंग क्योंग स्योंग और म्योंग जी डायरियोक विलेज के यो मूसू को ग्रीट करता है। ब्रदर के इतने कहने के बाद उसके वेब ऐसा लगता है जैसे सभी को पीछे की ओर धकेल रहा था। वहीं चापलूसी वाला बंदा कहता है डायरियोक विलेज। आयरन मास्क कहता है डायरियोक विलेज और म्योंग फैमिली जितना हो सके उतना अवॉइड कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को, क्या तुम लोगों का कोई इरादा है यहाँ से लीव करने का। जिसे सुन सिस्टर कहती है अगर हमारा म्योंग फैमिली पोलाइटली आपसे पूछता है तो क्या आप इसमें एग्री करेंगे। आयरन मास्क उसकी ऐसी बातों को सुन अपने खतरे स्टाइल में आते हुए कहता है कितना बेवकूफाना सवाल है। वेल हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है प्राइडफुल म्योंग फैमिली यहाँ गोल्ड के लिए आया है। जिसके बाद वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने प्रेशर को बढ़ाने के साथ कहता है किसी भी तरह से यहाँ सभी को मार डालो और गोल्ड ले जाओ। हम देखते हैं वह अपने प्रेशर को बढ़ाते ही जा रहा था पर उन दोनों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दोनों स्माइल के साथ कहता है हमारी डिस्कशन 20 साल पहले हो चुकी है, उसके बाद भी तुम बास्टर्ड हेवन और अर्थ के बीच अंतर नहीं कर सकते। उन दोनों पर काफी ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था पर
और उन दोनों का स्माइल। भाई साहब कोई भी देख ले आधी रात को तो डर कर कहां जाएगा, मुझे भी नहीं पता। ब्रदर कहता है डायरियोक विलेज के लिए यह कितना प्रभावशाली होगा। चिंता। इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एरन मास्क अपने एनर्जी के प्रेशर को बढ़ाते हुए कह रहा था यही सभी को मार डालो और गोल्ड ले जाओ, जिसके बाद वह अपने एनर्जी के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाता है उन दोनों शिवलिंगों पर, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों स्माइल करते हुए कहता है हमारी डिस्कशन 20 साल पहले ही हो चुकी है, उसके बाद भी तुम कमीने अभी भी हेवन और अर्थ के बीच अंतर नहीं कर सकते। यह डायरियोक विलेज के लिए कितना प्रभावशाली हो सकता है। फिर वह दोनों अपने स्वर पर हाथ रखते हुए स्वर को बाहर निकालते हुए सिस्टर कहती है मैं तुम्हारा सामना करूंगी। लीडर अपने दांत पीसते हुए कहता है यह कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इसके दांतों को क्या हुआ भाई साहब, कौन सी तूत फेरी इसकी रातों में दांत लेकर भाग गई। खैर छोड़ो इससे हमें क्या, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की ओर। लीडर कहता है क्या तुम अब हमें धक्का देने वाले के रूप में देखती हो, मैं तुम्हें क्लियरली दिखाऊंगा अंडर टेक्निक स्क्वाड की पूरी ताकत। उसी समय सीन कट होकर डैन को देखते हैं जो उसी जगह के सामने आते हुए कहता है मैंने सुना है कि अगर मैं बैंक्सी आता हूं तो उत्तर सराय के पास रुकना सबसे अच्छा होगा। जिसे देख वो दोनों सिबलिंग शॉक हो जाते हैं क्योंकि डैन उन दोनों के बीच से जाते हुए कह रहा था वेल मुझे लगता है कि यह सच है, यह बैंक्सी की सबसे अच्छी जगह है। भाई साहब अब आएगा ना मजा, हो गई एंट्री हमारे डैन भैया की। लीडर डैन की ओर देखते हुए सोचता है वह कौन है यह कमीना। आयरन मास्क सोचते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह दो हीरो के बीच इतनी आसानी से गुजर रहा है। डैन अपनी चारों ओर सभी को खामोश देख कहता है देखने से ऐसा लगता है कि यह जगह काफी नॉइजी है। फिर वह उन सब पर बिना ध्यान दिए काउंटर की ओर जाते हुए कहता है लगता है मैं इन सभी को इंटरप्ट कर रहा हूँ, और वह आयरन मास्क के साइड जाते हुए उससे कहता है इसे माइंड मत करना अपना काम फिनिश करो। आयरन मास्क जिसे सुन खामोश रहता है। सिस्टर कहती है क्या वह कौन है। ब्रदर बेचारा अभी भी सदमे में था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था अभी अभी हुआ क्या। डैन काउंटर के पास बैठते हुए बारटेंडर से कहता है वो मुझे भूख लगी है क्या मैं अभी खा सकता हूँ। बारटेंडर डरते हुए कहता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से अभी भाग जाओ। अरे चचा क्या तुम भी यार। सिस्टर को देखते हैं जो अभी भी डैन की ओर देख रही थी। आयरन मास्क अपने चमकती आंखों के साथ डैन पर अटैक करते हुए कहता है बस एक वीक पॉइंट तुम ऑफ गार्ड हो छोटे बच्चे, जिसके बाद वह अपने हाथों के कपड़े को किसी सांप की तरह डैन की ओर भेजता है, पर उसके अटैक के आगे सिस्टर आ जाती है। ब्रदर उसको बचाने के लिए अपने पंखे को घुमाते हुए एक अटैक के साथ उसके अटैक को कैंसिल करते हुए कहता है बस एक मौका। उस अटैक से आयरन मास्क पीछे हट जाता है। ब्रदर अपने पंखे के साथ प्रेशर डालते हुए उसके ऊपर से अटैक करता है। वह उस अटैक से बचने के लिए अपने अटैक को वापस लेते हुए ब्रदर के अटैक को अपने हाथों से रोकता है। दोबारा वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। आयरन मास्क कहता है तुम बास्टर्ड। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे पर काफी ही ज्यादा अटैक करता है, पर लास्ट में ब्रदर एक जोरदार अटैक के साथ उसे पीछे फेंक देता है। वह एक चीख के साथ पीछे हटते हुए खुद को संभालता है और ब्रदर के पंखे पर अपने पैरों को रखते हुए एक जोरदार छलांग के साथ खुद को दीवार में अपने पंजे को धसाते हुए खुद को किसी मकड़ी की तरह चिपका लेता है। ब्रदर उसको ऐसा करता देख कहता है तुम्हें देखने से लगता है तुम स्केयर रैबिट की तरह भाग रहे हो। आयरन मास्क हंसते हुए कहता है तुम अच्छी बातें कर लेते हो, लेकिन मात्र इतनी मार्शल आर्ट की स्किल के साथ तुम मेयोंग खुद को लियोनिंग प्रोविंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली कहते हो। उसकी अटैक से ब्रदर की टोपी दो टुकड़ों में कटकर नीचे गिर जाता है। ब्रदर उसे दोबारा कहता है यह वास्तव में आप पर अप्लाई होता है सीनियर, बस इतने स्किल के साथ क्या डायरियोक विलेज में आपकी फेम थोड़ा मीनिंगलेस नहीं है। तभी उसके पीछे चोटी वाला कपड़ा कट जाता है, जिसे देख काफी ही ज्यादा हैरान होता है। वह ब्रदर की ओर काफी ही ज्यादा खामोशी के साथ देखता रहता है। पीछे से सिस्टर कहती है बिग ब्रदर। ब्रदर कहता है मैं तुम्हारे लिए 100 टेक्निक स्क्वाड को छोड़ दूंगा, पर उससे पहले मैं इस भद्दे आयरन मास्क के गले को तो काट दूं, और बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी यार, मैंने जितना हो सका उतना कम करने की अपनी पूरी कोशिश की है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर ब्रदर कह रहा था यह वास्तव में आप पर लागू होता है सीनियर, बस इतने से स्किल के साथ डायरियोक विलेज में आपकी फेम थोड़ा मीनिंगलेस नहीं है। इतना बताने के बाद हम उसने जो अटैक किया था उससे आयरन मास्क का पीछे का कपड़ा कट जाता है, जिसके कारण वह हैरान के साथ थोड़ा गुस्सा भी होता है और वह ब्रदर की ओर देखता है। तभी पीछे से सिस्टर कहती है ब्रदर। ब्रदर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए 100 टेक्निक स्क्वाड को छोड़ दूंगा, पर इससे पहले इस भद्दे मास्क वाले का सर तो अलग कर दूं। आयरन मास्क जिसे सुन कहता है छोटे बच्चे
बच्चे, अभी तुम ठीक से चलना भी नहीं सीखा और मेरा गला काटने की बात करते हो। लीडर की ओर देखते हैं, जहां वही चापलूसी वाला बंदा घबराते हुए कह रहा था, मास्टर जितना मैंने सोचा था वे उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। लीडर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मेरा भी मानना यही है। फिर वह किसी की ओर देखते हुए कहता है, नहीं यह मौका। जबकि भद्दा आयरन मास्क मयोंग से आए ब्रदर और सिस्टर के साथ फाइट कर रहा है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। उसी समय उसके ऊपर एक अटैक आता है। वह उस अटैक से बचते हुए कहता है, अरे यार मैं तो अभी बाल बाल बचा। उस अटैक को देखते हैं, जो कुछ और नहीं सिस्टर की टोपी होती है। वह अपनी पावर से दीवार तक में दरार ला देता है। सिस्टर लीडर से कहती है, बिग ब्रदर हमेशा मजेदार चीजें करते हैं और मेरे लिए हमेशा इन जैसे बकवास के गुच्छे को छोड़ देते हैं। चलो छोड़ो भी, अब क्या कर सकते हैं, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। लीडर उसे देख कहता है, तुम कमीनी लड़की। सिस्टर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहती है, मैं तुम्हें एक फ्री का एडवाइस देती हूँ। अगर तुम्हारे मन में दूर भागने का विचार आ रहा है तो मैं तुम्हें बता दूँ, यह बेहतर होगा कि तुम उस विचार को अभी तुरंत भूल जाओ। और अब मुझे बताओ, हमारी सारी आइटम कहाँ है जिन्हें तुमने चुराया था? अगर तुम मुझे यह बताते हो तो मैं तुम्हें बिना किसी पेन के मरने दूंगा। लीडर उसकी ऐसी बातों को सुन गुस्से से उसकी ओर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, तुम बेवकूफ लड़की, धिक्कार है, तुम सब कमीने, क्या कर रहे हो? फिर वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह मयोंग फैमिली हो या डाइडियोक विलेज का, उन सभी को मार डालो। सभी बैंडिट लीडर की बातों को सुन अटैक करते हुए कहता है, हम यह करेंगे। उन्हीं के बीच से कोई चिल्लाते हुए कहता है, अब से डाइडियोक विलेज मयोंग फैमिली के लिए एनिमी बन जाएगा। तू साल जो यहाँ पर सबको मार डालो, कोई नहीं बचना चाहिए। तभी उस पर कोई अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ। उस अटैक से वह बंदा दीवार को तोड़ते हुए पीछे जाने लगता है। साथ ही हम देखते हैं वह अकेला नहीं था जो दीवार को तोड़ते हुए पीछे गया था, उसके सारे साथी भी पीछे जाता है। पर वह सब वापस खुद को संभालते हुए उन दोनों ब्रदर और सिस्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उन्हीं सभी के बीच से कोई कहता है, गोल्ड हमारा है, डायरियोक विलेज। जिस बात को सुन डैन वही बगल में बैठा चौंक जाता है और पलट कर देखते हुए कहता है, क्या गोल? तभी उसका खाना उसके पास आ जाता है, तो वह एक बैट लेते हुए कहता है, ओह यह स्वादिष्ट लग रहा है। बारटेंडर बेचारा वही बगल में डर के मारे छुप कर कह रहा था, चूंकि आपने मुझसे भोजन के लिए कहा तो मैं निश्चित रूप से आपको परोसूंगा, लेकिन आप किसी दूसरे के सराय में क्यों नहीं जाते? डैन उसकी बातों को बिना ध्यान दिए कहता है, मैं गॉर्जियो से हूँ, असल में मुझे अच्छा खाना खाए 10 साल हो गया है। वह घबराते हुए कहता है, लेकिन यह सिचुएशन। डैन पीछे घूमते हुए कहता है, एनीवे क्या उनमें लड़ाई हुई है? मैंने उन्हें गोल्ड के बारे में बात करते हुए सुना। बारटेंडर घबराते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं है, मैंने जो सुना है उससे डायरियोक विलेज और मयोंग फैमिली उस गोल्ड के लिए फाइट कर रहे हैं जो बैंडिटों द्वारा चुराया गया था, जिसका नाम 100 टेक्निक स्क्वाड है। डैन खाना खाते हुए सोचता है, डायरियोक विलेज और मयोंग फैमिली, मैंने उनके बारे में अपने मास्टर से सुना है, वो लियोनिंग प्रोविंस पर रूल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। उसी समय फाइट को देखते हैं, जहां सिस्टर एक बंदे को जोरदार लात मारता है, वो सीधे डैन के बगल में जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। सिस्टर डैन के पीछे से देखते हुए सोचती है, वह क्योटिक सिचुएशन में भी खा रहा है, शायद उसे मार्शल आर्ट में मास्टर कर लिया है। हालांकि उसकी आंखें साफ है, वह डिफरेंट है रेपुटेबल फैमिलियों के मास्टरों से। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस लेवल तक पहुंच गया है जहां वह अपने पावर को छुपा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी वक्त एक मार्शल आर्टिस्ट उस पर पीछे से हमला करता है, तो वो बिना देखे उसे बीच से दो टुकड़ों में अलग कर देती है। वह दोबारा कहती है, यह बहुत बढ़कर सोचना होगा, देखने से ऐसा लगता है वह अपनी मध्य किशोर अवस्था में है, कोई रास्ता नहीं है कि वह इस उम्र में एक मास्टर हो सकता है। मुझे यकीन है बस वह कुछ अधूरी मार्शल आर्ट सीख रहा है और उस स्किल के बारे में बिना जाने शो ऑफ कर रहा है। पता नहीं डैन की पावर देखने के बाद इसका क्या होगा। वह डैन के पीछे से कहती है, हे तुम, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम इस जगह को छोड़ दो, अभी हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। डैन खामोशी से उसे सुनता है, वह पलट कर कहता है, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ खाना बाकी है, एक बार मैं इसे खत्म कर लूं तो मैं यहां से चला जाऊंगा, प्लीज आप बुरा मत मानना। वह कहती है, देखने से ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही गट्स है, तुम्हें जैसा लगता है तुम कर सकते हो। इतना बोलने के बाद वह दोबारा फाइट में चली जाती है। डैन उसे पीछे से देखता रहता है, तभी वही बंदा कहता है, आह मैं एक पल के लिए बेहोश ही हो गया था। डैन उसकी ओर बिना कुछ कहे देखता है। वह बंदा डैन को देख उस पर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम 100 टेक्निक स्क्वाड से हो? और यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, इस जगह पर तो बस एक ही स्क्वाड था जो कि 100 टेक्निक स्क्वाड था, पता नहीं ये कहाँ से आ गया और किसके साइड से फाइट कर रहा है। चलो छोड़ो भी। डैन उस अटैक को शांति से देखता है, फिर वह अपने चॉपस्टिक को घुमाते हुए उसमें थंडर क्यू डालता है और उस बंदे के फिंगर के कॉन्टेक्ट में लाता है। उसके कॉन्टेक्ट में आते ही वहाँ से एक वेव की तरह एनर्जी रिलीज होती है। हम देखते हैं वह एनर्जी चॉपस्टिक से होते हुए उस बंदे के फिंगर को क्रश करते हुए उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद
उसकी बॉडी को किसी शीशे की तरह तोड़ने लगता है। वह एक खतरनाक चीख के साथ अपनी मौत को एक्सेप्ट करता है और जमीन पर गिरते समय कहता है, 100 टेक्निक स्क्वाड और डाइड योक विलेज। डैन, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह कहता है, मयोंग फैमिली तुम कहना भूल गए। फिर वह सीरियस फेस के साथ कहता है, क्या यह मेनलैंड की मार्शल आर्ट स्किल है? इसके बाद वह एक स्माइल देते हुए कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा फाइट की ओर देखते हैं, जहां आयरन मास्क और ब्रदर एक दूसरे पर अटैक कर रहा था। आयरन मास्क कहता है, मैं क्यूरियस हूं इसके बारे में जानने के लिए कि क्या मयोंग फैमिली हाल ही में पूरे लियोनिंग प्रोविंस से गोल्ड को क्यों इकट्ठा कर रहा है। तुम लोग का पर्पस क्या हो सकता है? ब्रदर कहता है, क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं तुमसे सीधे शब्दों में कहूँ कि कोई कारण नहीं है? और वह एक अटैक करते हुए कहता है, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, अंत में मयोंग फैमिली ही होगा जो गोल्ड को ले जाएगा। लीडर उन दोनों को दूर से ही फाइट करते हुए देख कह रहा था, स्ट्रांग, यह कमीना कितना स्ट्रांग है। उसी समय दूसरे ग्रुप को देखते हैं जो एक बंदे पर अटैक करते हुए कहता है, अंततः यह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चापलूसी वाला बंदा कहता है, मास्टर हमारे 100 टेक्निक स्क्वाड से 8 लोग पहले ही डिफीट हो चुके हैं, अब हम क्या करने वाले हैं? लीडर कहता है, धत तेरी की डैमेज। फिर वह डैमेज चलाते हुए खुद को फाइट में उतारने के बाद अपने दोनों हाथों से जोरदार मुक्के से जमीन पर मारता है। उसके जमीन पर मारते ही वहां से एक जोरदार शॉक वेव बाहर की ओर निकलता है, जिसके कारण उसके पास से सारे मार्शल आर्टिस्ट जमीन तोड़ने के साथ हवा में उड़ जाते हैं। उस शॉक वेव को महसूस कर ब्रदर और आयरन मास्क भी अपनी फाइट को छोड़ रुक कर कहता है, ओह तेरे की यह अब क्या है? सिस्टर उसकी ओर देखते हुए कहती है, यह बास्टर। पर तब तक वह भी उस शॉक वेव के पावर को महसूस कर पाती है। वह ऊपर की ओर छलांग मारते हुए लीडर की अटैक से बचती है। उसे इस तरह बचते देख लीडर कहता है, धिक्कार है यह भद्दा मास्क और दो कमीने हीरो, इस ह्यूमिलेशन को कभी नहीं भूलूंगा। और वह दरवाजे से भागते हुए कहता है, मैं तुम सभी को एक दिन जरूर मार डालूंगा। ब्रदर उसके पीछे जाते हुए कहता है, मैंने अपने गार्ड को किसी मूर्ख की तरह नीचे कर दिया, यह कितनी शर्म की बात है। उसी के पीछे आयरन मास्क और कई सारे मार्शल आर्टिस्ट जाते हुए कहता है, हम चूरसार जो उस बास्टर्ड को नहीं खो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पकड़ो। उसके पीछे कोई कहता है, आपके आदेश पर। हम देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट उस सराय को तोड़ते हुए बाहर की ओर निकलता है, जिसे देख आसपास के सारे लोग उस ओर हैरानी से देखने लगते हैं। लीडर इतने सारे को अपने पीछे आते और भी तेजी से भागते हुए बस एक ही शब्द बोल रहा था, डैमिट डैमिट डैमिट। ब्रदर उसे ऐसे भागता देख कहता है, कितना बेवकूफाना है, क्या तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से भाग सकते हो? यह स्पीड काफी नहीं है। उसी समय आयरन मास्क को देखते हैं जो उसके पीछे आ चुका था। वह कहता है, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। वापस चचा को देखते हैं जो कह रहा था, अरे बाप रे, चलो एक साथ भाग चलते हैं मास्टर। उसे क्या पता मास्टर तो कब से उसे टॉफी खिला भाग चुका था। सिस्टर उसके पीछे से उसके गले पर स्वर रखते हुए कहती है, तुम जिस प्लेस पर जा रहे हो। फिर वह उसका गला काटते हुए कहती है, वह प्लेस हेवन तो नहीं हो सकता। उसका गला क्या से क्या हो गया चचा के साथ? सिस्टर अभी भी उसके ओर अपने पीठ को कर खड़ा थी। फिर वह अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, धत तेरी की यह 100 टेक्निक स्क्वाड, ना छू, मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगी। उसके ऐसा कहते समय उसके चेहरे को भी देखते हैं, जो क्या बताना यार, आप लोग समझदार है समझ जाओ। इसके बाद वह भी वहां से निकल जाती है। उस जगह को देखते हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहां कोई कह रहा था, जब तक कि आप 3 सर और 6 हाथों वाला राक्षस नहीं है, आप कभी भी बहुत सारे गोल्ड अकेले नहीं ले जा सकते। यह कहने वाला और कोई नहीं, हमारा डैन होता है। फिर वह अपने खाने को खत्म करने के बाद अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो गोल्ड के प्लेस को जानता है? जिसके बाद वह चचा के सामने जाता है, जो अपनी आधी टूटी फूटी आवाज में कह रहा था, मेरी मदद करो। डैन उसे देख कहता है, क्या तुम अभी भी पूरी तरह से अपनी सांसें नहीं खोई है? और वह अपनी हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है, तुम्हारा दुर्भाग्य, मेरी मार्शल केवल लोगों को नुकसान पहुंचाना जानता है, मैं नहीं जानता तुम्हें कैसे बचाऊंगा। वह अपनी दोनों फिंगर को उसके गले पर रखता है तो वह आधे आवाज में कहता है, क्या तुम यह क्या कर रहे हो? इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डैन उसी बंदे के पास आते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मास्टर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो गोल्ड के ठिकाने को जानता है? वो बंदा कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। डैन कहता है, क्या तुमने अभी तक अपनी सांसों को नहीं छोड़ा? मानना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है, मेरी मार्शल आर्ट केवल लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, मैं नहीं जानता तुम्हें कैसे बचाऊं। वह कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? डैन कहता है, हालांकि मैं तुम्हारी डेथ को दूर कर सकता हूं, पेन के
के साथ। वो बंदा दर्द से चिल्लाने की कोशिश तो कर रहा था पर उसका गला पहले ही कट जाने के कारण वह सीधे से चिल्ला तक नहीं सकता था। उसकी आंखें तक दर्द के चलते बाहर आ गई। वो अपने आधे टूटे फूटे आवाज में कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरी ब्लड और एनर्जी सब कुछ तोरा मरोरा जा रहा है। डैन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक मैं अपनी एबिलिटी को रोक नहीं देता। यदि तुम मेरे सवालों का उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें बिना किसी और दर्द के मार डालूंगा। मुझे बताओ गोल्ड कहाँ छुपाया गया है। बेचारा अपने ना रुकने वाले दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, डोंगम्यूंग माउंटेन उमरियोंग गॉक के वैली में वेलो से घिरी एक केव है, गोल्ड वहीं छुपाया गया है, प्लीज मुझे मार डालो। डैन कहता है, मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तुम्हारा थैंक यू, अब तुम आराम करो। इतना बोलने के बाद वह अपनी एनर्जी को रोकते हुए कहता है, और मुझे माफ करना, मैंने जो तुम्हें अभी हर्ट किया उसके लिए एक लास्ट बार तुम खुद को कम्फर्ट करो। वो डैन की ओर देखते हुए उसकी बातें सुनते हुए ही मर जाता है। डैन उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद करने के बाद कहता है, डोंगम्यूंग माउंटेन इसके बारे में चिंता करने की बात है क्या? शायद बैंक्सी में जहां सराय पड़ता है उसी के आसपास बैक्योरिक के पास होगा, जिसके बाद सीन कट होकर हम देखते हैं उमरियोंग गॉक के डोंगम्यूंग माउंटेन को, जहां डैन पहुंचकर कह रहा था, क्या यही वह जगह है जहां उसने बताया था? घोड़े के पैरों का निशान, साथ ही पास से गुजरे मालगाड़ी का निशान, देखने से लगता है यह गोल्ड की एक अच्छी और भारी मात्रा की तरह लगता है, क्योंकि खूर के निशान काफी अंदर तक है। और जब वह आगे की ओर देखता है तो वहां बेलों से घिरा एक केव जैसा कुछ होता है। डैन उन सारी बेलों को हटाते हुए अंदर झांकता है तो उसे अंधेरे में छोटी छोटी चमकदार जैसी कुछ चीजें दिखती है। डैन जब और भी आगे जाकर देखता है तो उसे वहां कई सारे बॉक्स टाइप डब्बों में गोल्ड पड़ा होता है। डैन इतने सारे गोल्ड को एक साथ देख एक स्माइल देता है, जिसके बाद दोबारा सीन कट होकर फाइट की ओर देखते हैं, जहां पर आयरन फिस्ट एक खतरनाक अटैक कर रहा था जिसका नाम जायंटिक स्प्रिट स्ट्राइक होता है। ब्रदर अपने स्लॉटर ड्रैगन स्लैश के साथ उस अटैक को काउंटर करता है। उन दोनों के अटैकों के टकराने से इतनी एनर्जी निकलती है कि उस जगह को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां के सारे मार्शल आर्टिस्ट को पीछे फेंक देता है। लीडर को देखते हैं जो कि पसीने से तरबतर होने के साथ डर के मारे कह रहा था, डैम इट धिक्कार है, यहां सारे कमीने कोई मजाक नहीं है। ब्रदर कहता है, भद्दे मास्क, हमारे स्किल बहुत ही डिफरेंट है, पर क्या आप अंत तक कोशिश करना चाहोगे? आयरन मास्क कहता है, तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। चूसाल जो इसे जल्दी पकड़ो, हम इसे जाने नहीं दे सकते। और अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि यह बंदा पिछले चैप्टर से ही किसे बार बार चूसाल जो बोल रहा है तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। चूसाल जो वह बंदा है जो कि इसका डिसेबल है, और यही वह बंदा है जो कि चोंग सेट के सारे बंदों को पिछले एपिसोड में मार कर सारे गोल्ड को चुराया था, और इसी की वजह से यह फाइट हो रहा है। मैं श्योर हूँ अब आपको इसके बारे में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए वापस आते हैं अपनी टॉपिक की ओर। वो बंदा कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहे। ब्रदर कुछ देख चौंक जाता है और कहता है, ओह तेरी की, अब यह क्या है? और सिस्टर उसके पीछे से निकलते हुए कहती है, चिंता मत करो ब्रदर, मैं आ गई, मैं इसका खातिरदारी अच्छे से कर लूंगी, तुम बिना किसी परेशानी के इस भद्दे मास्क को देखो। आयरन मास्क अपने दांत पीसते हुए कहता है, म्योंग जी तुम कमीनी, सिस्टर कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को अपने स्वर्ण एनर्जी से कईयों के सर से काटता हुआ आगे निकलते हुए लीडर के पास पहुंच जाती है। लीडर उसे इतना पास देख भागते हुए कहता है, अरे यार धत तेरी की, मुझे इससे दूर होना होगा। लेकिन सिस्टर उसे अब बिना कोई मौका दिए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसके गले से पकड़ लेती है। वह किसी फिश की तरह अपने हाथ पैर को फेंकते हुए उसके पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगता है। मास्क भी उसको इस हालत में देख उसकी ओर भागते हुए कह रहा था, धत तेरी की, मैं उसे इनके हाथों नहीं लगने दे सकता। पर तभी उस पर एक अटैक होता है। वह किसी तरह उस अटैक से बचता है और ब्रदर की ओर अपनी गुस्से वाली आंखों से देखता है। ब्रदर भी कौन सा पीछे रहने वाला था, वह भी अपने कोल्ड लुक के साथ कहता है, यदि तुम वास्तव में अंत तक हार नहीं मानते हो तो यह अभी भी रहेगा, मैं वैसे भी तुम्हारा गला काट दूंगा। लीडर सिस्टर की हाथों में अपनी सांसें ना लेने के बावजूद भी कह रहा था, डैम इट, लानत है, वह गोल मेरा है, मैं तुम बास्टर्डो को कभी नहीं बताऊंगा कि यह कहां है। सिस्टर उसे ऐसा बोलता सुन अपनी प्रिंसिपल ऑफ द स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए कहती है, नहीं तुम मुझे बताओगे क्योंकि मैं तुम्हें बताने का परमिशन देती हूँ। वापस डैन की ओर देखते हैं, जहाँ पर डैन उन गोल्ड को बैग में डालने के बाद उसे रखते हुए कहता है, अब सबसे पहले मैं उतना ही लूंगा जितना मुझे जरूरत है, और बाकी के बचे गोल्ड का क्या? मुझे यकीन है फ्यूचर में मुझे किसी बड़ी चीज के लिए इसका यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने जो पहले देखा था उसके हिसाब से डायरियोग विलेज को विन करना थोड़ा कठिन होगा। योग फैमिली के लोगों को यहाँ आने की संभावना ज्यादा है, वह सभी जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अकेला यहाँ के सारे गोल्ड को अपनी दम पर नहीं ले जा सकता, यह नामुमकिन है। इसके बाद वह अपनी पुरानी स्टाइल में अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है, वेल मुझे यहाँ से सारा गोल्ड मूव करने की कोई जरूरत नहीं है, पेड़ पत्थर और फॉर्म के साथ सब कुछ, यह फॉर्म सभी थंडर क्यू को इस प्लेस पर
नियंत्रित करेगा। पता नहीं इसका कहने का मतलब क्या था, पर जो भी था अच्छा था। इसके बाद हम देखते हैं उसकी थंडर की एनर्जी उसके दोनों साइडों से पूरी केव को धूल की तरह कणों में बिखेर रहा था। समय के एक पल के हिसाब में इतना बड़ा माउंटेन जैसे पेड़ से सूखा पत्ता गिरता है, वैसे ही विशाल माउंटेन टूट टूट कर गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ब्लास्ट के साथ माउंटेन की जगह खाली मैदान के अलावा कुछ नहीं बचता। डैन उसी जगह एक डिस्ट्रॉय हो चुके पेड़ के डाली पर चढ़ चारों ओर देखता है। फिर वह कहता है, अब यहाँ जो अभी आएगा उसे गोल्ड को ढूंढने में काफी ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। डैन अपनी नजरों को दूर तक दौड़ाता हुआ देखता है जहाँ डिस्ट्रॉय हो चुके माउंटेन के अलावा कुछ नहीं होता। वह कहता है, क्या इसे सेनयांग कहा जाता है, जो लियोनिंग प्रोविंस का सबसे भीड़ भाड़ वाला प्लेस है। डायरियोक विलेज फुसून से और म्योंग फैमिली सेनयांग से, क्या यह कोइंसिडेंस है? यह वह जगह है जहाँ 10 साल पहले मेरे मास्टर ने अपनी डॉटर को खोजने गए थे। यह सस्पेक्टेड प्लेस भी जहाँ युवान के मैसेंजर ने नूना को हमसे छीना था। यह सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हो सकता है कि फ्यूचर के लिए अपनी आंखों को इसकी कंफर्मेशन करना मेरे लिए कठिन हो। ठीक है, अब मैं सेनयांग के लिए जा सकता हूँ। जिसके बाद फुसून के डायरियोक बो को देखते हैं जिसके अंदर कोई कह रहा था, 7 लोगों को हमने खो दिया। मोयोंग फैमिली से आए 2 हीरोज के कारण हमने ऐसे वैल्यूबल लोगों को खोया है जो कि लीडर होता है। डायरियोक बो का मैन ग्वांग वो उसी के पास डायरियोक के मैन सॉन्ग ह्योंग कहता है, फादर अब और इंतजार करने और देखने का कोई मतलब नहीं है। उसी के बगल में डायरियोक के मैन ह्यू सेंग कहती है, चू साल्जो को मारने के मतलब है कि वे डायरियोक बो के खिलाफ फाइट करने का तैयारी कर रहे हैं। पीछे से हेरन मास्क कहता है, इन सभी का डेथ मेरी इनकॉम्पिटेंस के कारण हुई है, प्लीज मुझे पनिश करे। लीडर उसकी बातों का सुन कहता है, मुसू मुझे तुम जैसे व्यक्ति को पनिश करने का क्या मतलब है जिसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। फिर वह उसकी ओर देखते हुए कहता है, इससे भी ज्यादा मुझे जो परेशान कर रहा है वह यह है कि ग्रेट म्योंग फैमिली उनके 20 साल के प्रोनाउंसमेंट को वायलेट किया है केवल गोल्ड के खातिर। खैर उनका पर्पस चाहे जो भी हो, वे अपनी मर्जी से काम करके नहीं बच सकते। और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग गौर से सुनो, आज इसी मोमेंट से म्योंग फैमिली हमारा दुश्मन है। सभी डिसेबल को बाहर जाने पर रोक है। म्योंग फैमिली के अगेंस्ट वार की तैयारी की जाए। उसके सामने हम देखते हैं लाखों की तादाद में डिसेबल होता है। सभी चिल्लाते हुए कहता है, हम वार के लिए तैयार है, म्योंग फैमिली के अगेंस्ट कोई मर्सी नहीं दिखाया जाएगा। तभी पीछे से एरन मास्क कहता है, मास्टर। लीडर उसकी ओर देखते हुए कहता है, मुसू यदि तुम कहते हो कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो तो जिसने चुसालजो को कमांडर बनाया वह भी इनकॉम्पिटेंट है। क्या तुमको नहीं लगता कि इनकी डेथ कोई मीनिंग बनाता है, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ गोल्ड से। अदरवाइज तुमको म्योंग फैमिली के अगेंस्ट इस निर्णायक युद्ध में एक मोहरे के रूप में खड़ा होना चाहिए और मुझे दिखाना चाहिए कि मेरा डिसीजन सही है। आयरन मास्क कहता है, मैं आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ मास्टर, मुझे बस यह करना है। वह बंदा उसी समय एक लाश के अंदर कुछ महसूस करता है तो वो और भी गौर से देखते हुए कहता है, इस बॉडी के साथ क्या हुआ है, मुझे इससे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। और वह उस बॉडी के ऊपर से कपड़ा उठाने जाता है तो पीछे से मैन सॉन्ग ह्योंग कहता है, फादर क्या कुछ गलत है इन बॉडियों के साथ? वो बंदा कपड़ा को हटाने के बाद कहता है, इन सभी बॉडियों के बीच केवल यही एक डेथ बॉडी है जिसके ऊपर एक भी स्वर्ड के मार्क नहीं है। इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी सही है। इसकी डेथ इंटरनल अटैक से नहीं हुई है, इसकी हाथों के नशे को देखने से ऐसा हो सकता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके सारे वेंस टुकड़ों में बट गया है, किसी ने भयानक क्यूए के साथ इसके सारे वेंस को अंदर से ही फाड़ दिया है। फिर वह आयरन मास्क से कहता है, मुसू क्या वहाँ कोई और भी ऐसा था जब तुम सब दोनों हीरोज के साथ फाइट में बिजी थे? वह कहता है, यस मास्टर, वहाँ पर एक पर्सन ऐसा था। हाँ, वह लगभग मिड 20 के उम्र का एक यंग मैन होगा। उसका मूवमेंट रिमार्केबल था पर उसकी क्यूआई देखने से कुछ खास नहीं लग रहा था। वह बंदा कहता है, क्या मिड 20 का एक यंग मैन? अगर तुम सही हो तो इस उम्र में उसके जैसे के लिए इतने ज्यादा क्यूआई का यूज करना इम्पॉसिबल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन भी वहाँ पर हो जिसे तुम सबने महसूस तक न किया हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, अब किसी भी मैटर में हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। इतना कहते हुए उसके चेहरे को भी देखते हैं जिससे पसीना निकल रहा था। जिसके बाद वह मैन सॉन्ग ह्योंग से कहता है, सॉन्ग ह्योंग तुम्हें केवल उन नॉर्थ विंड गुणों की टैलेंट का सामना करना है, जितना हो सके उतना हर संभव प्रयास करना है। वह कहता है, यस फादर। फिर वह मन में सोचता है, वेंस जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को डिस्ट्रॉय करना, यह तो मेरे लिए भी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। यह कौन हो सकता है? म्योंग फैमिली में क्या हो सकता है? ऐसा कोई वॉरियर पहले से ही था या फिर वह कोई और था जो वहाँ ऐसे ही आ गया था? उसकी मौजूदगी म्योंग फैमिली के अगेंस्ट आने वाले वार में एक नया चेंज ला सकता है। जिसके बाद सीन कट होकर हम सेनयांग को देखते हैं जहाँ म्योंग फैमिली के मेंशन के अंदर दोनों ब्रदर और सिस्टर आया था। उन दोनों से कोई कह रहा था, तुम दोनों लेट हो। सिस्टर कहती है, बिग ब्रदर। आगे वाला बंदा कहता है, तुम्हारा फेस को देखने से लगता है कि चीजें अच्छे से काम नहीं किया। ब्रदर कहते
कहता है, हमें माफ कर दीजिए आपको डिसपॉइंट करने के लिए। वो बंदा म्योंग फैमिली का म्योंग यू सोंग होता है। वो कहता है, क्या डिसपॉइंट, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? मुझे पहली बार तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। तुम अपनी नॉनसेंस बातों को छोड़ो और मेरे पीछे आओ, फादर वेट कर रहे हैं। वो दोनों गुस्सा तो बहुत होते हैं, पर अपने गुस्से को शांत कर उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद एक रूम के अंदर इंटर करने के बाद हम देखते हैं वहाँ एक ओल्ड मैन होता है। यून सुंग उनसे कहता है, फादर, क्वांग सुंग और जी दोनों वापस आ गए। वो ओल्ड मैन बिना कुछ कहे शांति से उनकी ओर हल्का सा देखता है। यह ओल्ड मैन हेड होता है म्योंग फैमिली का, म्योंग डोंग च्योन। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं उसी रूम को जहां वो तीनों ही आ गए थे। वहां वो ओल्ड मैन जो कि हेड होता है म्योंग फैमिली का, वह कहता है, क्या वास्तव में तुम फेल रहे गोल्ड को पाने में? ब्रदर कहता है, हमें माफ कर दीजिए, बट यह बस एक छोटी सी मिस्टेक थी। मैं उमरियोंग गॉक गया था जहाँ 100 टेक्निक स्क्वाड ने गोल्ड को छुपाया था, लेकिन शायद एक लैंडस्लाइड के कारण वहां पूरी उमरियोंग गॉक कोलैप्स हो गया था। ओल्ड मैन उसकी ऐसी बातों को सुन उसकी ओर देखने के बाद कहता है, क्या बस एक छोटी सी मिस्टेक? ब्रदर दोबारा कहता है, हम गोल्ड के छुपाने की जगह के बारे में कन्फर्म, क्योंकि हमने उनके लीडर से सोल कंट्रोल के जरिए ग्रेट मेथड के द्वारा उनसे उगलवाया है। यदि आप मुझे थोड़ा समय देते हैं तो मुझे विश्वास है मैं सारे गोल्ड को ढूंढ लूंगा, भले ही मुझे कोलैप्स हो गए माउंटेन को ही मूव क्यों ना करना पड़े। हेड अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहता है क्वांग सुंग। फिर वह अपने हाथों को पावर से रिचार्ज करते हुए थोड़ा मोड़ता है, जैसे किसी का गला पकड़ रहा हो। वह कहता है, तुम जरा मेरे पास आओ। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसके ऐसा करने से ब्रदर के गले में एनर्जी टाइप कुछ होता है जो कि उसके गले को चौंक कर रहा था। घबराते हुए कहती है, बिग ब्रदर, वह उसकी ओर भागती है। ब्रदर अभी भी उस एनर्जी से हवा में फ्लाई करते हुए ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था जो कि शायद होता है फादर। ओल्ड मैन उसे गले से पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम चीजों को इतनी लापरवाही से हैंडल करते हो तो मैं तुम पर इतना महत्वपूर्ण काम करने का भरोसा कैसे कर सकता हूँ? वापस सिस्टर को देखते हैं जिसे गु सुंग रोक देता है। वह कहती है, फादर, बिग ब्रदर की हालत तो देखिए। वह उसकी ओर देख बस यह कहता है, जी इंटरफेयर मत करो। दोबारा हेड कहता है, क्या तुम यह जानते हो हमारे म्योंग फैमिली ने डोर क्यों क्लोज करने का अनाउंस किया? और वह उसकी गले को और भी जोर से दबाता है। ब्रदर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ फादर, क्योंकि हमें आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंडर आने वाले 5 ड्रैगन लीग में एंटर करना था। ओल्ड मैन उसकी ऐसी बातों को सुन उससे बताता है, तुमने ठीक कहा, पर यह तुम्हारे माइंड की लिमिट है। पूरी दुनिया ने हमें 5 ग्रेट फैमिलियों में से 2nd बेस्ट रैंक दी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें उस फैमिली के रूप में कंसीडर किया है जो फ्यूचर में 5 फैमिली को लीड करने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे फैमिली को लिमिट करने की कोशिश भी कर रहे थे। फिर उन्होंने आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंडर 5 ड्रैगन लीग का गठन किया और हमें बाहर कर दिया। उसी कारण से 20 साल पहले मैंने उन सभी लोगों से अपना पीछा छुड़ा लिया जिन्होंने मेरी इच्छा का विरोध किया, भले ही वो सारे हमारे फैमिली के एल्डर थे। जिसके बाद उन्होंने हमारे फैमिली के डोर को क्लोज करने की घोषणा की। आज मैं तुम्हारे माइंड के लिमिट को बढ़ाते हुए बताता हूँ, मैंने यह सब सिर्फ 5 ड्रैगन लीग में शामिल होने के लिए नहीं किया, बल्कि पूरे आयरन मार्शल एसोसिएशन को ही हमारे फैमिली के अंडर लाने के लिए किया। फिर वह ब्रदर के सर को पकड़ने के बाद जोरों से नीचे दबाते हुए उसके कानों में कहता है, क्वांग सुंग, मुझे बताओ तुम्हें आगे क्या दिखाई दे रहा है? ब्रदर अपने आधे आवाज में कहता है, मैं देख पा रहा हूँ नॉर्थ के रिज केव। ओल्ड मैन कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, यह नॉर्थ की रिज केव है, ग्रेट नॉर्थ की लेगेसी रिज केव, जो की पूरी 5 ड्रैगन लीग को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन इस लेगेसी को खोलने की चाबी है गोल्ड। क्या तुम्हें अब समझ आई तुम जिस छोटी सी गलती की बात कर रहे थे? वह उस प्लान को रोक रही है जिस पर मैंने अपने 20 साल तक की कड़ी मेहनत की है। ब्रदर अपनी बुरी हालत में ही कहता है, मुझे माफ कर दीजिए फादर। उसी समय पीछे से गु सुंग कहता है, फादर आप प्लीज शांत हो जाइए, मुझे यकीन है कि क्वांग सुंग अब इसे समझ गया है। उन सभी का फादर कहता है, गु सुंग दोबारा कहता है, और फादर आप प्लीज टेंशन ना ले, मेरे पास एक रास्ता है, कुछ ही दिनों में हम गोल्ड को दोबारा पा लेंगे। आयरन हॉर्स ब्यूरो के जरिए ग्रेट नॉर्थ रिज की लेगेसी जरूर से पूरी होगी। हेड थोड़ा सोचने के बाद ब्रदर को छोड़ने के बाद कहता है, क्वांग सुंग और जी तुम दोनों अब इस काम को नहीं करोगे, तुम दोनों बस अपने आसपास के एरिया पर नजर रखोगे। एक अफवाह सुनाई में आ रहा है कि नॉर्थ विंड गुन टैलेंट एक प्लान बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि उसके साथ लायन लीग भी आगे बढ़ रहा है। ब्रदर कहता है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा फादर। जिसके बाद हेड एक जगह अपने हाथों को रखते हुए कहता है, 20 साल गुजर गए, मैंने 20 साल तक इंतजार किया है, और अब हमारे पास सिर्फ एक कदम बचा है। फिर वह अपने हाथों से उस जगह को तोड़ते हुए कहता है, जब हम वह अंतिम और लास्ट कदम उठाएंगे हम दुनिया को अपने म्योंग फैमिली
फैमिली के पैरों में रखने में सक्षम हो जाएंगे। साथ ही उसके फेस को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा इविल से भरा हुआ था। इसी के साथ सीन कट होकर रेड मून को देखते हैं जहाँ पर डैन उसको देखते हुए कह रहा था, रेड मून यह उसी दिन की तरह है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है जो उसका नाम पुकार रहा था। वह पलटते हुए कहता है, क्या यह आवाज उसे उसी दिन की बात याद आता है जहाँ पर जैक्सन गिरते हुए कह रहा था, डैन मेरी नूना प्लीज उसका ध्यान रखना, और वह उसे पुकारते हुए गिर जाता है। डैन उसकी ओर जैक्सन कहते हुए भागता है। तभी पीछे से नूना चिल्लाती है, नहीं सायू यहाँ से भाग जाओ। डैन उसकी ओर घूमते हुए कहता है नूना, पर वह खुद को उसी चेन से बंधा पाता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश तो करता है पर छुड़ा नहीं पाता। अपनी उसी हालत को वह सोचने लगता है जब उसे चेन के साथ लटकाया गया था और मैसेंजर कह रहा था, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद है जिसके पास फियरलेस स्पिरिट होता है, पर क्या तुम्हें पता है मुझे इससे भी ज्यादा क्या पसंद है? उस फियरलेस स्पिरिट और उसके बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। उसके स्पिरिट के साथ डैन चौंकते हुए जागता है और हमें पता चलता है यह उसका ड्रीम था। वह जलते आग के बगल में लेटा सोच रहा था। फिर वह उठकर बैठता है और कहता है, जैक्सन नूना मैंने उसके बारे में सपना देखा क्या? तभी उसके पीछे से कोई आता है। उसे महसूस कर वह पीछे देखता है तो वहाँ एक अननोन पर्सन होता है। डैन उसकी ओर देखता है, वह भी डैन की ओर कोल्ड लुक से देखता है। हम देख पाते हैं वह अकेला नहीं होता, उसके पीछे और भी कई मार्शल आर्टिस्ट होता है। उन्हीं के बीच से उन सभी का लीडर आगे बढ़ता है। डैन बिना किसी इमोशन से उसे देखता है। वह पर्सन डैन को ग्रीट करते हुए कहता है, आप आराम कर रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आयरन हॉर्स ब्यूरो से मैक गो यू हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आज रात ठहरने के लिए जगह की तलाश में है। उसी वक्त उसके बगल से एक पर्सन कहता है, यंग मैन मैं आयरन हॉर्स ब्यूरो का मैक जू हूँ। हम थोड़ी देर के लिए इस जगह पर आराम करना चाहते हैं। डैन स्माइल के साथ कहता है, मैं भी आपको गौरियों से ही देख रहा हूँ। आप यहाँ रुकने के लिए खुद को स्वतंत्र समझे, वैसे भी यह जमीन किसी की नहीं है। वह सभी वहाँ रुकने के बाद खाना बनाने के साथ डैन से कहते हैं, मुझे आपको देखकर काफी ही जलन हो रही है कि आप यात्रा कर रहे हैं। जब मैं आपकी तरह छोटा था तो मैंने भी दुनिया घूमने के सपने देखे थे। डैन कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं तकरीबन 26 साल का हूं। जिसे सुन वह खाना खाते हुए चौंक जाता है और दोबारा कहता है, ओह माफ करना, मैं वास्तव में आपसे एक दो साल ही। डैन मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, यह ठीक है। तभी दूसरा पर्सन खाना लेते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी प्लीज उसे माफ करें, हालांकि हम पहली बार मिले हैं। मेरे बड़े भाई कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते समय अपना मैनर को भूल जाते हैं जिसे वे पसंद करते हैं। और वह डैन को खाना देता है। डैन उसे लेते हुए कहता है, धन्यवाद, हम पहली बार मिले हैं पर मैं पहले से ही आपका एहसान मंद हूँ। वह हंसते हुए कहता है, यह कुछ भी नहीं है, हम लोग वे हैं जो आपके ऋणी हैं। आपको प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे ब्रदर बुला सकते हैं। हम किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए सेनयांग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक समस्या है। मान लो किसी बैंडिट के द्वारा हम पर हमला होता है तो इसी कारण से हम जब भी सेनयांग जाते हैं हम इसी प्लेस पर डेरा डालते हैं। यह ऊंची जमीन पर है और चारों तरफ से खुला है, इसलिए यहाँ खुद का बचाव करना कुछ हद तक आसान होता है। डैन सोचते हुए कहता है, तो यह सभी सेनयांग जा रहे हैं? फिर वह कहता है, आपने कहा कि आप सेनयांग जा रहे हैं, तो क्या यह मियोंग फैमिली से रिलेटेड है? जिसे सुन वह थर्रा जाता है और कहता है, क्या माफ करना, कोई फर्क नहीं पड़ता हम आपके कितने एहसान मंद हैं, पर हम हमारे क्लाइंट के लिए हम आपको कुछ नहीं बता सकते। क्लाइंट का ट्रस्ट आयरन हॉर्स ब्यूरो को किसी को प्रोटेक्ट करना है, यह हमारे रूल है। अगर हम उनके भरोसे को तोड़ते हैं तो हमारे जैसे छोटे ब्यूरो को सर्वाइव करना काफी ही मुश्किल हो जाएगी। डैन कहता है, मुझे माफ करना, मैं समझ गया। अभी उसी पर्सन के पीछे से कोई कहता है, ओह बुरा मत मानना, पर क्या आप भी सेनयांग जा रहे हैं? डैन कहता है, हाँ आपने ठीक कहा, कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्यूरो के लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वह पर्सन दोबारा कहता है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इन्फॉर्मेशन की बेस्ट सोर्स को जानना चाहते हैं तो यह पब्लिक और लो रैंक के फैक्शन के पास से मिलेगा। पब्लिक और लो रैंक के फैक्शन उनकी लो रैंक के स्टेटस के कारण और वाइड कनेक्शन, ऐसा कोई प्लेस नहीं है जिसके लिए उनके पास आंख और कान ना हो। सेनयांग की पब्लिक काफी ही ज्यादा अजीब है। डैन उसकी ऐसी बातों को सुन सोचता है, पब्लिक और लो रैंक के फैक्शन जैसे बेगर और सर्वेंट। वो पर्सन कहता है, सेनयांग अभी वार के कगार पर है, डाइड योक विलेज और मियोंग फैमिली के कारण, लेकिन अगर यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं हुआ तो उनसे बचना बेहतर होगा। डैन कहता है, मुझे लगता है यह कुछ ऐसा है जिसे वास्तव में जानने की आवश्यकता है। और वो एक स्माइल देते हुए सोचता है, चाहे जो हो जाए मैं निश्चित रूप से। डैन की ऐसी स्माइल देख वह पर्सन घबराते हुए सोचता है, यह भयावह मुस्कान, वह इस तरह कैसे मुस्कुरा
सकता है। फिर वह कहता है, यह एक हैवी स्टोरी है, मैं अब और क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। इसके बाद वह सभी खाना खाते हुए कहता है, अच्छा अच्छा चलो खाते हैं। सारा खाना ठंडा हो गया और वहाँ ऐसे ही रात से दिन हो जाता है। वह सभी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ कोई कहता है, मुझे यकीन है कि यह जल्द ही आयरन मार्शल एसोसिएशन की दुनिया होगी। यंग मैन, क्या आप उस आकार की कल्पना कर सकते हैं जिसकी संरचना परिधि के 4 किलोमीटर जितना हो? यह पहले से ही मुरिम लीग के ऑफिस का साइज है। मुझे यकीन है कि अब से कोई भी आयरन मार्शल एसोसिएशन को पार नहीं कर सकता। डैन कहता है, आयरन मार्शल एसोसिएशन? वह पर्सन चौंकते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। क्या आप कह रहे हैं कि आप आयरन मार्शल एसोसिएशन को नहीं जानते? डैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, वो मैं मुझे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में गए काफी समय हो गया है, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। वह पर्सन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं आपको बताता हूँ। 9 सेंट्रल, 5 ड्रैगन लीग और लायन लीग, ये तीनों फोर्स मिलकर आयरन एसोसिएशन बनाती है। डैन कहता है, तो क्या यह सभी स्ट्रॉन्ग है? वह कहता है, क्या आप 2 सेंट, 3 ट्राइडेंट और 4 हॉनर को नहीं जानते? यह टाइटल केवल दुनिया के बेस्ट मास्टर के लिए है। वे बेस्ट में भी बेस्ट है। उनमें से एक रेनी शॉर्ट सेंट उनयुपजा, वह 9 सेंट्रल के हेड है, और दूसरा 5 ड्रैगन लीग का हेड फीस्ट सेंट वांगबो कुन एक। ये दोनों पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट मास्टर है और कोई भी उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। और तीसरा जो उन दोनों को फॉलो कर रहा है, अनमैच टैरेंट च्योलमुस्योंग, यह हेड है लायन लीग का। हालांकि उसका रैंक लो है, पर च्योलमुस्योंग की पावर और उन दोनों की पावर के बीच केवल एक छोटा सा अंतर है। वे कितने ग्रेट हो सकते हैं? कुछ लोगों के अनुसार वे अमर होने के कगार पर है। डैन सोचता है, क्या अमर या फिर कहूँ इमोर्टल? लगता है गॉर्जियो में भी कुछ इमोर्टल वापस आ गए थे। और वह मास्टर की बातों को सोचता है, जहाँ वह कहता है मास्टर ने उन्हें हार्मिट कहा था। उन सभी हार्मिटों ने मास्टर की वजह से अपनी लाइफ को खो दिया था, और यही कारण है कि हेवनली आर्टिलरी जनरल के मास्टर के पावर को सेल्सियन आर्ट या मारने के लिए मार्शल आर्ट कहा जाता है। आने वाले 3 इमोर्टल प्रेजेंट की मास्टर की हाईलाइट। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे मास्टर के साथ लड़े तो कौन जीतेगा? नहीं, अगर हम फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा? 3 इमोर्टल या फिर मैं? देख रहे हो बंदे की कॉन्फिडेंस, ऐसी ही कॉन्फिडेंस तो चाहिए। 3 इमोर्टल के साथ अकेला फाइट करना चाहता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहां डैन सोच रहा था, क्या अमर या फिर कहूँ इमोर्टल? गॉर्जियो में भी कुछ इमोर्टल आ गए थे। फिर वह एल्डर की बातों को याद करते हुए कहता है, मेरे मास्टर ने उन्हें हार्मिट बताया था। उन सभी हार्मिटों ने मास्टर के कारण अपनी लाइफ को खो दिया, जिसके कारण हेवनली आर्टिलरी जनरल यानी मास्टर की पावर को सेल्सियन मार्शल आर्ट या फिर मारने के लिए मार्शल आर्ट कहा गया। आने वाले 3 इमोर्टल्स प्रेजेंट के मास्टर की हाईलाइट। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे मास्टर के साथ फाइट करे तो कौन जीतेगा? नहीं, अगर हम फाइट करे तो कौन जीतेगा? तभी उसे ब्लड का स्मेल आता है तो वह थोड़ा खामोश हो जाता है। फिर वह आगे देखते हुए कहता है, यह ब्लड का स्मेल है। उसी समय वहाँ घोड़े पर एक पर्सन बड़ी तेजी के साथ वहाँ आते हुए कहता है, ब्रदर मैक गोयो। उसे देख चौंक जाता है। वह पर्सन जो कि गोयो का ब्रदर होता है, यहाँ से कुछ दूर आगे पासी में बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है। लगता है उनमें से कुछ मुयोंग फैमिली के वॉरियर की तरह दिखता है, जबकि कुछ वेंडर्स है। देखने से ऐसा लगता है कि वे वास्तव में डायरियोक विलेज के वेंडर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुयोंग फैमिली और डायरियोक विलेज के फाइट को लेकर वास्तव में गंभीर है। वहाँ देखते हैं आगे जाने पर उन सभी को हर जगह लाशें ही दिख रहा था। वह फिर कहता है, अगर वे लोग उसे पसंद करने वाले हैं तो कोई गारंटी नहीं है हमारे सेफ होने का, हमें जल्दी करना होगा। डैन उन सभी को काफी ही ज्यादा घबराया हुआ देखता है। गोयू कहता है, हर कोई तैयार हो और अपनी सावधानी को बरतो, हमें आज सनयांग पहुँचने की जरूरत है। तभी डैन की नजर एक लाश पर जाता है। वह कहता है, क्या एक गोर्जियो का पर्सन? जिसके बाद गोयू अपने घोड़े को और भी तेजी से दोहराते हुए कहता है, हमारे लिए आवश्यक है कि जितनी जल्दी हो सके हमें योलू प्यूंग से बाहर निकलने की जरूरत है, हम वहीं जाकर रुकने वाले हैं। सभी एक साथ कहता है, आपने सही कहा। डैन को देखते हैं जो अपना आराम फरमा रहा था। वह मन में सोचता है, गोर्जियो का एक पर्सन देखने से लगता है वह जो पहनावा पहना था वह गोर्जियो का पहनावा है। क्या इन्हें लिविंग बनाने के लिए लाया गया था ताकि उन्हें वेंडर्स बनाया जाए? उसी समय गोयू चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है आप सभी इतनी सारी लाशों को देख घबरा गए हैं, पर मुझे लगता है कि इसमें डायरियोक विलेज के बैंडर्स इन्वॉल्व हैं। वे शायद अपने फैक्शन के वॉरियर को वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे मुयोंग फैमिली के हिस्ट्री को नहीं जानते हो। डैन सीरियस लुक में सोचता है, तो क्या अंत में वे उनके साथ केवल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं? लेकिन अगर चनयांग में गोर्जियो से बहुत सारे लोग आए हैं तो ऐसा हो सकता है उनमें से किसी को जरूर पता होगा कि मास्टर की डॉटर और नूना के बारे में। जुनहू कहता है, ब्रदर मैं पहले से ही ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन को देख सकता हूँ। डैन
कहता है क्या ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन। वो बंदा दोबारा कहता है यही पर गर्जियो और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच भयंकर वार हुआ था, अभी भी यहाँ कुछ निशान है, उन्होंने केवल यहाँ ब्लड और आंसू छोड़ दिया है, इसी कारण से इस जगह को ह्यूलोपियोंग कहा जाता है। ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन की मूर्ति उन्हीं वॉरियरों की याद में बनाई गई थी। ओरिजिनली यहाँ पहले दो ड्रैगन था, लेकिन 10 साल पहले दो में से एक ड्रैगन गिर गया, पर क्या कर सकते हैं कोई नहीं जानता कि कैसे एक दानव ने ब्लैक ड्रैगन को जो कि 10,000 पाउंड का था वह इस तरह उसे समाप्त कर देगा। डैन उन सभी की बातों को सुन सोचता है क्या यह हो सकता है कि जिसकी वे सब बातें कर रहे हैं वे मास्टर थे। चलो छोड़ो, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा अगर मैं सेनयांग पहुंच जाता हूं। ऐसे ही वे सभी सेनयांग के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। ब्रदर कहता है ब्रांच डोंग जुक रू को वही कहीं ओपन होना चाहिए। डैन ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू और साथ ही थैंक्स जो हम सब यहाँ सेफ पहुँच गए। जुनहू भी ग्रीट करते हुए कहता है आपको थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वजह से हमारे पास बात करने के लिए कोई था, मैं आशा करता हूँ आपकी जर्नी सुरक्षित रहे। डैन उसकी बातों पर स्माइल करता है, तभी ग्यू ह्यू फनी स्टाइल में डैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे, इसलिए आप इसके बारे में सोचो, मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से हमें अब जाना होगा, अगर अगली बार आपके पास कुछ समय हो तो आयरन हॉर्स ब्यूरो को तलाश करना और मुझे आशा है कि आपकी जर्नी में अच्छे चीजें होंगी। डैन स्माइल देते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर इसे करूंगा, मैं जरूर आप लोगों से मिलने आऊंगा, जिसके बाद वह सभी अपने रास्ते निकल जाते हैं। डैन उन सभी को जाते हुए पीछे से देख रहा था, फिर वह पलटते हुए कहता है तो मैं अब जा सकता हूँ। इसके बाद वह बहुत तेजी से अपनी जगह से छलांग मारते हुए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को पार करता जा रहा था और कह रहा था जैसे मैंने सोचा था यह एक अच्छी जगह की तरह लग रहा है। वह इसी तरह से सारे बिल्डिंग को पार करता चारों तरफ देख रहा था, फिर वह एक जगह पर रॉड को पकड़ते हुए खुद को रोकने के बाद कहता है बहुत खूब, और वह आगे की ओर देखता है, फिर कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वह मियोंग फैमिली का टारगेट था। उसी वक्त उसे कहीं से हेल्प की आवाज सुनाई देता है, वो पलट कर उस ओर देखता है जहाँ कुछ लोग किसी को घेरे हुए कह रहा था मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ फिर मत आना क्योंकि यह पब्लिक प्लेस है। वह उन सभी के बीच लात खाते हुए हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। डैन सोचता है तो यह है गॉर्जियो की बोली और वह खतरनाक स्पीड से वहाँ भागता है। उस जगह पर हम देखते हैं वह एक छोटी बच्ची होती है, वह दर्द में चिल्लाते हुए कह रही थी तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी माँ बहुत बीमार है इसलिए मैं अपने फादर को खोजने आई हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी बातों को सुने। उन्हीं के बीच से एक पर्सन उसके ऊपर बैट से मारते हुए कहता है यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम लोगों से हेल्प मांगते हुए इधर उधर घूम सकती हो। तभी डैन उसके साइड आते हुए कहता है hey, लो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस छोटी बच्ची के प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर बन रहे हो। फिर वह अपने पुराने स्टाइल में फिंगर से एनर्जी निकालते हुए उसकी ओर करता है, वह फिंगर उस बंदे के बैट के कॉन्टेक्ट में आता है तो हम देखते हैं वो बैट उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है। वह बंदा यह देख काफी ज्यादा घबरा जाता है। डैन उसकी ओर देखता है फिर कहता है देखने से लगता है तुम पब्लिक फैक्शन में से एक लग रहे हो, लेकिन क्या एक एडल्ट के रूप में बच्चे को पनिश करना तुम्हें ठीक लगता है। फिर वह अपनी उंगली को उसकी सर के कॉन्टेक्ट में लेता है जिसे देख वह घबराते हुए कहता है hey, रुको रुको तुम यह क्या कर रहे हो। पर डैन उनकी ओर सिर्फ गुस्से से देखता है और समय के एक सेकंड के अंतर में उन दोनों के साथ बगल वाला भी एक झटके के साथ पीछे फेंक दिया जाता है, उनका फेस पूरी तरह से काला पड़ जाता है। डैन की पावर को देखने के बाद उस बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरा पर्सन वहीं बैठा माफी मांग रहा था। डैन कहता है तुम बच्ची, वह उसकी ओर देखती है क्या तुम गॉर्जियो से हो। उसी समय हम देखते हैं छत पर से एक ओल्ड बेगर उन सभी पर नजर रख रहा था। ओल्ड बेगर कहता है अरे बाप रे कोई इस पर विश्वास करेगा, क्या इसकी यह मार्शल आर्ट उसका है। डैन को देखते हैं जो अभी भी कह रहा था बच्ची क्या तुम गॉर्जियो से हो, वह कहती है हाँ मैं गॉर्जियो डायलेक्ट से हूँ, पर क्या आप भी गॉर्जियो से हैं। तभी वहाँ एक बंदा उठते हुए कहता है तुम बास्टर्ड तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो। डैन उसकी ओर खामोशी से देखता है, वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इंटरप्ट करने की, अब तुम अपने मौत से बचने में एवल नहीं होगे। वह एक अटैक को करते हुए डैन की ओर भागता है, पर डैन उसकी अटैक को देखते हुए अपने हाथों से उसे रोक देता है जिसके कारण उसका पूरा हाथ कोलैप्स होने लगता है। वह कहता है मेरा हाथ, और दर्द के मारे अपने दूसरे हाथ से डैन के हाथों को पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है। डैन कहता है मुझे बताओ इसके जैसी छोटी बच्ची ने क्या किया जो तुम लोगों को इतने दूर तक जाने पर मजबूर कर दिया, क्या पब्लिक का अधिकार सब झूठ है, यह काफी शर्म की बात है, क्या पब्लिक क्रिटिसाइज भी करता
होता है। तभी अंधेरे से ओल्ड बैगर कहता है वह बच्चा बहुत सी चेतावनियों के बाद भी अभी भी ओपन हाउस के टेरिटरी में घुस बैठ कर रही थी। मैं बुद्धिमान व्यक्ति होंगायु हूँ जो ओपन हाउस के ठीक पीछे रहता है, और आप कौन है? डैन कहता है मैं डैन साई हूँ गर्जियो से। और वह मन में सोचता है क्या ज्ञानी। ओल्ड बैगर कहता है यंग मैन क्या आप इन बदसूरत कमीनों को जाने दे सकते हैं? वे डेफिनेटली बास्टर्ड हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें अपंग बनाने की जरूरत नहीं है? डैन अपने स्टाइल में कहता है क्या एक सुझाव, जबकि उन्हें इक्वल होने की आवश्यकता है। और वह उस बंदे के हाथों को तोड़ते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि हम अभी उस स्थिति में है। ओल्ड बैगर हंसते हुए कहता है वेल आप गलत नहीं हो, लेकिन मेरा मतलब यह था कि आपको उन भिखारियों से परेशानी नहीं होना चाहिए, और साथ ही वह बच्ची भी सुरक्षित रहने वाली है, क्या यह बेहतर नहीं है? डैन स्माइल के साथ कहता है तुम बेकार सिली ओल्ड मैन, जिसके बाद वह उसका हाथ छोड़ देता है। पर उसकी हाथों के ब्लड और मांस पूरी तरह से सूख गया था। ओल्ड बैगर कहता है यह सही है, मुझे पता था कि आप सुनेंगे, थैंक यू यंग मैन। डैन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वह बच्ची जिसे सुन चौंक जाती है, फिर वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है ओ संगवो। डैन उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है तुमने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है, चलो उसको देखते हैं। वह कहती है ठीक है चलिए। वापस उस बंदे को देखते हैं जो कह रहा था एल्डर वह था जो कि इंटरफेयर किया था, आपने उसे जाने क्यों दिया? ओल्ड बैगर जाते हुए बताता है अब इनका क्या कर सकते हैं, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने तुम्हारी जान बचाई बेवकूफ बास्टर्ड। अगर मैंने अपने पैरों को आगे नहीं किया होता तो नहीं तुम लोग क्या पूरे सेनयांग के इंटायर पब्लिक ब्रांच ग्रेट डेंजर में अभी होता। देखो अगर उसने अपना मन नहीं बदला होता तो वह तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन फिर भी उसने तुम लोगों को जीने दिया। उस बंदे के मुंह से झाग तक निकल गया था। ओल्ड बैगर दोबारा कहता है क्या तुमने उसके हाथों को देखा, लॉन्ग और सिलेंडर जेड हैंड, यह उस वोमेन के हाथों की समान है जिसने कभी कुछ नहीं किया। जिस मोमेंट मैंने उस ब्यूटीफुल हाथों को देखा उसी वक्त मैं समझ गया यह लॉन्ग सिलेंडर जेड हैंड नहीं बल्कि एक शैतान का हाथ है। ठीक 10 साल पहले उस दिन की तरह जब मैंने देखा था ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन के मूर्ति के सामने एक ओल्ड मैन उसी हाथों के साथ खड़ा था, बेहद शांत व्यक्ति। मेरा यह इम्प्रेशन पहली बार था उसे देख, मुझे नहीं पता कि वह कितनी देर तक वहां खड़ा था, पर वह इतना शांत ओल्ड मैन था कि पता भी नहीं चला कि वह कब वहां पहुंच गया। वह एक स्ट्रॉन्ग मास्टर था। उस ओल्ड मैन के भी लॉन्ग और सिलेंडर जेड हैंड था। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैंने कभी नहीं भूलूंगा। बस एक हाथ के इशारे से ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन इस तरह हिला जैसे कि वह जीवित है। वह अपनी आकार बदलने लगा जैसे मानो उसे दर्द हो रहा हो। यदि उस पर्सन का मार्शल आर्ट रिवील हो जाती है तो मैं सोचने मात्र से ही भयभीत हो जाता हूं। जिसके बाद वहां से ओल्ड मैन गायब हो गया और केवल वहां डिस्टॉर्टेड ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन की मूर्ति ही बची, जिसे देख मेरी चेस्ट तक फूल गई। 10 साल बीत चुके हैं पर मैं अभी भी नहीं भूल सकता कि उस दिन उस ओल्ड मैन ने क्या कहा था, मेरे डिसेंडेंट आएंगे। इस चैप्टर की शुरुआत में हम एक अननोन प्लेस को देखते हैं जो कि शायद मयोंग फैमिली की टेरिटरी होती है। वहीं पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट जा रहे थे तो उन्हीं के बीच एक पर्सन कहता है मास्टर क्या हम मयोंग फैमिली में लौटने से पहले एक ड्रिंक ले सकते हैं, हर कोई सिक्योरिटी के मिशन के कारण थक गया है। मास्टर कहता है क्या बकवास है, क्या तुम भूल गए कि हम डायरियोक विलेज के साथ अभी वार में है? मुझे नहीं लगता कि डायरियोक विलेज इतना पागल है कि सिनयांग के भीतर हम पर अटैक करेंगे, पर हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमारा गार्ड एक सेकंड के लिए भी नीचे नहीं होने देना है। इतना वह कह पाता है तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसके सीने के आर पार कोई स्वर को करते हुए कह रहा था सच में मयोंग फैमिली के पास कोई भी अफेक्शन नहीं है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंडरवर्ल्ड के रास्ते में एक गिलास शराब पीना ठीक रहेगा? मास्टर कहता है भद्दे मास्क मुसु तुम यहाँ सिनयांग में क्या कर रहे हो? बाकी के बच्चे सारे मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं तुम भद्दे मास्क तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मयोंग फैमिली को प्रभोग करने की, तुम्हारा भेजा तो ठीक है ना? आयरन मास्क चिल्लाते हुए कहता है चू साल जो मयोंग फैमिली के सारे बंदे का हाथ और पैर पहले काटो जब तक उन सभी का सिर न कट जाए। हम देख पाते हैं उसके पीछे से कई सारे मार्शल आर्टिस्ट आते हुए उन सभी की ओर भागता है, जिसके कुछ समय बाद वहां ब्रदर और गुस्योंग आते हैं तो देखते हैं वहां के सारे मार्शल आर्टिस्ट पहले ही मारे गए हैं। गुस्योंग एक डेड बॉडी के पास जाते हुए कहता है यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे फादर ने बताया था। अब डायरियोक विलेज के बास्टर्डों ने इमीडिएटली अपने दांतों को निकालना शुरू कर दिया है, कैसी स्थिति है? ब्रदर कहता है भविष्यवाणी करना तो कठिन है लेकिन सिनयांग में अब बहुत सारी फाइट हो रही है। वह दोबारा कहता है वह स्मार्ट है, ऐसा लगता है कि वे पहले हमारे टेरिटरी के अंदर हमारे हाथ और पैर को काटने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त सिस्टर भी वहां आते हुए कहती है बिग ब्रदर। गुस्योंग कहता है जी तुम? सिस्टर कहती है नॉर्थ विंड गुन टैलेंट के लायन लीग अपेयर हुआ है। वो दोनों जिसे सुन चौंकते हुए कहते हैं क्या नॉर्थ विंड गुन टैलेंट, क्या तुम्हें यकीन है कि वह लायन लीग से च्योल म्यूरिन है? वह
कहती है, हाँ मैंने इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म हूँ। पीछे से ब्रदर कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि अब लायन लीग भी इसमें शामिल होने जा रही है, हमें इसे तुरंत संभालना होगा। चोल मोरिम वह व्यक्ति है जो निश्चित रूप से डायरियोक विलेज का साइड लेगा, जो कि लायन लीग के कमांड के अंडर है। मुझे पता है कि वह अटैक करने वाले हैं, लेकिन अगर हम उस पर जल्दबाजी में अटैक करते हैं तो हम पूरी लायन लीग को एक दुश्मन में बदल देंगे। पहले उसकी इंटेंशन को जानने की जरूरत है, उस यंग इविल स्माइल देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमें उनसे पर्सनली मिलने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ नॉर्थ रिज केव में जाओ और फादर को इसके बारे में बताओ और तैयारी करो। हो सकता है कि यह सब आज रात तक खत्म हो जाए, जिसके बाद हम देखते हैं एक अननोन जगह को जिसके अंदर एक कमरे में डॉक्टर एक लेडी को चेक कर रहे थे। फिर वह कहता है, यह थोड़ा डिफिकल्ट है, पर उसके वेंस गंभीर रूप से इंजर्ड हो गई है और साथ ही उसके ब्लड और एनर्जी भी स्कैटर हो गया है। डैन और वह बच्ची डॉक्टर की बातों को वहीं शांति से सुन रही थी। वह बच्ची थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, मदर। डैन कहता है, मुझे बताओ इसे क्या डिफिकल्ट बनाती है, क्या यह आपके स्किल के कारण है या फिर यह पैसों की वजह से है। डॉक्टर अपने स्टाइल में कहता है, मुझे यह कहते हुए पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं सनयांग में सबसे अच्छा फिजिशियन हूँ। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता है ना, लेकिन अगर मुझे कहीं से जंगली जिनसेंग हर्ब और कुछ दुर्लभ मेडिसिन मिले तो मैं कुछ शायद कर सकता हूँ। डैन एक गोल्ड को उसके आगे रखते हुए कहता है, तो यह सब पैसों की वजह से था। वह गोल्ड को देख कुछ भी नहीं बोल पाता। डैन कहता है, प्लीज उसका इलाज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितना खर्च करता है और इसमें कितना समय लगता है, आपको उसका इलाज करना है। डॉक्टर की तो सांसें तक अटक जाती है उस गोल्ड को देखकर। फिर वह कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बेशक मैं करूंगा, मैं अपने रेपुटेशन को दांव पर लगाता हूँ, मैं डेफिनेटली इसे महिला का इलाज करूंगा। तो ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ है जिसे मुझे बनाना है, मैं कल वापस आऊंगा। डैन बिना कुछ बोले उसकी ओर देख रहा था। वह बच्ची रोते हुए कहती है, मैं आपका एहसान मंद। डैन कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्या तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम सुंग वू है, यदि तुम गौरियों के पर्सन हो तो तुमको बिना सोचे समझे अपने आंसू नहीं दिखाना चाहिए, ना ही अब और ना ही भविष्य में। फिर किसी और जगह को देखते हैं जहां डैन बैठा सामने की ओर देख कुछ सोच रहा था और वह बोर होते हुए कहता है, मयोंग फैमिली बहुत सारी अनरिलेटेड इंसिडेंट है जो मयोंग फैमिली की ओर ले जाती है, हो सकता है कि उस समय के इंसिडेंट से इसका कोई लेना देना ना हो जब युआन के मैसेंजर ने नूना को युआन तक ड्रग किया था, लेकिन मास्टर के डॉक्टर के बारे में क्या। चुंगवू के स्टोरी के अकॉर्डिंग फिर वह उस बात को याद करता है जहां उसने पूछा था, चुंगवू तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कैसे हुआ। वह बताती है, मेरी माँ ने एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट का सामना किया था जब वह मेरे मिसिंग फादर को ढूंढ रही थी। मेरे फादर गॉर्जियो और अन्य कंट्री के बीच ट्रेड में मध्यस्थता की, पर एक दिन कुछ लोग जो मेरे फादर के साथ ट्रेड कर रहे थे वह सभी एक एक करके गायब होने लगे और अंत में मेरे फादर के साथ काम करने वाले गॉर्जियो के लोग भी गायब होने लगे। फिर मेरे फादर ने उनके साथ कनेक्शन रखने वाले मयोंग फैमिली से उन्हें खोजने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसी शाम मेरे फादर भी लापता हो गए। अफवाह यह है कि उन्हें मयोंग फैमिली के केव में सीटा गया था, इसका मतलब है कि वहाँ बहुत सारे गॉर्जियो के लोग होंगे। उसने कहा था कि मयोंग फैमिली का केव, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो एल्डर। ओल्ड बेगर पीछे से हंसते हुए कहता है, आप तो सच में बड़े खिलाड़ी हैं, आप अपने सर को घुमाए बिना कैसे जान सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ। डैन कहता है, क्योंकि कोई भी इस बात पर असहमति नहीं करेगा कि तुम दुनिया के सबसे बदबूदार ओल्ड मैन हो। वह दोबारा हंसते हुए कहता है, भिखारियों के लिए गंदगी इससे बेहतर कोई तारीफ नहीं हो सकती है ना, लेकिन आप किस बारे में सोच रहे हैं। डैन कहता है, मुझे पता है कि तुमने छत के ऊपर से सुनवंग के साथ मेरी सारी बातें सुनी है, गॉर्जियो के सारे लोगों के गायब होने वाले बातों के साथ। ओल्ड बेगर कहता है, वास्तव में गॉर्जियो के लोगों का गायब होना यह कोई नई बात नहीं है, 20 साल पहले से ही सनयांग और पूरे लियोनिंग प्रोविंस में यह एक नियमित घटना है। यू बैंग ने उस समय एक जांच की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, हालांकि हमने सोचा कि मयोंग फैमिली किसी तरह उन घटनाओं में शामिल हो सकता है, लेकिन यह विफल रह गया जब मयोंग फैमिली ने ठीक समय पर अपने सेक्ट के दरवाजे को बंद करने का अनाउंस किया। डैन कहता है, पर मैंने सुना है कि मयोंग फैमिली की इन्फॉर्मेशन दुनिया में सबसे अच्छी है, लगता है यह भी झूठ है। ओल्ड बेगर कहता है, देखने से लगता है आप बहुत इंपेशेंट है, यह तो 20 साल पहले की बात थी कि हमें कुछ नहीं मालूम था, पर यह अब अलग है, हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि उस केव का पता जिसे आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में बता सकता हूँ जब तक कि आप इसके लिए रीजनेबल प्राइस की भुगतान नहीं करते। डैन कहता है, तो क्या तुम एक
एक सौदा चाहते हो? वह कहता है, मैं तो बस ग्यो बैंक के सिद्धांतों का पालन कर रहा हूँ। तभी वहाँ कोई आता है जिसे देख कोई कहता है, वेलकम। वह उस ओर देखते हुए कहता है, यह पर्सन, उस पर्सन को हम देखते हैं जो अपने कोल्ड लुक के साथ वहाँ आ रहा था। उसे देख कोई कहता है, क्या ही सरप्राइज है, चोल म्यूरी नॉर्थ विंड गुणों का टैलेंट, 2 सेंट 3 टैलेंट और 4 हॉनर के ग्रुपों का राइजिंग स्टार और 3 ग्रेट लोगों में से एक, 9 सेंट्रल 5 ड्रैगन लीग और लायन लीग, 3 पावरफुल ग्रुप जिन्हें आयरन मार्शल एसोसिएशन के 3 सेंट्रल पिलर कहा जाता था, उन सभी के बीच से मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लायन लीग का यंग मास्टर पर्सनली यहां आ रहे हैं। अब मैं देखता हूं कि वह डायरी ऑफ विलेज और मुयोंग फैमिली के बीच क्लैश के बारे में कितना कंसर्न है। डैन सोचता है नॉर्थ विंड का टैलेंट, चोल मुरिन के पीछे से योसंग कहता है, लंबा समय हो गया है जब हम नहीं मिले मास्टर। वह उसकी ओर देख कुछ नहीं कहता। गुसियों ग्रीट करते हुए कहता है, नॉर्थ विंड के टैलेंट जो 3 महानुभवों में से एक है, आपको इस रिमोट एरिया में आने से मैं हॉनर महसूस कर पा रहा हूँ। वह उसे इग्नोर करते हुए कहता है, लंबे समय से नहीं मिले गुसियों। गुसियों कहता है, मुझे आपको कुछ बताना है, इस तरफ आइए और मुझे आपको एक ड्रिंक ऑफर करने की अनुमति दे। वह कहता है, आपके काइंडनेस के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा एक साथी है इसलिए मुझे क्षमा करें। वह कहता है, क्या एक साथी? चोल म्यो आगे बढ़ ग्रीट करते हुए कहता है, मैं लायन लीग से चोल मुरिन हूँ, मैं आपको ग्रीट करता हूँ पेट्रियाज होंग म्यू ग्यू, ग्यू बैंक के वाइज मैन। ओल्ड बैगर अपनी तारीफ सुन कहता है, ओह तो तुम मुझे जानते हो? वह कहता है, मैंने केवल अफवाह सुना है कि आप 10 साल पहले सेनयांग में रहने आ गए थे। गुसियोंग पीछे गुस्से में आग बबूला होता हुआ सोच रहा था, क्या वाइज मैन, क्या कोई ऐसा पेट्रियाज है ग्यो बैंक में जिसे वाइज मैन कहा जाता है और वह सेनयांग में 10 साल से रह रहा है? यह कितनी शर्म की बात है, वह सेनयांग में पूरे 10 साल से रह रहा है पर मुझे पता भी नहीं था कि वह मौजूद है। चोलमु गुसियोंग को देख बोलता है, ऐसा लगता है कि मुयोंग फैमिली इसे नहीं जानता था। ग्योसंग जिसे सुन ग्रीट करते हुए कहता है, आप यहाँ पेट्रियाज होंग है, मैं मुयोंग फैमिली से मुयोंग ग्योसुंग हूँ, मुझे आपको पहले ही ग्रीट कर लेना चाहिए था, मुझे माफ करे, प्लीज मेरे ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करे। डैन कहता है, मुझे लगता था तुम एक छोटे से रूम में रहने वाले हो पर तुम तो पेट्रियाज निकले। जिसे सुन ओल्ड बैगर अपने चौर में आने के बाद हंसते हुए कहता है, तो अब आप जानते हैं मैं कितना अमेजिंग हूँ या फिर नहीं? गुसियोंग कहता है, चूंकि आपने कहा था कि आपका एक साथी है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और इससे छोड़ दूंगा। डैन उसकी ओर देख रहा था। वह कहता है, अगर मुयोंग फैमिली और डायडियोक विलेज के बीच कोई इनविटेबल क्लैश होता है तो नॉर्थ विंड गुन टैलेंट क्या करेगी? वह कहता है, अनमैच स्वॉर्ड को उम्मीद है कि मुयोंग फैमिली और डायडियोक विलेज के बीच कोई संघर्ष नहीं होगा। सेनयांग में जो भी होता है वह किसी के कारण से होता है, इसलिए वह कंसर्न है कि यह प्लान बनाया गया है। गुसियोंग कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह हमारी फैमिली के ऊपर शक कर रहा है? चोल सेंग कहता है, यह कैसे हो सकता है, मुझे आशा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुसियोंग वहां से पलट कर जाते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब मुझे यहां से चलना चाहिए। चोल मुरिम प्लीज अपना ध्यान रखना, सेनयांग की रातें काफी डेंजर होती है। चोल म्यू कहता है, मैं आपके बातों को ध्यान रखूंगा। वह दोबारा कहता है, क्या वह कोई संघर्ष नहीं चाहता? इसका मतलब वह सोचता है कि हम डर गए, कितनी अजीब बात है। चोल मुरिम आप अपना ध्यान रखना क्योंकि यह दिन आपका आखिरी दिन होने वाला है।